हाँ, तो आज अपन आपकी बुक का चैप्टर 4 क्लाइमेट और जलवायु है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आपके फ्यूचर में बहुत ज़्यादा काम आएगा, और एज इट इज़ लैंग्वेज भी आपकी यही रहने वाली है। ठीक है, ये चैप्टर समझने वाला प्लस याद करने वाला दोनों है, बड़े ही ध्यान से समझना, थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है, आपकी बुक का सबसे मुश्किल अगर माना जाता है थोड़ा सा तो यही वाला चैप्टर है। ठीक है, इसमें बहुत सारे फैक्ट भी हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो सीधी सीधी याद ही करनी है, तो बड़े ही ध्यान से समझना है, डिट्टो मेरी तरह नोट्स बनाने हैं, और मैं कुछ फैक्ट जरूर जोड़ दूंगा करंट वगैरह के, वो भी आपको साइड में लिख लेना है। तो बहुत टॉप लेवल की इस चैप्टर को अपन तैयारी करने वाले हैं चैप्टर की। ठीक है, तो अपन हेडिंग लगा लेते हैं आपकी बुक का ये चैप्टर 4। ठीक है, और जिसका नाम है क्लाइमेट यानी कि जलवायु। ठीक है, जलवायु। इस चैप्टर में अपन क्या क्या पढ़ेंगे वो समझो, थोड़ा सा देख लेते हैं। इस चैप्टर में अपन पढ़ेंगे जलवायु, एक तो खुद जलवायु को पढ़ेंगे, क्लाइमेट क्या होता है, ठीक है, और इसके अंदर अपन पढ़ेंगे मौसम। ठीक है, मौसम को पढ़ने वाले हैं, मौसम का मतलब वेदर। एक बार थोड़ी सी इमेज बना लो दिमाग में कि वेदर, जैसे भारत का वेदर कैसा है, इंडिया का वेदर कैसा है, ठीक है, इसमें कौन कौन सी ऋतुएं होती है, जैसे शीत ऋतु है, ठीक है, यानी कि विंटर सीजन है, और इंडिया के अंदर कौन सी है, गर्मी की सीजन हो जाएगी यानी कि ग्रीष्म ऋतु है। तो ये सब बातें अपन इसमें पढ़ने वाले हैं, यानी कि समर सीजन हो गई, तो समर सीजन हो गई, मौसम पढ़ेंगे। फिर अपन इसके अंदर पढ़ेंगे मानसून, ठीक है, मॉनसून भी अपन इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। तो मॉनसून को कौन कौन से ऐसे फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं, मॉनसून से कहाँ कहाँ अपनी बारिश होती है, कब मॉनसून आता है, कब मॉनसून जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें अपन को मॉनसून के अंदर पढ़नी है। भारत में मॉनसून की बारिश कहाँ कहाँ होती है, ये सब अपन इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और क्लाइमेट जलवायु खुद तो पढ़ेंगे, इसके अलावा अपन चार ऋतुएं पढ़ेंगे। ठीक है, 4 सीजन पढ़ेंगे, 4 ऋतुएं। ठीक है, ये जो चार ऋतु जो मौसम की जानकारी देने वाले जो वैज्ञानिक होते हैं, ठीक है, जिनको अपन ये बोलेंगे मेटरो, METEORO, मेट्रोलॉजिस्ट, जो मेट्रोलॉजिस्ट होते हैं उनके अकॉर्डिंग 4 ऋतुएं पढ़ेंगे अपन, ये ग्रीष्म शरद ये सारी इसमें ऋतुएं 4 पढ़ने वाले हैं। लेकिन जो हमारी कुछ परंपरागत हैं, ठीक है, मतलब जो हमारी परंपरागत होती हैं, जो ट्रेडिशनल जिनको बोलते हैं अपन, ट्रेडिशनल जो हमारी चलती आ रही है, जैसे कि चैत्र वैसाख ज्येष्ठ महीनों में, ये इस तरीके की 2-2 महीने के करके 6 ऋतुएं पढ़ेंगे अपन इसके अंदर, 6 सीजन। ठीक है, तो इसमें अपन 6 सीजन पढ़ने वाले हैं। तो ये जो 6 सीजन है ये ट्रेडिशनल है हमारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से सीधा क्वेश्चन आएगा। फिर आपका ये जो क्वेश्चन है क्लाइमेट, यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा कि इनको फैक्टर, ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं, यानी ऐसे कौन से कारक हैं जो हमारी जलवायु को प्रभावित करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, हमारे क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं ये चीज़ें। तो ये छोटी सी एक इमेज है, अपन इसके अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है चैप्टर के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही प्रॉपर तरीके से। कुछ चीज़ें मैं आपको ऐसे डायग्राम बना के ही बताने वाला हूँ, जैसे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मतलब कि जो ये आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ है, 23.5 डिग्री कहाँ कहाँ से निकलता है, उस डायग्राम को भी आपको नोट्स के अंदर बना लेना है, जैसे जो टॉपिक करोगे उसके ऊपर उसको बना लो और उसके बाद में उसके बारे में लिख दो। तो बहुत ही बुक से थोड़ा सा हटिए, एक दो चीज़ एक्स्ट्रा जोड़ जोड़िए अपन इसको, बिल्कुल कहते हैं ना कॉम्पिटिशन वाला टच करेंगे थोड़ा सा, और बहुत ही अच्छे तरीके से इस चैप्टर को अपन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलो फिर अब अपन स्टार्ट करते हैं। हाँ, अब अपन स्टार्ट करते हैं, और बिल्कुल शुरुआत में बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन लिए हैं जो सीधा सीधा 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है, और इस चैप्टर में जो बातें लिखी हुई है उसका पता भी होना चाहिए। जैसे कि पहला कि मौसम यानी कि वेदर, आपको पता होना चाहिए वेदर क्या है, पता जरूर है कि मौसम ये होता है कि कभी ठंड कभी गर्मी कभी बारिश का, ये सब पता है, लेकिन उसकी डेफिनेशन वर्डिंग में कैसे लिखोगे। तो देखो, मौसम वायुमंडल की क्षणिक अवस्था है, मतलब थोड़े टाइम के लिए, वेदर इज द मोमेंट्री स्टेट ऑफ द एटमोस्फियर, कैसे ये बहुत जल्दी चेंज होता है, ये विद इन वीक विद इन डे में भी 2-3 बार मौसम चेंज हो जाता है कभी कभी, देखना आप। जैसे बारिश का मौसम होता है, मॉर्निंग में धूप होती है, अपन को लगता है बारिश नहीं आएगी, और घंटे 2 घंटे बाद में अचानक से बारिश आ जाती है, ठीक है, धूप गायब हो जाती है, कभी कभी गर्मी बढ़ जाती है, ऐसे मतलब ऐसा माहौल मौसम जो है चेंज होता रहता है, यानी ये क्षणिक अवस्था है, मौसम जल्दी जल्दी बदलता है, जैसे कि एक दिन में बदल सकता है या फिर एक सप्ताह में बदल सकता है, कि पिछले 7 दिन तो ठीक चला, आज से वापस ठंड ज़्यादा बढ़ गई, या फिर ये सब वो सब समझते हो आप, ठीक है, यानी कि वेदर चेंजेस क्विकली, मे बी विद इन अ डे और ए वीक, इस तरीके से हम वर्डिंग लिख दोगे तो 1 मार्क्स पक्का मिल जाएगा आपको। ठीक है, ये हो, क्योंकि ये 1 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। सेकेंड, जलवायु, क्लाइमेट। अब क्लाइमेट चैप्टर का नाम क्लाइमेट, जलवायु बहुत कुछ पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन पता होना चाहिए जलवायु क्या है। तो देखो, जलवायु और मौसम में थोड़ा कंपैरिजन भी आ सकता है एग्जाम में 1 मार्क्स में, कि मौसम तो जल्दी जल्दी बदलता है, लेकिन जलवायु कभी जल्दी से नहीं बदलती है, ध्यान रखना।
जलवायु का मतलब क्लाइमेट, जैसे आप अपने आसपास के क्षेत्र को देखना, 50 साल 100 साल तक वैसी ही जमीन रहेगी, वैसा ही माहौल रहेगा। हाँ 50 साल 60 साल 100 साल बाद में हो सकता है चेंजेज आ जाए, कैसे कि जैसे बहुत सालों पहले अपने पुरुषों की टाइम पर वो अपन को कहते हैं कि पहले के में एसी नहीं हुआ करती थी, कूलर वगैरह भी नहीं हुआ करते थे, फिर भी हम इजीली रह लेते थे क्योंकि इतना टेम्परेचर या गर्मी नहीं पड़ती थी। लेकिन आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ गई कि एसी भी कुछ टाइम में फेल हो जा होने लग गए हैं बहुत सारी जगह, या फिर कूलर वगैरह फेल हो जाते हैं, इतनी भयंकर गर्मी पड़ती है। तो ये थोड़ा सा चेंजेज आ जाता है कि पहले बहुत ज़्यादा बारिश होती थी, अब बारिश बहुत कम हो रही है, ज़मीनों में उपजाऊपन फर्टिलिटी खत्म होती जा रही है। तो हाँ क्लाइमेट चेंज जरूर होता है लेकिन बहुत सालों बाद, लेकिन मौसम तो बहुत जल्दी चेंज हो जाता है। तो दोनों में डिफरेंस भी पूछे तो भी आपको इनकी डेफिनेशन से याद हो जाएगा, ठीक है, अलग भी पूछेगा तो भी आप लिख लोगे। तो जलवायु का तात्पर्य अपेक्षाकृत लंबे समय की मौसमी दशाओं के औसत से होता है। जलवायु में बदलाव 50 अथवा इससे भी अधिक वर्षों में आता है, वर्ष यानी वर्षों में, ठीक है, ईयर यानी कि क्लाइमेट रेफर्स टू द एवरेज ऑफ द वेदर कंडीशंस ओवर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, लंबे समय तक रहता है जबकि वो क्विकली या कम टाइम के लिए रहता है। क्लाइमेट चेंजेस इम्परसिप्टिवली एंड मे बी नोटेड आफ्टर 50 ईयर्स और इवन मोर, 50 साल या फिर इससे भी ज़्यादा टाइम में ये बदलाव इसमें आता है। ये क्लाइमेट के बारे में अगर एग्जाम आ जाए तो लिख देना। फिर एग्जाम आ जाए मानसून, मानसून देखा होगा कि हमारी जो हमारी भारत की जलवायु पूरी मानसूनी जलवायु है हमारी, ठीक है, यानी कि मानसून के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ बारिश होती है। बेसिकली गर्मी के दिनों में जून में उनमें हमारे जब मानसूनी हवाएं आती है मानसून से बारिश होती है, ठीक है, और जो सर्दी में कभी कभार हो जाती है जिसे अपन मावठ की बारिश बोलते हैं नवंबर के समथिंग, वो मावठ वो कभी कभी होती है, लेकिन मानसून हमारी जो पूरी क्लाइमेट है मानसूनी है। तो मानसून से अभिप्राय क्या मतलब है मानसून से, तो मानसून से अभिप्राय ऐसी जलवायु से हैं जिसमें ऋतु के अनुसार, जैसे कि समर के अंदर गर्मी के अंदर बारिश होती है तो जैसे ऋतु आती है उस अकॉर्डिंग पवने चलती है, पूर्वी हवा चलती है, पूर्वी से हमारे यहाँ पर बारिश हो जाती है। तो पवनों की दिशा में उत्क्रमण हो जाता है, उत्क्रमण का मतलब पवनों की दिशा बदल जाती है और फिर कभी इधर से तो कभी इधर से, जो भी उनका डायरेक्शन होता है पवनों की दिशा में उत्क्रमण मतलब चेंजेस हो जाता है इस वजह से, ठीक है, उसे मानसून कहते हैं। तो मानसून कनोट्स द क्लाइमेट एसोसिएटेड विद सीजनल रिवर्सल इन द डायरेक्शन ऑफ विंड्स। ये मानसून अगर आ जाए, मानसून के अंदर आपको ऐसा लिखना है कि ये ऋतु के आधार पर चलने वाली हवाएं होती है उसको अपन मानसून कहते हैं। बात एक लाइन में और लिख देना, वैसे ये अलग से भी पूछा जाए तो भी काम आ जाएगा कि इंडिया हैज हॉट मानसूनल क्लाइमेट विच इज द प्रिवेंट क्लाइमेट इन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। जैसे कि हम एशिया महाद्वीप के अंदर आते हैं, एशिया उसमें कॉन्टिनेंट में आते हैं, तो एशिया के अंदर जो साउथ और साउथ वेस्ट का पूरा एशिया है वहाँ पर ये पूरी की पूरी कैसी होती है मानसूनी होती है, यानी कि भारत की जलवायु उष्ण है, यानी कि हॉट मानसूनल है, उष्ण मानसूनी है जो दक्षिणी से लेके पूरा दक्षिण पूर्व एशिया में पाई जाती है सेम टू सेम। अब ये इसी में लिख देना अगर ये मानसून आए तो भी, और अलग से भी आ सकता है कि भारत की जलवायु मतलब इंडिया का जो क्लाइमेट हो कैसा है तो उष्ण मानसूनी यानी कि हॉट क्लाइमेटिकली, या फिर ये आ जाए ये कहाँ से कहाँ तक इसका विस्तार एक्सटेंशन कहाँ तक है, तो पूरा साउथ से लेके साउथ ईस्ट जो साउथ ईस्ट एशिया है उस तक पूरा ये फैला हुआ है, ठीक है, हमारा क्लाइमेट। तो बहुत इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत कुछ आगे भी डायग्राम वगैरह में समझा दूंगा मैं आपको। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर एक मतलब कि जलवायु में एक प्रकार का एक के होते हुए, एक के मतलब समान सिमिलरिटी होते हुए भी भारत की जलवायु के क्षेत्रीय विभिन्नताएं पाई जाती है, उपयुक्त उदाहरण देते हुए इस बात को स्पष्ट करो, यानी कि नॉट विथ स्टैंडिंग द ब्रॉड क्लाइमेट यूनिटी द क्लाइमेट of India has many regional variations. Elaborate this statement giving suitable examples. ये आपकी जो चैप्टर के लास्ट में दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट भी है, ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर, तो ध्यान रखना जो जो होते जा रहे हैं आप बुक में टिक करते जाओ कि ये अपना नोट्स भी बनते जा रहे हैं और नोट्स में भी लिख लेना ताकि ये पता चले कि पीछे वाले क्वेश्चन भी अपने जो चैप्टर के लास्ट में दे रखे होते हैं वो भी अपन सोल्व करते जा रहे हैं ताकि आपको पता रहे कि कौन कौन से बच गए कौन से हो गए। तो ये अपना वो वाला क्वेश्चन है, इसको पहले क्वेश्चन को समझो। अपन ये कह रहे हैं कि भारत की, अपन ये लाइन लिखी हुई है कि भारत की जलवायु उष्ण मानसूनी मतलब कि हॉट मानसूनल है, ये अपन ने लिखा कि हॉट मानसूनल है, उष्ण मानसूनी है, ये बात अपन ने लिख दी। वही क्वेश्चन है कि आप ये कह रहे हो कि पूरी की पूरी जलवायु में एक समान है, एक की है मतलब एकजुटता है, यूनिटी है, फिर भी जगह जगह अलग अलग जगह डिफरेंस या विभिन्नताएँ पाई जाती है, ऐसे कुछ उदाहरण दो तो ये समझाना है। उदाहरण का मतलब ये देखो
कि मानसून पवन, पहले पूरा समझना बहुत इजीली, मैं आपको पहले एग्जांपल समझा देता हूँ, पहले सीधा एग्जांपल पे आओ। जैसे केरल और तमिलनाडु की बात करें तो केरल तमिलनाडु की जलवायु है ना, वो उत्तर प्रदेश और बिहार की जलवायु से बिल्कुल अलग है। केरल तमिलनाडु के अंदर आपको पता है बारिश अच्छी खासी होती है, जबकि उत्तर प्रदेश बिहार में कभी कभी होती है, बिहार में कभी बाढ़ की स्थिति आ जाती है, इतनी बारिश होती है कभी होती नहीं है, मतलब एक अलग अलग तरह का है। लेकिन फिर भी हम यही कहेंगे है तो मानसूनी, क्योंकि भारत में बारिश जो है वो मानसून से ही होती है, इसलिए हम पूरी की पूरी उसको कहेंगे मानसूनी, और लगभग गर्मी के दिनों में, इसलिए अपन कहते हैं उसको हॉट यानी उष्ण, ये ध्यान रखना। तो हाँ, जगह चेंजेस जरूर है क्योंकि क्लाइमेट चेंज है, खान पान तभी तो अलग हो जाता है क्योंकि कहीं पर चावल ज़्यादा होते हैं तो कहीं पर गेहूं वगैरह ज़्यादा होते हैं, ये अलग अलग तरह की सिस्टम है। तो ये क्वेश्चन में यही बताना है अपन को, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत नॉलेजेबल है, कि मानसून पवनों की व्यवस्था भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एकता को प्रदान करती है, क्योंकि सेम टू सेम है तो हमें यहाँ पर यूनिटी फील आती है, कि द मानसून रिजम एम्फसाइज द यूनिटी ऑफ इंडिया विद द रेस्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशियन रीजन, ठीक है। सेकेंड बात यह कि ये तो चलो अपने एकजुटता की बात कर ली, कि भारत के विभिन्न प्रदेशों के मौसम और जलवायु को एक दूसरे से अलग करती है, भारत के जो विभिन्न प्रदेश हैं ना उनके मौसम और जलवायु को एक दूसरे से अलग करती है, जैसे कि दक्षिण में केरल तमिलनाडु की जलवायु, और उत्तर में, ये तो दक्षिण की बात करें नीचे की, और उत्तर की बात करें तो यूपी और बिहार की जलवायु अलग है। फिर भी इन सभी राज्यों की जलवायु मानसून प्रकार की है तो अलग, यूपी नॉर्थ में आ गया और ये तमिलनाडु केरल नीचे दक्षिण में आ गया, यहाँ पर बारिश अच्छी खासी हो जाती है, ऊपर कम होती है, फिर भी है तो मानसून अली, क्योंकि होती मानसून से बारिश है। तो ये हमारी एकजुटता है, क्लाइमेट चेंज है, सब कुछ है चेंज है, फिर भी हमारी एकजुटता है। तो ये अपन को बताना है इस क्वेश्चन में, कि इट्स रीजनल वेरिएशंस व्हिच डिफरेंशिएट द वेदर एंड क्लाइमेट ऑफ डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया। फॉर एग्जाम्पल, द क्लाइमेट ऑफ केरल एंड तमिलनाडु इन द साउथ आर सो डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड बिहार इन द नॉर्थ, एंड येट ऑल दीज हैव ए मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। फिर भी यहाँ पर मानसून टाइप क्लाइमेट पाया जाता है। तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, अभी ये पूरा नहीं है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन मेरी बात को समझना, अगर ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में आता है तो इतना आंसर ठीक है, एक एग्जांपल भी हो गया और ये हो गया, लेकिन अभी इसने आपकी बुक में लिखा है 125 शब्द में आंसर लिखो, क्योंकि तीसरे का फर्स्ट पार्ट देख लेना आप बुक में लिखा हुआ है 125 वर्ड्स, तो आ सकता है अपन 125 से लेके 150 वर्ड्स तक का इसको तैयार करेंगे। तो छोटा आएगा तो छोटा तो आप लिख सकते हो, बड़े से छोटा, लेकिन बड़ा आसान है, लेकिन छोटे को बड़ा करना मुश्किल है, इसलिए अपन इसको बड़ा पूरा लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद में अपना क्वेश्चन कंप्लीट होगा। हाँ, तो अब मैंने आगे आपके 3 पॉइंट बनाए इस आंसर को शानदार तरीके से कंप्लीट करने के लिए, हालांकि इसके अंदर और भी एग्जांपल बहुत सारे दे सकते थे, लेकिन उतने एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है, एक एक दो दो एग्जांपल अपन लेंगे, बहुत बहुत कुछ सीखोगे आप इसमें, ध्यान से सुनना, और मैं 2-3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ इसके अंदर जो करंट से रिलेटेड होगी, जो आप उसको साइड में कहीं लिख लेना। जैसे कि तापमान की प्रादेशिक विभिन्नता, यानी कि रीजनल वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर, आपको पता है भारत के अंदर कई जगह पर तो ज़्यादा टेम्परेचर है, कहीं पर कम टेम्परेचर है सेम टाइम में। जैसे कि अपन राजस्थान की बात करें, क्योंकि अपन एग्जाम्पल राजस्थान में भी अपने एनसीईआरटी बुक के अंदर है, कि राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा अगर गर्मी के हिसाब से जिला पूछे कि सबसे गर्म जिला कौन सा है, तो वो हॉट डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर ज़्यादा टेम्परेचर रहता है, हाई टेम्परेचर रहता है, तो जिला पूछे, डिस्ट्रिक्ट पूछे, तब तो है चूरू जिला। राजस्थान का 33 डिस्ट्रिक्ट है, 30 डिस्ट्रिक्ट उसमें से चूरू जिला एक ऐसा जिला है जहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, 50 डिग्री सेल्सियस को भी क्रॉस कर जाता है वो, ठीक है, वहाँ पर गर्मी के दिनों में। और लेकिन अगर आपसे फिक्स जगह पूछे, देखो एग्जाम 2-3 क्वेश्चन आते हैं, एक तो पूछ लिया कि ऐसा कौन सा जिला है जिसमें गर्मी सबसे ज़्यादा पड़ता है, तो चूरू राजस्थान के, राजस्थान की बात कर रहा हूँ, और राजस्थान में ये पूछे कि नहीं राजस्थान में ऐसी कौन सी जगह है, फिक्स एक जगह जहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो फिर आता है फलोदी, जोधपुर जिले के अंदर आती एक जगह है फलोदी, साइड में कहीं लिख लेना, चलो मैं नीचे लिखा देता हूँ फलोदी, ठीक है, जोधपुर जिले के अंदर पड़ती है फलोदी जगह, साइड में कहीं लिख लेना इस चीज़ को, ये एक फिक्स जगह है जहाँ पर राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। और अगर डिस्ट्रिक्ट पूछे, जिला पूछे, तो है चूरू, दो अलग अलग बातें पूछी जाती है, ये तो मतलब ओवरऑल पूरे जिले में गर्मी पड़ती है, लेकिन एक फिक्स जगह की सबसे ज़्यादा, जैसे चेरापूंजी में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, वो वाली चीज़ें बताऊँगा, तो फलोदी के अंदर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर 50 क्रॉस कर जाता है एक फिक्स जगह, और चूरू भी 50 क्रॉस कर जाता है, ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ पड़ती है, ये फिक्स जगह है, ये फिक्स जिला है, ये बात हो गई। इसके अलावा मैं आपको कुछ करंट की बातें और लिखा दूँ,
जैसे अपन आते हैं एशिया महाद्वीप के अंदर, ठीक है, अपन एशिया में आते हैं और एशिया के अंदर एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर जो है सबसे गर्म जगह कौन सी है, सबसे ठंडी जगह वो भी साइड में लिख लो, जो पूरे संसार के अंदर भी है। यानी कि एक जगह है बर्कोयांस्क, लिख लेना साइड में कहीं, बर्कोयांस्क, ठीक है, बर्कोयांस एक जगह है। ये पड़ती है आपके, जो मैंने अभी आगे पढ़ाऊंगा आपको, साइबेरिया से आने वाली ठंडी, बहुत ठंडी पवनी आती है साइबेरिया से, बहुत ठंडी कोल्ड विंड्स, ये बर्कोयांस्क साइबेरिया के अंदर पड़ता है, ठीक है, साइबेरिया के अंदर ही पड़ता है बर्कोयांस। इंग्लिश में तो यांस ही है, क्या नहीं आएगा, बर्कोयांस एक जगह है। तो ये है सबसे विश्व में, संसार में सबसे ठंडी जगह है ये, ठीक है, सबसे ठंडी जगह। यहाँ पर माइनस में 69 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, ठीक है, माइनस में 69 डिग्री। इसीलिए साइबेरिया से आने वाली ठंडी पवने जो हमारे भारत के अंदर आने से कौन रोकता है, हिमालय पर्वत, हिमालय उसको रोक लेता है, वरना अपन की हड्डियां अकड़ के टूट जाए, इतनी ज़बरदस्त ठंडी हवाएं होती है, बहुत ठंडी हवाएं, माइनस में 69 डिग्री सेल्सियस। तो ध्यान रखना, ये बर्कोयांस्क पूरे संसार में सबसे ठंडी जगह है, ठीक है, और एक है, और ये एशिया महाद्वीप में पड़ती है, ये कौन सा कॉन्टिनेंट है, एशिया में पड़ती है। एक है तीरथ जवी, ठीक है, सॉरी यहाँ आएगा, तो तीरथ जवी की भी लिख लो, तीरथ जवी, ये इसराइल देश में पड़ती है, इसराइल, ठीक है, इसराइल जो देश है ना वहाँ पड़ता है, और ये है सबसे गर्म जगह, यहाँ पर 54 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। हालांकि हमारे राजस्थान में भी इस फ्लोदी में 50 क्रॉस कर जाता है, लेकिन अभी तक ये चीज़ उतनी अपडेट नहीं हो पाई है, लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर मेज़र किया गया है। ये कभी कभी 5-10 साल में हो सकता है चेंज भी हो जाए, लेकिन हाल फिलहाल इस बिल्कुल करंट में सबसे ठंडी जगह पूरे संसार में, सबसे ठंडी जगह बर्कोयांस्क है, जो साइबेरिया के अंदर पड़ता है, वहाँ पर -69 डिग्री सेल्सियस है, और संसार में सबसे गर्म जगह तीरथ जवी है, जो इसराइल कंट्री के अंदर पड़ता है, जहाँ पर 54 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है। दोनों ही एशिया महाद्वीप में आते हैं, ये ध्यान रखना, ये साइड में के लिख लिया करो, कुछ चीज़ ऐसी आपको होती है जिसमें अभी से आपको अपडेट लेते हुए चलना है। अब हम वापस आते हैं कि वाइल द समर द मरकरी ओकेजनली टचेस 55 डिग्री सेल्सियस इन द वेस्टर्न राजस्थान, ठीक है, इन ड्रॉप्स डाउन टू एज लोज एज -45 डिग्री सेल्सियस इन विंटर राउंड ले। ये डिफरेंशिएट इतना डिफरेंट है, यानी कि गर्मियों में पश्चिम मरुस्थल में तापक्रम कई बार 55 डिग्री सेल्सियस को स्पर्श कर जाता है, वहीं जबकि सर्दियों में लेह के तापमान लगभग -45 डिग्री तक गिर जाता है। ये भारत में इतना बड़ा वेरी मतलब चेंजेस है, ठीक है। एक दो एग्जांपल लेंगे अपन, राजस्थान के चूरू जिले में जून के महीने में किसी एक दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस या फिर इससे ज़्यादा हो जाता है, ध्यान रखना, जबकि उसी जून के उसी दिन में सेम डे अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले का तापमान मुश्किल से 19 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचता है। बताओ इतना बड़ा चेंज है भारत में, फिर भी हमारी जलवायु तो मानसूनी है, ये खास बात है हमारी जलवायु की, हमारे क्लाइमेट की, ठीक है। मतलब एक दिन ऐसा मान लो कि जून का, ऐसा मान लो कि 20 तारीख, 21 तारीख, 15 तारीख, कोई सी भी तारीख जिसको 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया अपने चूरू जिले में, लेकिन उसी दिन सेम डे जो भारत के अंदर पड़ता है तवांग जिला अरुणाचल प्रदेश का, वहाँ पर 19 डिग्री नहीं पहुँच पाता। तो ये हमारे इतना चेंजेज है, ठीक है। यानी कि चूरू इन राजस्थान में रिकॉर्ड टेम्परेचर ऑफ 50 डिग्री सेल्सियस और मोर ऑन जून डे वाइल द मरकरी हार्डली टचेज 90 डिग्री सेल्सियस इन तवांग डिस्ट्रिक्ट जो अरुणाचल प्रदेश के अंदर पड़ता है ऑन द सेम डे। तो ये बड़ा डिफरेंस है, ये भी आपको लिख देना है। दो एग्जाम्पल इसके अंदर हो गए, इससे ज़्यादा लिखने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, ये तो अपन टेम्परेचर की बात करी, अब वर्षा में भी कुछ डिफरेंशिएट है, मतलब वर्षा की भी प्रादेशिक विभिन्नताएं हैं कुछ, कैसे कि बारिश भी कम ज़्यादा ऐसा मामला है। जैसे हमारे राजस्थान के अंदर जैसलमेर में बिल्कुल ना के बराबर बारिश होती है, ऐसा एवरेज देखा गया कि पूरे साल में एक बार भी बारिश नहीं होती, कभी कभी पूरे साल में ये हालत है राजस्थान के जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट की। तो देखो कि हिमालय के अंदर बारिश किससे होती है आपको बताइए, बर्फ़ के पिघलने से,
तो मतलब पानी मिल जाता है, तो हिमालय में वर्षण मुख्यतः हिमपात के रूप में होता है। हिमपात का मतलब बर्फ का पिघलना, स्नोफॉल। रीजनल वेरिएशन ऑफ रेन, व्हाइल स्नोफॉल अकर्स इन द हिमालयाज इट ओनली रेन्स ओवर द रेस्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है, जबकि देश के अन्य भागों में होता है जल बूंदों के रूप में। जैसे हिमालय में तो बर्फ पिघल के वहाँ पानी आ जाता है, लेकिन बाकी जगह कैसा होता है, इवेपोरेट होकर जल ऊपर ऊपर चढ़ता है, या ऐसा मान लो कि बादल बनते हैं और फिर बूंदों के रूप में पानी गिरता है, जो आप भी देखते हो हमारे यहाँ बूंदों के रूप में पानी गिरता है, ठीक है, और हिमालय रीजन के अंदर बर्फ पिघलता है। ये दो तरह के बारिश होती है, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल ले लेंगे अपन कि मेघालय की खासी पहाड़ियों में स्थित चेरापूंजी, ध्यान रखना चेरापूंजी और मौसिनराम अलग से, वनमाक्सा क्वेश्चन यहीं पर बन रहे हैं, सब इसी में से बनेंगे जो मैंने अंडरलाइन कर दिए। चेरापूंजी और मौसिनराम में औसत वार्षिक वर्षा 1080 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है। भारत में सबसे ज़्यादा बारिश होने वाली जगह पूछा जाए तो चेरापूंजी और मौसिनराम कहाँ पड़ता है, मेघालय के अंदर, मेघालय स्टेट के अंदर। खासी पहाड़ियाँ, खासी पहाड़ियों, वैसे भी कहते हैं ना खास पहाड़ियों क्योंकि बारिश ज़्यादा होती है, तो ऐसे याद हो जाएगा, मेघालय के अंदर खासी पहाड़ियाँ। और मेघालय मतलब जहाँ पर मेघ ज़्यादा हो बारिश, तो ऑटोमेटिक याद हो रहा ना मेघालय, तो राज्य भी याद रह जाएगा क्योंकि जहाँ पर मेघ ज़्यादा होंगे, बादल ज़्यादा होंगे, बारिश वहीं पर होगी, तो मेघालय की खासी पहाड़ियाँ, पहाड़ियाँ बड़ी खास है, तो ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। मेघालय की खासी पहाड़ियों में चेरापूंजी और मौसिनराम, वहाँ पर एवरेज जो रेन है वो बारिश है वो 1080 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा होती है, ध्यान से समझना। यानी कि वाइल चेरापूंजी एंड मौसिनराम इन द खासी हिल्स ऑफ मेघालय रिसीव रेनफॉल ओवर 1080 सेंटीमीटर इन ईयर, वहीं अपन जैसलमेर की बात करते हैं, इसके विपरीत राजस्थान के जैसलमेर में औसत वार्षिक वर्षा शायद ही 9 सेंटीमीटर से अधिक हो पाती हो, बड़ी मुश्किल से, ठीक है। ये एग्जाम्पल है, उल्टा हो गया ना, एक में बहुत ज़्यादा एक में बहुत कम, इसका मतलब बड़ा वेरिएशन है बारिश में भी, ठीक है। यानी कि जैसलमेर राजस्थान रेयरली गेट्स मोर देन 9 सेंटीमीटर रेनफॉल ड्यूरिंग द सेम पीरियड, ये हालत है, तो इस वजह से इतनी ये डिफरेंसेस जो देखा जाता है, जो शायद ही मेघालय की गारो पहाड़ियों में स्थित तूरा में एक ही दिन में उतनी वर्षा होती है जितनी जैसलमेर के 10 वर्षों में नहीं होती, ये बड़ा डिफरेंशिएट। और चाहो तो ये भी लिख देना कि मेघालय की गारो पहाड़ी है, वहाँ पर एक तूरा एक जगह है, ठीक है, तूरा में एक दिन में जितनी बारिश होती है वो 10 साल जैसलमेर में लग जाए तो भी नहीं होती, ये इतना बड़ा डिफरेंशिएट है, ठीक है। इंग्लिश में मैंने शायद लाइन नहीं लिखी, लिख देता हूँ, इंग्लिश में नहीं लिख दिया है, तुर्रा सिचुएटेड इन द गारो हिल्स ऑफ मेघालय में रिसीव एन अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन ए सिंगल डे विच इज इक्वल टू 10 ईयर्स ऑफ रेनफॉल एट जैसलमेर। बहुत एग्जाम्पल, ये भी दो एग्जाम्पल, अपन दो तीन एग्जाम्पल बन जाएंगे इस पॉइंट में भी, ये है इतना बड़ा डिफरेंस है अपने, ठीक है। और लास्ट है वर्षा की ऋतु की प्रादेशिक विभिन्नता भी है, यानी कि रीजनल वेरिएशन ऑफ रेन इन सीजन्स, बारिश में भी कुछ ऋतुओं की ओर है, कैसे कि देश के अधिकांश भागों में वर्षा जो होती है वो जून और सितंबर के बीच में होती है, बेसिकली भारत के लगभग पार्ट में, यानी कि मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री गेट रेनफॉल ड्यूरिंग जून एंड सेप्टेम्बर। लेकिन देखो ये डिफरेंस इतना है कि किंतु तमिलनाडु जो है, तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा शरद ऋतु में भी हो जाती है अथवा जाड़ों में आरंभ होती है, ये बड़ा डिफरेंस है ना। तो ये भी एक वजह है, कारण देना है ये भी आपको कि बट ऑन द कोस्टल एरियाज ऑफ तमिलनाडु इट रेन्स इन द बिगिनिंग ऑफ द विंटर सीजन। जाड़े का मतलब, ये जाड़े को तो जानते होंगे, ठंडे दिनों को कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा जाड़ा पड़ रहा है, मतलब ठंड सर्दी। तो ये भी थोड़ा ऋतु को लेके भी डिफरेंस है हमारे भारत के अंदर। फिर भी ओवरऑल हम ये कहेंगे, देखो चाहे जाड़े में हो चाहे गर्मी में हो, बारिश कहीं पर भी हो लेकिन होती मानसून से ही है, इसलिए इन सभी भिन्नताओं और विभिन्नताओं को के बावजूद भारत की जलवायु अपनी लय और विशिष्टता में मानसूनी ही है, ठीक है। लय मतलब अपने काम करने का तरीका, जिस तरह से तरीका होता है लय, वैसे ही बारिश आने का तरीका और इसकी कुछ विशेषताएं हैं वो तो सब मानसूनी है, ठीक है। यानी कि इन स्पाइट ऑफ दीज डिफरेंसेस एंड वेरिएशंस द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज मॉनसूनल इन रिदम एंड कैरेक्टर, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया, ये क्वेश्चन नंबर 4 अपना वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत कुछ फैक्ट आपने सीखे इसमें, क्योंकि फैक्ट बहुत है और ये फैक्ट आप सीधे सीधे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव जो एग्जाम होते हैं, सीधे सीधे पूछे जाते हैं। चार चार ऑप्शन दे रखे होते हैं, उसमें किसी एक को टिक करना है। अब अपन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो इससे ही बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ,
अब देखो ये क्वेश्चन आपका 5, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 101% एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांस है हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में और हर स्कूल के एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, क्योंकि इस चैप्टर का कहते हैं एकदम एक जान है इस चैप्टर की ये क्वेश्चन, क्योंकि अपन पढ़ रहे हैं भारत की जलवायु, इंडिया का जो क्लाइमेट है उस क्लाइमेट को कौन कौन प्रभावित करते हैं, कौन कौन उस पर इफेक्ट डालते हैं, वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं। तो क्वेश्चन बड़े ध्यान से पढ़ना है कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए, ठीक है, यानी कि डिस्क्राइब द फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारे क्लाइमेट को डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी एज दैट इज ऐसा कैसा आपको लिखना है, ठीक है, आगे ना सेंस कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी सब जगह। तो भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों को मोटे तौर पर अपन दो वर्गों में बांटेंगे, इसमें वेरी इंपॉर्टेंट है, दो वर्गों में, हो सकता है वन मार्क्स में कोई क्वेश्चन आ जाए कितने वर्गों में बांट के स्टडी करते हैं, तो टू टाइप्स का क्लासिफिकेशन है इसका, ठीक है, यानी कि इंडियाज क्लाइमेट कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इन टू ग्रुप्स। फर्स्ट ग्रुप है फैक्टर्स रिलेटेड टू लोकेशन एंड रिलीफ, ठीक है, यानी कि स्थिति तथा उच्चावच संबंधी कारक। स्थिति तथा उच्चावच का मतलब है कि भारत की जलवायु मतलब किस जगह कैसी है, क्या क्या इसको ऐसे जो डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है, वो चीज कैसी कंडीशन है। पहला कारक है स्थिति और उच्चावच का, पहला है अक्षांश, ठीक है, यानी कि लैटिट्यूड, ये सब अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ लिया था। अब इस पार्ट को पूरे को समझने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं डायग्राम के साथ बना के, ठीक है, उस डायग्राम को भी आप इससे पहले बना सकते हो, जैसे आप इतना तो उतार चुके होंगे, उसके बाद में ये पॉइंट जैसे लगाओगे ना, इससे पहले उस डायग्राम को बना लेना, ताकि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है समझ में आ जाए, वरना समझ में नहीं आएगी, ठीक है। हाँ, अब मैं आपको डायग्राम से बहुत नॉलेज की चीज़ बताता हूँ जो आपको इस फर्स्ट वाले पॉइंट को समझने में हेल्प रहेगी और वैसा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हालांकि बेसिक इंट्रोडक्शन में भी कुछ इससे रिलेटेड बातें मैंने आपको बताई भी हैं, ठीक है, वही वाली चीज़ है। तो ये 0 डिग्री और अपन थोड़ा इक्वेटर बनाते हैं पहले, यानी कि विषुवत रेखीय क्षेत्र 5 डिग्री और ये 5 डिग्री नॉर्थ, ये तो हो गया विषुवत, यानी कि आप इसको विषुवत क्षेत्र बोल दो चाहे इक्वेटर बोल दो, ठीक है, ये चीज़ें तो आपने ज्योग्राफी जो बस फर्स्ट जो अपने वीडियो बनाया था इंट्रोडक्शन वाला, उसके अंदर सारी बातें बता रखी है। तो ये चीज़ जो है ये हो जाएगी अपने इक्वेटर, ठीक है, और अपन बात करें अभी कर्क रेखा की, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की, ठीक है, बना देता हूँ 23.5 डिग्री वाली लाइन, ये है लगभग भारत के बीचों बीच से निकलती है, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि कर्क रेखा, ठीक है, ये हो जाएगी कर्क रेखा, इसी की अपन अपने इस फर्स्ट वाले 5वें क्वेश्चन में इसकी बात कर रहे हैं अपन, कर्क रेखा, इसका नॉलेज करना बहुत ज़रूरी है। तो देखो जो ये कर्क रेखा है ये भारत के लगभग बीचों बीच से निकलती है, और इसकी मैं आपको एक नॉलेज की बात बता दूं कि ये भारत के 8 राज्यों से होकर निकलती है। भारत के कितने स्टेट्स हैं? 8 स्टेट्स हैं, तो यानी कि भारत के 8 राज्यों, लिख लेना साइड में बहुत ज़रूरी है, 8 राज्य यानी कि स्टेट्स, भारत के 8 स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ से ये बिल्कुल निकलती है बीचों बीच से, और वो भी क्रम से याद करना, सबसे पहले आता है गुजरात, ठीक है, गुजरात, फिर आता है आपका राजस्थान, ठीक है, राजस्थान अगर मैप होता तो इजीली याद हो जाएगा, फिर आता है एमपी, लेकिन फिर भी ऐसे याद कर लेना, फिर छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, और फिर आ जाता है आपका पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल जो बांग्लादेश के जस्ट पास में ही वो वाला, ठीक है, तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा, फिर हो जाएगा आपका त्रिपुरा और मिजोरम, इस तरीके से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, हाँ 8 स्टेट को ये मतलब बिल्कुल काटती हुई निकलती है, कौन? कर्क रेखा, बहुत नॉलेज की बात है, लिखना साइड में। अच्छा, ये एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है आजकल ये क्वेश्चन पूछा जाने लग गया, क्योंकि इसमें एक ट्रिक है, ट्रिक मैं बता देता हूँ आपको, मित्र पर गमछा झाड़, लेकिन ये क्या है कि अब अलग तरह से क्वेश्चन आने लग गया, इसलिए मी का मतलब तो मिजोरम हो गया, त्रय से हो गया आपके त्रिपुरा, ठीक है, पै से हो गया पश्चिम बंगाल, रे से हो गया राजस्थान, ठीक है, गे से हो गया अपना गुजरात, और मै से हो गया मिजोरम हो गया मणिपुर का, सॉरी मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छा से छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़,
जा से हैं झारखंड और र से हो जाएगा, और क्या बच गया, झाड़ है। कोई और बच गया क्या? अपना बच गया अब जार, जार से पूरे से झारखंड ही है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आठ में ये पूरा झारखंड ही हो गया। मतलब मित्र पर गमछा झार या झाड़ कहते हैं ना कि झाड़ झड़खाना, लेकिन बात ये है ना कि ये जो झार या झारखंड जो भी है, इस ट्रिक से आठ ये तो याद हो जाएंगे, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाने लग गया लाइन वाइज क्रम से एडजस्ट करो। पूरे चार या पांच का नाम होता है कि इनको सिस्टमेटिक ढंग से कि पहले कौन सा आएगा, बाद में कौन सा आएगा, बाद में कौन सा आएगा। इसलिए ये ट्रिक भी आपके ठीक है, काम आ सकती है। किसके लिए? याद दिलाने के लिए कि अच्छा कौन सा रह गया, वरना तो सबसे पहले गुजरात राजस्थान ऐसे चलना, ये कंटिन्यूटी आपकी रहनी चाहिए, ठीक है, एमपी छत्तीसगढ़। तो क्रम से आपको याद करना है, बाकी स्ट्रिक को भी आप अप्लाई कर सकते हो तो इजीली याद हो जाएगा, ठीक है। ये आठ राज्यों को छूती हुई निकल जाती है, एक बात तो ये। और एक मैंने एक ट्रिक और बना रखी है, वो भी एक क्वेश्चन आया था इसी कर्क रेखा से ही, और वो है गरबा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है गरबा। ये गरबा की ट्रिक क्या है कि ये आपसे पूछेगा कि जो ये कर्क रेखा है, इस कर्क रेखा के पास में फेमस सिटीज, फेमस शहर है, ये भारत के फेमस शहर है। तो जिससे तो हो गया गांधीनगर, फेमस शहर की बात की जाती है, ऑप्शन में आता है कि कौन सा है कौन सा नहीं है, ठीक है, उस तरीके से। और यू से हो जाएगा आपके उज्जैन, ठीक है, उज्जैन हो गया। आर से हो जाएगा रांची, ठीक, और बी से हो जाएगा आपका भोपाल, ठीक है, बी से है भोपाल, और ए से है अगरतला, अगरतला। तो ये भी आपको याद रखना है, साइड में लिख लेना, बहुत काम की चीज़ें हैं, इजीली इनको याद कर लोगे तो ये आगे बहुत आपके काम आएगा, ठीक है। ये आपका उज्जैन हो गया और भोपाल हो गया और अगरतला हो गया, ये पांच ऐसे शहर हैं जो इसके बिल्कुल टच में, मतलब ऐसा मान लो बिल्कुल नियर जिसे बोला जाता है, वो शहर हैं, ठीक है। ये भी आपको याद रखना चाहिए साइड में, क्योंकि जब कर्क रेखा की बात कर रहे हैं तो क्यों ना साइड एक दो क्वेश्चन साइड में कर लिए जाए, ये चीज़ है। और ये हो गई, और ये आप जानते हो नॉर्थ पोल होता है, उत्तरी ध्रुव यानी कि नॉर्थ पोल, ठीक है, 90 डिग्री कुछ बोल दो, ये साउथ पोल दक्षिण ध्रुव, ये भी अपन को पता ही है। तो इस तरीके से ये चीज़ उसने पूछी, लेकिन उस अब क्वेश्चन में अपने में वापस आ जाते हैं, वो क्या है कि कर्क रेखा का जो ऊपरी पोर्शन है वो कहलाता है उत्तर, भाई ये क्या कहलाता है, नॉर्थ, और इसके जस्ट नीचे वाला कहलाता है साउथ का। तो देखो साउथ जो कर्क रेखा के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे साउथ में है वो तो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन सीधा सीधा आ गया है आपके यहाँ से, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र यानी कि ट्रॉपिकल जोन, ये ट्रॉपिकल जोन है, कौन सा, जो कर्क रेखा के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ में है नीचे, यही तो है अपना फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। और जो इसके ऊपर है वो हो जाएगा शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ठीक है, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र यानी कि सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट जोन, ठीक है, सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट जोन, ये अपना नॉर्थ पार्ट है, सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट जोन यानी कि शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, और दक्षिण वाला उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र यानी ट्रॉपिकल जोन, यही अपना फर्स्ट क्वेश्चन है। तो देखो इसके इसके नज़दीक जो आएंगे, इसके पास जो आएंगे, क्योंकि ये क्या है, भूमध्य रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा, इसके पास में कम से, वो सारी बातें अपन अभी क्वेश्चन पढ़ने वाले, लेकिन आपको ये पता हो गया कि कर्क रेखा कहाँ कहाँ से निकलती है, ठीक है। हाँ, तो इस पार्ट को आपने समझ लिया ना, तो अब आपके लिए इस पॉइंट को समझना बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि अब जब तक नहीं समझता तो ये कैसे समझ में आते, इसकी वर्डिंग शब्दावली समझ में नहीं आती। तो ध्यान रखना अक्षांश, पहले अपन बात करें अक्षांश की, तो आपको पता है हमारा जो अक्षांशीय विस्तार है भारत का, यानी जो लैटिट्यूड का जो एक्सटेंशन है, वो अपन ने स्टार्टिंग बेसिक इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में पढ़ लिया था, 30 डिग्री के लगभग है, यानी लगभग 30 डिग्री के आसपास है, ये अपने स्टार्टिंग पढ़ लिया था बस। हालांकि आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वैसे जरूरत नहीं है, कि कर्क रेखा पूर्व पश्चिम दिशा में, अभी पता चल गया किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में चलती है, तो देश के बिल्कुल बीचों भाग, लगभग बीचों से मध्य भाग से गुजरती है, ठीक है, यानी कि द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेज थ्रू द सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शंस, ठीक है। इस प्रकार भारत का उत्तरी भाग, अब यहां से वन मार्क्स का क्वेश्चन तैयार हो जाता है, जो भी मैंने आपको डायग्राम में समझा दिया था कि जो भारत का नॉर्दर्न पार्ट है, जो उत्तरी भाग है, वो पड़ता है शीतोष्ण कटिबंध में, ठीक है, यानी कि द नॉर्दर्न पार्ट जो हमारा उत्तरी भाग है ऑफ द इंडिया लाइज इन सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट जोन, वेरी इंपॉर्टेंट है वन मार्क्स में, ये आपको याद करना है, ठीक है। और कर्क रेखा का जो दक्षिणी भाग है, जो साउथ में पड़ता है नीचे, वो पड़ता है, यानी कि जब अपन बात करें दक्षिण की,
कर्क रेखा जो दक्षिण में है वो हो गया उष्ण कटिबंध में पड़ता है, ठीक है। यानी कि एंड द पार्ट लाइंग साउथ, साउथ पड़ता है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर फॉल सिंधु, वो पड़ता है ट्रॉपिकल जोन में। ये आपको याद रखना, वन मार्क्स का तैयार हो गया, जो अपने डायग्राम में इजीली समझ लिया, ठीक है। अब बात करते हैं अपन भूमध्य रेखा की। तो और अब बात इसी, अब देखो मेरी बात सुनना, अपने दो पॉइंट पढ़े हैं, नॉर्थ पार्ट को क्या कहते हैं, साउथ पार्ट को क्या कहते हैं, पढ़ लिया। अब इन दोनों के बारे में एक एक लाइन और लिखनी है। तो अभी अपन साउथ पार्ट का लिख रहे हैं, लास्ट में किसका छोड़ा, लास्ट में साउथ पार्ट का लिख रहे हैं, इसी को लिंक करा देंगे भाई। दक्षिण भाग का लिख रहे हैं ना, दक्षिण भाग में ये पड़ता है, और इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। ये जो उष्ण कटिबंधीय है, उष्ण कटिबंध भूमध्य रेखा के अधिक निकट होता है, ठीक है, क्योंकि अपने डायग्राम में समझ लिया था भूमध्य रेखा कहाँ से जा रही है, तो उष्ण कटिबंध उसके नजदीक पड़ता है। तो नजदीक होने के कारण सारा वर्ष यानी कि पूरे साल भर उच्च तापमान और कम दैनिक और वार्षिक तापांतर का अनुभव रहता है। यानी कि द ट्रॉपिक ऑफ, ये हो गया हाँ, एंड द ट्रॉपिकल जोन बीइंग नियरर द इक्वेटर एक्सपीरियंस हाई टेम्परेचर्स थ्रू आउट द ईयर विथ स्मॉल डेली एंड एनुअल रेंज, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना, क्योंकि इसी को यहाँ से भी वन मार्क्स का क्वेश्चन तैयार हो सकता है कि भूमध्य रेखा के नजदीक होने से कैसा मतलब टेम्परेचर वगैरह कैसा रहता है। तो टेम्परेचर हाई रहता है, उच्च तापमान, कम दैनिक और वार्षिक तापांतर, तो ये वार्षिक और दैनिक, दैनिक मतलब दिन का पर डे मान लो, वो थोड़ा कम रहता है एवरेज, ऐसा अनुभव होता है। अब बात करते हैं अपन उत्तरी भाग की। ये तो अपन दक्षिण भाग की करते तुरंत यहीं पर, अब अपन उत्तरी भाग की करते हैं। तो उत्तरी भाग जो है नॉर्थ पार्ट, वो पड़ता है शीतोष्ण कटिबंध में, ठीक है। तो शीतोष्ण कटिबंधी भूमध्य रेखा से होगा दूर, क्योंकि ये तो होता है पास, ये होता है दूर। दूर होने के कारण यहाँ उच्च दैनिक तथा वार्षिक तापांतर के साथ, वो तो है ही है, विषम जलवायु पाई जाती है, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफरेंट इसके अंदर है, यानी कि द सब ट्रॉपिकल जोन जो ऊपर वाला है नॉर्थ वाला, उसकी अपन बात करें तो बींग अवे फ्रॉम द इक्वेटर एक्सपीरियंस क्लाइमेट विद डेली एंड एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। ये चीज़ भी आपको ईजिली ध्यान रखना है, इसमें थोड़ी जो जलवायु है वो भी कैसी रहती है, वो भी विषम तरह की जलवायु रहती है। यानी कि एक्सपीरियंस क्लाइमेट विद डेली एंड एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर। तो ये वेरी इजी सा क्वेश्चन है, यहाँ पर वन वन मार्क्स का क्वेश्चन बन सकते हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से समझना है, ठीक है। अब बात करते हैं हिमालय पर्वत की। हिमालय पर्वत के बारे में आप सब जानते हो कि हमारे नॉर्थ पार्ट के अंदर हिमालय पर्वत पड़ता है, बाकी तीन दिशा के अंदर तो हमारी जो भारत का जो तीन दिशा है, इधर 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 और नीचे की, वहाँ में तो पूरा मतलब इंडियन ओशियन हिंद महासागर पड़ता है, और उत्तरी उत्तर के अंदर पड़ता है अपना हिमालय हिमालय पर्वत, ठीक है। और हिमालय पर्वत तो जो है वो साइबेरिया से आने वाली ठंडी जो पवनी होती है, बहुत ज़्यादा कोल्ड, एकदम कहते हैं ना कि हड्डियाँ मतलब अकड़ जाए ऐसी ठंडी हवा, उसको रोकता है और हमारी सुरक्षा करता है। इतनी भयंकर ठंडी हवाओं से आने वाली, मतलब कहते हैं ना जमा देने वाली पवनें, उनसे हमारी सुरक्षा प्रदान करता है हिमालय पर्वत, और वहाँ पर उन हवाओं को रोक के हमारे भारत में वर्षा भी करवाता है। ये बहुत बड़ा हेल्प है हमारे लिए हिमालय पर्वत की। देखो होता क्या है, आप भी सोचेंगे कि वर्षा को रोक के बारिश कैसे है, सॉरी हवा को रोक के बारिश कैसे। हवा एक ऐसी होती है जो बारिश को यहाँ से उस देश में ले जाती है, साथ में बहा के ले जाती है, क्योंकि हवा का मतलब जो बादल बनते हैं उन बादलों के लिए हवा, जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि पुरवाई हवा अगर सही रहती है तो वो वाली चीज़, अगर हवाएँ सही चलेगी, दिशा में चलेगी, तभी बारिश होगी, वरना नहीं होती। तो ये वही वाली चीज़ है, हवाओं को ही वहाँ पर रोक देता है ताकि हमारे भारत के अंदर इजीली बारिश हो सके। अभी पूरा पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि उत्तर में ऊंची हिमालय पर्वत श्रृंखला उपमहाद्वीप को उत्तरी पवन है मतलब जो साइबेरिया से आती है, उन उत्तरी पवनों से अभेद सुरक्षा प्रदान करती है, ठीक है। द हिमालयन माउंटेन, द लॉफ्टी हिमालयन इन द नॉर्थ, द टोवरिंग माउंटेन चेन प्रोवाइड्स एन इनविंसिबल शील्ड टू प्रोटेक्ट द सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम द कोल्ड नदन विंड्स। जो ठंडी पवने आती है उनसे बिल्कुल ईजिली हमारी ये सुरक्षा करती है, और जमा देने वाली ये ठंडी पवने, मतलब इतनी ठंडी जम जाए इंसान, सब बर्फ, सब पानी सब जम जाए, बर्फ तो खैर पानी हो जाएगा, पानी का बर्फ बन जाएगा, कि जमा देने वाली ठंडी पवने उत्तरी ध्रुव रेखा के निकट पैदा होती है। जो हमारा उत्तरी ध्रुव, जो भी डायग्राम अपन समझा था, जो नॉर्थ पोल है, उस नॉर्थ पोल पे ऊपर जो नॉर्थ पोल होता है 90 डिग्री, तो उत्तरी ध्रुव रेखा के बिल्कुल नज़दीक से ही पैदा होती है और मध्य तथा पूर्व एशिया के आर पार बहती हुई चली जाती है, ठीक है, मिड एशिया से। तो ध्यान रखना, दिस कोल्ड एंड चिली विंड्स ओरिजिनेट नियर द आर्कटिक सर्कल बोल दो चाहे उसको, ठीक है, आर्कटिक सर्कल भी बोलते हैं उसको, एंड ब्लो अक्रॉस सेंट्रल एंड ईस्टर्न एशिया, ठीक है। इसके बाद लास्ट लाइन पढ़ लेते हैं कि द हिमालयाज ऑल्सो ट्रैप द मॉनसून विंड्स फोर्सिंग
them to shed their moisture within the subcontinent. यानी कि ये हवाओं को रोक लेता है, हिमालय पर्वत की मानसून पवनों को रोककर, जो हमारा सबकॉन्टिनेंट मतलब उपमहाद्वीप का मतलब, यहाँ पर भारत का मतलब है, यहाँ भारत से मतलब है, तो वहाँ पर वर्षा का कारण बनता है, वरना बारिश हमारे हो ही नहीं सकती। ये बड़ा कारण है उस हमारे वहाँ पर हवाओं को रोक लेता है, ईजिली वहाँ बारिश हो जाती है, ठीक है। और दूसरी बात, ठंड से भी बचाव है, तो ये बहुत सारे कारण इसके अंदर हैं। तीसरा है जल और स्थल का वितरण, ठीक है। यानी कि अपन बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर, ये भी ज़रूरी है। जमीन, जल का मतलब तो पानी और स्थल का मतलब हमारी ज़मीन, ठीक है। तो थोड़ी सी बातें आपने सुनी होगी, ये तो मैंने अभी समझा दिया कि भारत के दक्षिण में तीन ओर तो हिंद महासागर है, और उत्तर में है ऊंची पर्वत व अविचिन पर्वत श्रेणी। ये कौन सी, मतलब तीन तरफ तो इंडियन ओशियन है, और ऊपर जो पर्वत श्रेणी की बात की जा रही है वो हिमालय। आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि तीन ओर तो हिंद महासागर है और उत्तर में हिमालय है, तो भी चल जाएगा, ठीक है। यानी कि इंडिया इज द फ्लैंक बाय द इंडियन ओशियन ऑन थ्री साइड्स, इन द साउथ एंड ग्रिल्ड बाई ए हाई एंड कॉन्टिन्यूस माउंटेन वॉल इन द नॉर्थ। नॉर्थ के अंदर पड़ती है माउंटेन वॉल, ठीक है। उसके बाद अपन अगर बात करें तो फिर अपन ले लेंगे यहाँ से कि स्थल की, हाँ ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वन मार्क्स में आ सकता है ये, कि जो स्थल का मतलब जमीन जो होती है, स्थल की अपेक्षा जल है ना वाटर, वो देर से गर्म होता है, ये ध्यान रखना। जमीन जल्दी से गर्म नहीं होती, पानी सॉरी जमीन जल्दी से गर्म हो जाती है, लेकिन पानी थोड़ा लेट गर्म होता है। तो स्थल की अपेक्षा जल देरी से गर्म होता है और देरी से ही ठंडा होता है, ये रूल है पानी का, ठीक है। इस कारण भारतीय उपमहाद्वीप में विभिन्न ऋतुओं में विभिन्न वायुदाब प्रदेश विकसित हो जाते हैं। समझाता हूँ, अभी पूरी बात समझना, समझने वाली बात है कि इज कंपेयर्ड टू द लैंड मास वाटर हीट्स अप और कूल्स डाउन स्लोली। इसी वजह से, इस डिफरेंट की वजह से, दिस डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी क्रिएट्स डिफरेंट एयर प्रेशर जोन्स इन डिफरेंट सीजन्स इन एनी अराउंड द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। पूरा पढ़ लेते हैं, कॉजेज रिवर्सल इन द डायरेक्शन ऑफ मॉनसून विंड्स, ठीक है। वायुदाब में भिन्नता मानसून पवनों के उत्क्रमण के कारण बनती है। देखो होता क्या है, वायुदाब क्या होता है, वायुदाब होता है जो हमारे अर्थ है ना, जो मतलब पृथ्वी है, इसके ऊपर हवा का जो प्रेशर होता है, हवा का प्रेशर मतलब उस हवा के वजन से, और यहाँ पर प्रेशर बेल्ट्स क्रिएट हो जाती है, ठीक है। यानी वायुदाब जो ये हैं, ये बहुत ज़्यादा वायुदाब जिसे बोलते हैं, वो वायुदाब प्रदेश का मतलब, अलग अलग जगह वायुदाब प्रेशर बेल्ट क्रिएट हो जाती है। हालांकि आप कितना लेवल है नहीं, वरना प्रेशर बेल्ट का भी एक पूरा बड़ा टॉपिक है, वायुदाब जो पवनें होती है उन सब का। तो वो सब होने की वजह से होता है क्या, कहीं गर्मी, कहीं ठंड, कहीं ज़्यादा प्रेशर की वजह से कहीं पर बारिश कम होती है, कहीं बारिश कम ज़्यादा, ऐसे ही तरीके से चलता है। तो ये भी आपको इजीली याद करना है। तीन पॉइंट अपने कंप्लीट हो गए, अभी तो एक दो पॉइंट इसके अंदर और है, ठीक है। हाँ, तो इसी में चौथा पॉइंट देखो, फोर्थ पॉइंट है समुद्र तट से दूरी, ये भी एक कारण है, यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम द सी। समुद्र तट से दूरी होने पर क्या देखो डिफरेंस आपको मिलेगा कि लंबी तटीय रेखा है अपनी, ठीक है। तो लंबी तटीय रेखा मतलब जहाँ पर समुद्र से बहुत दूर है, पूरी जमीन जमीन ज़्यादा है हमारे पास, तो लंबी तटीय रेखा के कारण भारत के विस्तृत तटीय प्रदेशों में समकारी जलवायु पाई जाती है। मतलब हमारे अपन पानी के पास में तो है नहीं, तो इसलिए हमारे लगभग जो समकारी का मतलब इक्वल क्लाइमेट मिलता है लगभग एटमॉस्फेयर हमारा, मतलब जलवायु जो हमारी, यानी कि विथ ए लॉन्ग कोस्ट लाइन लार्ज कोस्टल एरियाज हैव ए इक्वल या फिर ऐसा मान लो इक्वेबल क्लाइमेट, ठीक है। लेकिन जो कुछ एरिया की भारत का जो अंदरूनी भाग है, भारत के अंदरूनी भाग का मतलब जो बिल्कुल बीच के एरिया, जहाँ पर जो बाउंड्री पे ना हो, बीच के जो पार्ट अंदरूनी भाग जो, वो समुद्र के समकारी प्रभाव से वंचित रह जाते हैं। भाई भारत के जरूर नीचे वाला पोर्शन थोड़ा बहुत समुद्र से टच में है, जो मैप के अंदर आपने देखा होगा, बाकी जो बीच के जो पोर्शन है, जहाँ पर नजदीक जैसे राजस्थान हो गया, इनके आसपास में कहीं समुद्र नहीं है, तो जो बीच का पोर्शन है समुद्र में समकारी, वो उनको पता ही नहीं चलता कि वो ये प्रभाव कैसा होता है समुद्र का, जो समकारी वो बिल्कुल वंचित रह जाते हैं उससे, ये भी इजीली है। तो ऐसे क्षेत्रों में विषम जलवायु पाई जाती है। एग्जांपल लेते हैं, मतलब वहाँ पर थोड़ी क्लाइमेट चेंज होता है, जैसे कि मुंबई और कोंकण है। अब आपको पता है मुंबई और कोंकण दोनों, ये गोवा हो गया, मुंबई कोंकण, ये समुद्र के पास के इलाके हैं, बिल्कुल समुद्र के नज़दीक इलाके हैं, तो यहाँ पर तापमान विषमता नहीं पाई जाती, वहाँ पर नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, सर्दी गर्मी एक जैसी, थोड़ी सी मामूली ठंड पड़ती है, बाकी ठंड पड़ती नहीं है, नॉर्मल इक्वल रहता है वहाँ पर। मतलब ऐसा मान लो कि जो हमारा साउथ इंडिया है ना, दक्षिण भारत, वहाँ पर गर्म कपड़े पहनने की जरूरत नहीं होती, ऊनी वस्त्र पहनने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो समुद्र के पास में जहाँ पर मॉइस्चर रहता है, ह्यूमिडिटी रहती है, इस वजह से वहाँ पर ज़्यादा ठंड पड़ती नहीं है, ठीक है।
और ना कोई ज़्यादा गर्मी पड़ती है, इक्वल सा माहौल रहता है। तो वहाँ पर तापमान की जो विषमता नहीं पाई जाती, ये ध्यान रखना। लेकिन जबकि जो दूसरी ओर समुद्र तट से दूर है, जहाँ आसपास में बिल्कुल समुद्र ऐसी है ही नहीं, जैसे दिल्ली है, कानपुर है, अमृतसर है, यहाँ पर तापमान विषमता पाई जाती है क्योंकि नज़दीक नज़दीक समुद्र नहीं है, तो सीधे सीधे टेम्परेचर पर इफेक्ट पड़ेगा। तो ये भी आपको ईजिली एग्जाम्पल याद हो गया होगा, एरियाज इंटीरियर ऑफ इंडिया आर फॉर अवे फ्रॉम द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द सी, सच एरियाज हैव एक्सट्रीम्स ऑफ क्लाइमेट। ठीक है, और एग्जाम्पल ले लेना कि टेम्परेचर असेंबली इन नॉर्थ फॉर्न ऑन मुंबई एंड कोंकण कोस्ट, वाइल ऑन द अदर हैंड दिल्ली, कानपुर एंड अमृतसर आर फॉर्न अवे फ्रॉम द कोस्ट। जो इनसे दूर है वो बिल्कुल उनको नहीं पता चलता कि क्लाइमेट कैसा है, क्या कुछ वहाँ पर चेंजेस होता है, जबकि वहाँ पर बिल्कुल भी चेंज नहीं होता। ये ध्यान रखना। इजीली मैं अगर वन वर्ड ऐसे शब्दों में कहूँ कि समुद्र के तट के जो पास में हैं वहाँ पर बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस नहीं होता, वहाँ पर इक्वल सा माहौल रहता है, जलवायु क्लाइमेट और टेम्परेचर जो है वो इक्वल रहता है। लेकिन जो समुद्र तट से दूर है, जैसे कि आप राजस्थान की बात कर लो, राजस्थान के अंदर सर्दी में भयंकर सर्दी पड़ती है, गर्मी में गर्मी पड़ती है, इक्वल माहौल नहीं है। ऐसे नेक्स्ट देखो, समुद्र तल से ऊंचाई, ये अल्टीट्यूड जिसे बोलते हैं अपन, ये भी है हमारे समुद्र तल से ऊंचाई का भी एक माहौल है कि ऊंचाई के साथ तापमान हमेशा घटता है। ध्यान रखना, ऊंचाई जो जो बढ़ती है टेम्परेचर घटता चला जाता है। और जहाँ पतली हवा होती है, थिन एयर, विरल वायु के कारण पर्वतीय प्रदेश मैदानों की तुलना में ज़्यादा ठंडे होते हैं। सीधी सीधी याद कर लेना, कोई मुश्किल नहीं है। यानी कि एल्टीट्यूड बोल दो चाहे हाइट फ्रॉम द सी बोल दो, यानी कि टेम्परेचर डिक्रीजेज विद हाइट, ये वन मार्क्स में आ सकता है, ये ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। और ठीक है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता है, सॉरी हाइट जैसे जैसे बढ़ती है टेम्परेचर डिक्रीज होने लग जाता है। ठीक है, तो ड्यू टू थिन एयर प्लेसेज इन द माउंटेन्स आर अदर देन प्लेसेज ऑन द प्लेन्स। एग्जाम्पल कि आगरा और दार्जिलिंग का अपन एग्जाम्पल ले रहे हैं, ध्यान से समझना। आगरा जो यूपी के अंदर पड़ता है, दार्जिलिंग, आगरा एंड दार्जिलिंग आर लोकेटेड ऑन द सेम लैटिट्यूड, एक ही अक्षांश के ऊपर दोनों स्थित है। बट टेम्परेचर ऑफ जनवरी, अगर अपन जनवरी की बात करें, जनवरी जो होती है दिसंबर के बाद में, लगभग ठंड वहाँ पर रहती है उस टाइम पर। आगरा में तो 16 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है, वहीं पर दार्जिलिंग के अंदर 4 डिग्री सेल्सियस रहता है, जबकि दोनों एक ही अक्षांश के ऊपर है। तो ये मेन हाइट का भी फर्क है पड़ता है, यानी कि आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित है, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस जबकि दार्जिलिंग का 4 डिग्री सेल्सियस ही होता है। ठीक है, अब अपने जो मेन हेडिंग लगाई थी, फर्स्ट वो लगाई थी अपने स्थिति और उच्चावच। ठीक है, यानी कि एक तो अपने लिखा था लोकेशन, वो तो अपने पढ़ लिया स्थिति, और अब बात रही है एक ये रिलीफ की, रिलीफ फीचर जो है वो अलग से पढ़ना है उसी के अंदर। यानी कि जो अपने हेडिंग लगाई थी ना फर्स्ट की, स्थिति है ऊंचावच, तो वो अभी तक ये लोकेशन के पॉइंट थे, अब उसी में ऊंचावच जो अलग से पढ़ना है उसको, थोड़ा सा ही है, उसके बारे में ज़्यादा मुश्किल नहीं है। रिलीफ, द फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया ऑल्सो अफेक्ट्स द टेम्परेचर, एयर प्रेशर, डायरेक्शन, स्पीड ऑफ विंड एंड द अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। द विंडवर्ड साइड्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स एंड असम रिसीव हाई रेनफॉल ड्यूरिंग जून सितंबर। ये ऐसे सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं, इसको तो भूल ही मत जाना, और ज़्यादा चाहे याद नहीं लिखना, ये तो लिखना है कि भारत का जो भौगोलिक स्वरूप है, जो फिजियोग्राफी मतलब है, वो तापमान, वायुदाब, पवनों की गतियों, दिशा तथा ढाल की मात्रा, विचरण को प्रभावित करता है। सीधी सी बात है, हमारा जो भौतिक स्वरूप है ना भाई, कहीं पर मिट्टियाँ भी अलग अलग तरह की, सोइल भी डिफरेंट डिफरेंट तरह की है। भारत में कहीं पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो कहीं पर कम, कहीं पर बारिश बहुत कम तो कहीं पर बारिश बहुत ज़्यादा। ये जो फिजियोग्राफी का अनबैलेंस है ना, इस वजह से टेम्परेचर, एयर प्रेशर, वायुदाब वगैरह, वायुदाब का मतलब होता है अर्थ, जो हमारे अर्थ पड़ती है उसके ऊपर जो वजन होता है, हवा का जो वजन है वो एयर प्रेशर होता है, वायुदाब होता है, इन सब में क्या होता है कि प्रभावित करता है ये हमारे यहाँ के एटमॉस्फेयर को। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं अपन कि जून और जुलाई के बीच में पश्चिमी घाट जो है, वेस्टर्न जो घाट है, वहाँ तथा असम के पवन अभिमुख ढाल अधिक वर्षा प्राप्त कर लेते हैं। तो ये एक एग्जांपल दे लेना, क्योंकि ये सब किस कारण से हैं, ये जून और जुलाई के महीने में वहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है, जबकि अपने यहाँ राजस्थान की अपन अगर बात करें तो यहाँ पर भी जून जुलाई में होती है, लेकिन उतनी नहीं जितनी यहाँ वेस्टर्न घाट में होती है। फिर है सेकेंड पॉइंट, वायुदाब एवं पवनों से जुड़े कुछ कारक है, तीन कारक है, ये सेकंड पॉइंट है, सेकंड हेडिंग, मेन हेडिंग तो वो स्थिति वो वाली हो गई, इसमें ऊंचावच यहाँ के खत्म हो गया, और सेकंड पॉइंट है वायुदाब एवं पवनों से जुड़े कारक, यानी कि फैक्टर्स रिलेटेड टू एयर प्रेशर एंड विंड। इसके तीन फैक्टर है, सीधे सीधे याद कर लेना कि वायुदाब एवं पवनों का धरातल पर वितरण, ठीक है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर एंड विंड्स ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। सेकेंड फैक्टर है भूमंडलीय मौसम को नियंत्रित करने वाले कारकों, विभिन्न वायु
सहतियों एवं जेट प्रवाह के अंतर्वाह द्वारा उत्पन्न ऊपरी वायु संचरण। ये वायु सहतियाँ मतलब तेज हवाएं चलना और जेट प्रवाह भी, जेट स्ट्रीम वगैरह मैं कभी पढ़ा दूंगा आपको, बहुत बड़े बड़े टॉपिक है लेकिन अभी आपको सीधा सीधा याद करना है। उसके द्वारा उत्पन्न वायु संचरण और तीसरा शीतकाल में जो पश्चिमी विक्षोभ है, पश्चिमी विक्षोभ ठीक है वो, तथा दक्षिण पश्चिमी मानसून काल में उष्णकटिबंधीय अवदाबों के भारत में अंतर वहन के कारण उत्पन्न वर्षा की अनुकूल दशाएं। देखो ये जेट हवाएं जब चलती है तो कहीं पर तो बारिश अच्छी होती है, कहीं पर कम, ये मतलब वर्षा का अनुकूल दशाएं ऐसी बन जाती है, यानी कि इनफ्लो ऑफ वेस्टर्न साइक्लोन्स। साइक्लोन का मतलब होता है चक्रवात, ठीक है वो आ जाना, जनरली नोन एज डिस्टर्बेंस ड्यूरिंग द विंटर सीजन एंड ट्रॉपिकल डिप्रेशन ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून पीरियड इन टू इंडिया, क्रिएटिंग वेदर कंडीशन फेवरेबल टू रेनफॉल। जो ऐसी कुछ मौसम परिस्थितियाँ बनती है जो बारिश के लिए अनुकूल होती है, मतलब वर्षा के लिए अनुकूल होती है। तो इस तरीके से ये तो थ्योरी सी थी, सीधी सीधी याद कर लेना, मुश्किल ज़्यादा नहीं है क्योंकि हर टॉपिक पे बहुत बड़े बड़े टॉपिक है वैसे, लेकिन आपको इतना ही करना है जो आपके लेवल का हो, ठीक है। ज्योग्राफी को बहुत अच्छा मजबूत आपको करना है, जो अपना क्वेश्चन नंबर 6 होगा, 5 क्वेश्चन अपने पिछले वीडियो तक कर चुके थे। ये कह रहा है कि भारतीय मानसून की प्रकृति के प्रमुख पक्षों का वर्णन कीजिए, क्वेश्चन को ध्यान से समझना, डिस्क्राइब द मेन एस्पेक्ट्स ऑफ नेचर ऑफ इंडियन मानसून, ठीक है। इसका मतलब ये है, पहले क्वेश्चन का मतलब ये है कि ऐसे कौन कौन से पक्ष हैं, ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिससे हमारे भारतीय मानसून के बारे में पता लगाया जा सकता है कि भारतीय मानसून कब आता है, कहाँ आता है, किस वजह से आता है, किस डेट को नॉर्थ में आता है, किसको साउथ में आता है, ये सारी बातें बहुत ज़रूरी है जानना, ठीक है। और मैंने सफिशियंट इसका आंसर लिख दिया, बस वो आपको लिखना है। हालांकि कोई एग्जैक्ट भारतीय मानसून के बारे में इतना अच्छा स्टडी नहीं हो पाई है, लेकिन हाँ दक्षिण एशियाई क्षेत्र में वर्षा के कारणों का व्यवस्थित अध्ययन मानसून के कारणों को समझने में सहायता करता है, ठीक है। जो दक्षिण एशियाई क्षेत्र है ना, उसमें वर्षा का जो कारण है उनको अगर देखा जाए तो वो उन लोगों ने जो स्टडी करी है उस अकॉर्डिंग हाँ ये समझा जा सकता है कि हाँ ऐसा ऐसा होता होगा। तो इसके कुछ प्रमुख विशेष पक्ष है जो इस प्रकार हैं, यानी कि सिस्टमैटिक स्टडीज ऑफ द कॉजेज ऑफ रेनफॉल इन द साउथ एशियन रीजन हेल्प टू अंडरस्टैंड द कॉजेज एंड साइलेंट फीचर्स ऑफ द मानसून, और पर्टिकुलरली सम ऑफ इट्स इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट सच एज, कौन कौन से एस्पेक्ट देखते हैं। पहली बात है कि मानसून का आरंभ, देखो ये बात बताई जा रही है कि मानसून का आरंभ इस डेट को होता है फिर यहाँ से आता है, तो इसका मतलब ये भी एक पक्ष है, मजबूत पक्ष है। जैसे कि आप अगर कहीं जाते हो, सपोज आप स्कूल जा रहे हो, ठीक है, तो स्कूल आप जा रहे हो उसके क्या गारंटी है कि आप जैसे यूनिफॉर्म पहन के जाते हो, बुक साथ में लेके जाते हो, फिर वहाँ पर पढ़ाई करते हो, आपका रिजल्ट आता है, आपकी मार्कशीट तैयार होती है, मतलब ये पूरे के पूरे पक्ष है कि देख लो इस ये सब स्टडी का सिस्टम होता है। वैसे ही मानसून का आरंभ है ना, सबसे पहली बात है मानसून का आरंभ, तो 19वीं सदी के अंत में, ध्यान रखना अभी 20वीं सदी चल रही है, ये 19वीं सदी के अंत में ये व्याख्या की गई थी कि गर्मी के महीनों में, ध्यान से सुनना, मानसून का आरंभ बताया जा रहा है। भारत में अलग बात करेंगे, पहले थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ेंगे कि गर्मी के महीनों में स्थल, स्थल का मतलब जमीन, ठीक है, और समुद्र का विभेदी तापन अलग अलग टेम्परेचर होना मानसून पवनों के उपमहाद्वीप की ओर चलने के लिए मंच तैयार करता है, ठीक है, यानी कि ऑनसेट ऑफ द मानसून। तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी इट वॉज बिलीव्ड दैट द डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी ड्यूरिंग द समर मंथ्स इज द मैकेनिज्म विच सेट्स द स्टेज फॉर द मानसून विंड्स टू ड्राफ्ट टुवर्ड्स द सब कॉन्टिनेंट। मंच तैयार करने का मतलब ऐसा नहीं कि स्टेज बनाता है, वो नहीं, मतलब एक माहौल बनाता है जिसे उनकी तरफ, जैसे मानसूनी हवाएं चलना फिर धीरे धीरे वो शुरू हो जाता है, ठीक है। यहाँ से चलो ये तो इंपॉर्टेंट बात समझ में आ गई कि 19वीं सेंचुरी में गर्मी के महीनों में, और आप भी देख लेना हमारे यहाँ पर इंडिया बारिश गर्मी के महीनों में होती है, ठीक है, जून जुलाई के मंथ में। अब अपन एग्जैक्ट बात करें भारत में मतलब मानसून का आरंभ या प्रवेश कब होता है, तो वो देखो कि दक्षिण पश्चिम मानसून केरल तट पर 1 जून को पहुँचता है, वेरी इंपॉर्टेंट डेट है। अलग से क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि भारत में मानसून का जो प्रवेश कब होता है उसके ऊपर आंसर दीजिए, ठीक है, यानी कि एंट्री ऑफ मानसून इनटू इंडिया। तो ध्यान रखना सदर साउथ वेस्ट मानसून सेट्स इन ओवर द केरला कोस्ट बाय 1 जून एंड मूव्स स्विफ्टली टू रीच मुंबई एंड कोलकाता बिटवीन 10th एंड 13th जून। 1 जून को एंट्री होती है,
ध्यान रखना 1 जून को एंट्री होती है और 10 से लेके 13 के समथिंग 10 से लेके 13 जून के बीच ही आर्द्र पवने मुंबई व कोलकाता तक पहुंच जाती है। भाई हवाएं आर्द्र पवने मतलब जिनमें मॉइस वाली जो हवाएं एयर होती है इस वजह से तो बारिश होती है, तो ये 10 से लेके 13 जून तक कहाँ पहुंच जाती है, मुंबई और कोलकाता दोनों शहर याद करने हैं। 10 से 13 जून याद करना है, 1 जून को एंट्री याद रखनी है, ठीक है, कहाँ पर, केरल में, तो ये अपन को ध्यान रखना है। फिर मिड जुलाई तक संपूर्ण उपमहाद्वीप मतलब पूरे भारत में, ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रभाव में आ जाता है, क्योंकि भारत में बेसिकली बारिश कहाँ होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रभाव में होती है, तो ये पूरा फिर माहौल बन जाता है दक्षिण पश्चिम मानसून वाला और फिर पूरे भारत के अंदर बारिश हो जाती है लगभग मिड जुलाई में, ठीक है, यानी कि बाय मिड जुलाई साउथ वेस्ट मानसून इनगल्फ्स द एंटायर सब कॉन्टिनेंट। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्या हो गया, सबसे पहले भारत में एंट्री 1 जून को कहाँ पर, केरल में, केरल तट पर, फिर 10 से लेकर 13 जून मुंबई से कोलकाता के अंदर, और फिर उसके बाद में मिड जुलाई तक पूरे भारत के अंदर बारिश हो जाती है। ये हमारे भारत के अंदर मानसून का प्रवेश है। फिर अपन देखते हैं वर्षावाई तंत्र तथा मानसूनी वर्षा का वितरण कैसे कैसे है भारत के अंदर, जो बारिश होती है वो बढ़ती है कहाँ कहाँ होती है, रेन बेयरिंग सिस्टम एंड रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन, इसको बहुत ईजिली समझना। दो बातें इसके अंदर है कि भारत में वर्षा लाने वाले दो तंत्र प्रतीत होते हैं, दो तंत्र। अच्छा, यहाँ से भी अगला एक सिंपल क्वेश्चन, फिर एक छोटा अलग से क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में वर्षा लाने वाले कितने तंत्र हैं, फिर कोई दो तंत्र जो है उनका वर्णन कीजिए, उनके बारे में लिखिए। तो देयर सीन टू बी टू रेन बियरिंग सिस्टम इन इंडिया, ठीक है, टू रेन बियरिंग सिस्टम एग्जाम में आ सकता है, टू रेन बियरिंग सिस्टम का आंसर आपसे पूछ सकता है अलग से, इसका जरूर ध्यान रखना है। पहला है उष्ण कटिबंधीय अवदाब है, जो अपने डायग्राम में पिछले वीडियो में बता दिया था, उष्ण दबीय उष्ण कटिबंधीय कौन सा, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा के नीचे वाला पार्ट, ठीक है, जो बंगाल की खाड़ी। अच्छा, अपन ने जब रिवर्स वाला चैप्टर पढ़ा था, ड्रेनेज सिस्टम वाला जो अपवाह तंत्र वाला जो चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर सेकंड आई थिंक, उसके अंदर अपन ने सारी बातें पढ़ ली, सॉरी थर्ड चैप्टर, उसमें सारी बातें पढ़ ली थी अपन ने कि हमारे बेसिकली भारत के अंदर बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ हैं और अरब सागर में गिरने वाली, अरबियन सी और बंगाल में, दोनों बातें पढ़ी थी, बस वही दोनों बातें यहाँ पर रिकॉल हो रही है वापस। क्या कि बंगाल की खाड़ी या उससे आगे में दक्षिण चीन सागर। अच्छा, इसका एक बार डायग्राम समझो आप, मैं इसे बताना चाह रहा हूँ आपको। हाँ, आप देखो छोटे से डायग्राम से आपको पूरी बात समझ आ जाएगी। हालांकि अपने जब रिवर सिस्टम ड्रेनेज सिस्टम पढ़ा था तब भी ये बातें पढ़ी थी। ये तो आपको पता है बे ऑफ बंगाल है, ठीक है, बे ऑफ बंगाल का मतलब हो गया बंगाल की खाड़ी, ठीक है, ये बंगाल की खाड़ी हो गई। और अपने इसमें बात करिए चाइना सी मतलब साउथ चाइना सी, तो देखो यहाँ पर तो दो तीन देश है, जैसे म्यांमार हो गया, लाओस है, थाईलैंड है, ये दो तीन देश होने के बाद में यहाँ है साउथ चाइना सी, ठीक है भाई, ये पूरा चाइना और यहाँ पर है साउथ चाइना सी, साउथ चाइना सी यानी कि दक्षिणी चीन सागर, ये दक्षिण चीन सागर यहाँ पर है, और यहाँ से क्या होता है बंगाल की खाड़ी और दक्षिण चीन सागर से, यहाँ से हमारे जो नॉर्थ इंडिया है, ये जो उत्तरी भारत है, ये पूरा उत्तरी भारत, इसमें इन दोनों की वजह से बारिश होती है। ये समझ में आ गया आपके, आप वर्ल्ड के मैप में इजीली देख सकते हो कि यहाँ अपना दक्षिण चीन सागर है, यहाँ बंगाल की खाड़ी है, और इधर आपको पता अरबियन सी है, ठीक है, अरबियन सी ये पूरा पोर्शन यानी कि अरब सागर, और अरब सागर से क्या होता है, अरब सागर से हमारी जो इधर जो पश्चिमी पार्ट है, जो वेस्टर्न पार्ट है, यहाँ पर बारिश होती है इस जगह, ठीक है। तो इस तरीके से छोटी छोटी बातें डायग्राम की आप रफली डायग्राम बना लो, भले उसमें छोटा साइड में कहीं लिख दिया करो, एग्जाम में भी आप दिखा सकते हो, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आपके हेल्पफुल रहती है, ठीक है। तो इस डायग्राम से आपको पता चल गया कि कहाँ दक्षिण चीन सागर है और कहाँ भारतीय, पूरा सिस्टम अपन जान लिया तो अब ईजी हो जाएगा कि बंगाल की खाड़ी है उससे भी आगे पूर्व में दक्षिण चीन सागर में पैदा होता है, और जो हमारा नॉर्थ इंडिया उसके अंदर बारिश हो जाती है, ठीक है, वेरी इजी। यानी कि फर्स्ट ओरिजिनेट इन द बे ऑफ बंगाल कोजिंग रेनफॉल ओवर द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, उसमें बारिश हो जाती है, और सेकेंड इज द अरबियन सी, ये होता है अरब सागर वाला, अरबियन सी करंट ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून, और इस वजह से हमारी बारिश हो जाती है वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो बहुत आसान है कि जो सेकेंड अरब सागर के अंदर वाली जो उड़ता है, अरब सागर के वाली तो होती है अपने पश्चिम तट पर बारिश, और बे ऑफ बंगाल वाली होती है पूर्व के अंदर, सॉरी उत्तर के अंदर बारिश नॉर्थ में। तो बहुत ईजी है कि अरब सागर में उठने वाली दक्षिण पश्चिम मानसून धारा है जो भारत के पश्चिम तटों पर शाखा करा देती है। तो कैसा भी क्वेश्चन आ जाए बहुत ईजी है, छोटे छोटे क्वेश्चन इन्हीं से बनेंगे, इसलिए इनको डीपली पढ़ना है आपको, क्योंकि मैंने वैसे भी आपके सिस्टमेटिक ढंग से बिल्कुल सेलेक्ट कर करके नोट्स बनाए हैं, तो इनको तो आपको पूरा याद करना है, ठीक है, ये बात है। तीसरा है मानसून में विच्छेद,
मानसून में विच्छेद कब होता है, यानी कि मानसून ब्रेक कब लग जाता है, ब्रेक इन द मानसून, तो यह है कि ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून पीरियड आफ्टर हैविंग रेन्स फॉर ए फ्यू डेज, ठीक है। और इफ रेन फॉल्स टू अकर फॉर वन और मोर वीक्स तो हम कह देते हैं कि इट इज नोन एज ब्रेक इन द मानसून, ठीक है। यानी कि दक्षिण पश्चिम मानसून काल में एक बार कुछ दिनों तक वर्षा जो वो नहीं होती, वर्षा नहीं होने के बाद में यदि एक दो या कई सप्ताह तक वर्षा नहीं होती तो हम कह देते हैं कि ये तो मानसून का विच्छेद कहा जाता है उसको, ठीक है भाई। जैसे एक सप्ताह नहीं, दो तीन बारिश एक बार, और आपने ऐसा देखा भी होगा कि अपने यहाँ पर जून जुलाई में बारिश हो जाती है, ठीक है, मिड जुलाई तक अच्छी खासी बारिश हो जाती है, फिर बीच में दो वीक तक अगर बारिश नहीं होती तो फसलें वगैरह जो होती है उसमें नुकसान होता है, तो हम ये सोच ये कहते हैं कि यार मानसून का विच्छेद हो गया, यानी ब्रेक लग गया, उसके बाद में बारिश हो जाती है। तो ये भी अलग से वन मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, मानसून में विच्छेद क्या है, ठीक है, यानी कि ब्रेक इन द मानसून। तो मतलब ये अपने आप में क्वेश्चन भी है, इसका आंसर तो है ही है, ठीक है। अभी ये पूरा नहीं हुआ, थोड़ा सा और लिखेंगे, उसके बाद में अपना क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। हाँ, अब देखो एक पॉइंट और लिख लो इसके अंदर, इसके बाद में क्वेश्चन पूरा हो जाएगा, लेकिन मेरी बात को ध्यान से सुनना पड़ेगा आपको, क्या कि ये क्वेश्चन मैंने, ये दो क्वेश्चन जो नीचे बनाए हैं ना, ये भी एक्चुअली इसी के आंसर में लिखने होते हैं, कब, जब ये क्वेश्चन 5 या 6 मार्क्स में आता हो। मतलब एक उंगली पकड़ा के जो सिखाते हैं ना स्टूडेंट्स को, वैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ कि अगर क्वेश्चन को छोटा करना है तो कैसे छोटा करना है। ये दो पार्ट आप अगर क्वेश्चन 3 मार्क्स में 4 मार्क्स में तो उतना ही लिखना है, 4 मार्क्स के लिए सफिशियंट आंसर है, लेकिन ये 5 या 6 मार्क्स में आ जाता है तो फिर आपको इन दोनों को भी उसी आंसर में जोड़ देना है। कहाँ जोड़ना है बताता हूँ। देखो पहले अपन बात करते हैं मानसून का निवर्तन, लास्ट चौथा पॉइंट है, यानी कि मानसून कब जाता है यहाँ से, ऐसा मान लो रिटायरमेंट कब लेता है मानसून, ठीक है। तो मानसून के पीछे हटने या फिर लौट जाने को मानसून का निवर्तन कहा जाता है, 1 मार्क्स में डेफिनेशन आ सकती है, द विड्रॉल ऑफ मानसून इज कॉल्ड रिटायरिंग मानसून, ठीक है, यानी कि मानसून का चला जाना या हट जाना मानसून का निवर्तन कहलाता है। अब एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा कि मानसून का निवर्तन कब होता है, किस मंथ में होता है, तो वो हो जाएगा कि सितंबर के आरंभ से, मतलब स्टार्टिंग के बिगिनिंग ऑफ सितंबर से उत्तरी पश्चिम भारत से मानसून पवने पीछे हटने लग जाती है। तो ध्यान रखना है उत्तरी पश्चिम के अंदर, यानी कि जो नॉर्थ वेस्ट जो है वहाँ पर कब, सितंबर के स्टार्टिंग से मानसून की पवने हटने लग जाती है, पीछे हटने लग जाती है, कि फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ सितंबर द मानसून विल स्टार्ट रिटायरिंग फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट इंडिया, ठीक है, कब, सितंबर के स्टार्टिंग में, सितंबर के स्टार्टिंग में हटने लग जाती है, लेकिन कहाँ पर, नॉर्थ वेस्ट इंडिया के अंदर, ये भी ध्यान रखना, जगह का भी ध्यान रखना। और फिर जो मिड अक्टूबर आता है, मध्य अक्टूबर तक आते आते तो पूरे भारत से ही चली जाती है, मध्य अक्टूबर तक दक्षिणी भारत को छोड़ से समस्त भारत से दक्षिण भारत में थोड़ी सी रुकती है, और जाते जाते बारिश भी कर जाती है तमिलनाडु के अंदर। अभी बढ़ते हैं कि दक्षिण भारत को छोड़ के कंप्लीट भारत से चली जाती है, समस्त भारत से निवर्तित हो जाती है, फिर समस्त भारत को छोड़ देती है, ठीक है, यानी कि एंड बाय मिड अक्टूबर इट विड्रॉज फ्रॉम द रेस्ट ऑफ इंडिया एक्सेप्ट साउथ इंडिया, उसको छोड़ती है, क्योंकि वहां पर क्या करती है कि लौटती मतलब वापस, क्योंकि आती भी उधर से ही है, अपन ने पढ़ा था 1 जून से, ठीक है, 1 जून को केरल तट पे आती है, तो 1 जून को केरल का मतलब वो साउथ इंडिया में पड़ता है, आते भी उधर से ही है, फिर पूरे इधर भारत के अंदर बारिश करके फिर वापस जाती भी उधर से ही है, तो जाते हुए उनको और न्याल कर जाती है, मतलब उनको और खुश कर जाती है। तो लौटती हुई मानसून पवने बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प थोड़ा सा ग्रहण करती है, मतलब वाटर वेपर्स थोड़ा इकट्ठा करती है, और उत्तरी पूर्वी मानसून के रूप में तमिलनाडु, देखो तमिलनाडु वालों के लिए ये कहलाएगा उत्तरी पूर्वी मानसून, उस टाइम पर जो बारिश होती है उत्तरी, क्योंकि वो उत्तरी पूर्वी मानसून कहलाएगा उधर से जब आ रही है, तो क्योंकि ये उत्तर पूर्व से आ रही है इसलिए उत्तरी पूर्वी मानसून के रूप में तमिलनाडु में वर्षा कर जाती है, ठीक है, बहुत ईजी है। तो इन रिटर्निंग मानसून विंड्स पिक अप वाटर वेपर फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल, वहाँ से थोड़ा कलेक्ट कर दिए और फिर उसको बारिश कर जाती है, एंड ब्रिंग रेन टू तमिलनाडु एज द नॉर्थ ईस्ट मानसून, वहाँ पर क्योंकि वो नॉर्थ ईस्ट से आ रही होती है इसलिए वहाँ के लोगों के लिए ये हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट मानसून, और वहाँ पर तमिलनाडु के अंदर बारिश कर जाती है। ये तो हो गया सफिशिएंट 4 मार्क्स का आंसर, तब आपको इतना ही लिखना है, लेकिन थोड़ा बड़ा जाता है तो फिर इन दोनों को भी जोड़ना, लेकिन कहाँ पर। अभी अपने शायद तीसरा पॉइंट था इसका, पश्चिमी तट वाला, तीसरा या दूसरा जो भी होगा, पश्चिमी तट में होने वाली वर्षा हो उसके अंदर ही दोनों पॉइंट जोड़ सकते हो, ठीक है, बताता हूँ अभी कि विच टू फैक्टर्स आर रिलेटेड टू द इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल ओवर द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, जो वेस्ट कोस्ट वाले बताया था ना मैंने आपको, पश्चिमी तट वाली बात बताई थी, उसके नीचे इन दोनों पॉइंट को जोड़ सकते हो, क्या क्या फैक्टर है जो पश्चिमी तट पर होने वाली वर्षा की तीव्रता को किन दो कारकों से संबंधित हैं,
बहुत इजी है, छोटा सा। देखो कुछ बातें ऐसी है, ये चैप्टर में अगर पूरा आपको फुल्ली कराऊँ ना तब तो इसके 10 वीडियो और बने, जिसके अंदर मैं आपको विंड्स पढ़ाऊँ यानी कि पौने पढ़ाऊँ, उसमें ITC-Z पूरी सारी बातें अपन सीखें। लेकिन उतना है नहीं आपके, NCERT की कुछ बातें ज्योग्राफी में आपको थोड़ी अटपटी लगेगी कि दे तो पूरा लेवल दिया, ऐसे शब्दावली और वर्डिंग ऐसी दे दी कि उनको समझने के लिए बहुत हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, पूरी ज्योग्राफी पढ़नी पड़ेगी। लेकिन अभी आपको मेरी बात मानते हुए कुछ चीज़ें सीधी सीधी याद करनी है, क्योंकि अगर अपन अंदर घुस गए ना तो फिर पूरी ज्योग्राफी पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि NCERT में सारी ज्योग्राफी है, कंप्लीट है, लेकिन उसके पीछे तह तक जाना पड़ता है। अभी आपको मोटा मोटी ऐसे बताया जाता है, तो वो कभी अपन क्या करेंगे, अलग मैं आपको वीडियो बना दूंगा जिसके अंदर विंड्स पढ़ा दूंगा, तब ये सारी डिटेल्स कवर हो जाए, क्योंकि पवने ही है जो मानसून को यहाँ लाती है, फिर विंड्स पढ़ने के बाद मानसून को अलग से पढ़ लिया जाएगा, तब जाके पूरा चैप्टर कवर होता है। लेकिन अभी अपन को NCERT सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ बातें हालांकि मैं जोड़ दूंगा, फिर भी वो आपको करना है, ठीक है। थोड़ा सा चीज़ें ऐसी है जो आपको सीधी सीधी याद करनी पड़ेगी, कुल मिला के मैं राउंड फिगर में कहूँ तो रटनी पड़ेगी बस, ठीक है, वो थोड़ा एडजस्ट करना है। अब मानसून विच्छेद विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न कारणों से होते हैं, वर्णन कीजिए। मानसून विच्छेद अभी पढ़ा था अपने, तो उसके अंदर ये जोड़ सकते हो अगर बड़ा क्वेश्चन आ जाए तो, कि मानसून विच्छेद तो पढ़ डेफिनेशन लिखी थी, उसके नीचे आप तीनों पॉइंट लिख सकते हो, यानी कि मानसून ब्रेक्स अकर फॉर डिफरेंट रीजंस इन डिफरेंट रीजंस डिस्क्राइब, क्या कारण थे, किन किन क्षेत्रों में ये हो रही है, उसका कारण ये है कि नॉर्थ इंडिया की अगर बात करें, उत्तरी भारत के विशाल मैदान में मानसून का विच्छेद उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की संख्या कम हो जाने और अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण, ध्यान रखना इसको ITC-Z बोला जाता है, ITC-Z। अब जब बड़े हो जाओगे ना, मतलब लेवल की तैयारी करोगे, बड़े तो आप हो गए हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की जब तैयारी करोगे तो ये ITC-Z वाली लाइन भी लिखोगे, ये जो ITC-Z ये रही, ठीक है। इंग्लिश में मैं लिख देता हूँ फुल फॉर्म, इंटर ट्रॉपिकल, ठीक है, मतलब ट्रॉपिकल कॉन्वर्जेंस जोन, ठीक है, यानी कि हिंदी हो जाएगी अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, ठीक है, ये इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन होता है ITC-Z। अब ये मैं कैसे बताऊं, क्योंकि पूरा एक चार्ट बनेगा, उसमें सारी विंड्स पड़ी जाएगी, तब जाके समझ में आता है। अभी आपको सीधा इतना याद करना है कि इस क्षेत्र की स्थिति बदलाव आने से होता है, और फर्स्ट यानी कि समझ में आ गया ना आपके, ये नॉर्थ इंडिया रेन्स आर लाइकली टू फेल इफ द रेन बियरिंग स्टॉर्म्स आर नॉट वेरी फ्रीक्वेंट अलोंग द मानसून थ्रो, और या फिर इसको कह सकते हैं मानसून ट्रॉ है, या फिर अपन कह सकते हैं ITC ओवर दिस रीजन, ठीक है, ITC-Z की वजह से भी ये यहाँ पर बारिश है, वो जो यहाँ पर विच्छेद होता है। सेकंड, ये तो बात कर ली अपने उत्तरी भारत में बारिश के चले जाने का, मतलब विच्छेद होने का। अब अपन पश्चिम तट की बात करेंगे, फिर राजस्थान की बात करेंगे। तो पश्चिमी तट पर मानसून विच्छेद तब होता है जब आर्द्र पवने तट के समानांतर बहती है, जब भी पवने होती है वो पैरेलल अगर चलती है ना, तब वहाँ से मानसून जाने की तैयारी हो ही जाती है। तो ध्यान रखना, ओवर द वेस्ट कोस्ट द ड्राई स्पेल्स आर एसोसिएटेड विद डेज व्हेन विंड्स ब्लो पैरेलल टू द कोस्ट, अगर समानांतर चलती है तो वो पश्चिमी तट से भी मानसून विच्छेद हो जाता है। फिर राजस्थान की बात, अच्छा देखो ये क्वेश्चन अलग से भी आ सकता है कि राजस्थान में मानसून विच्छेद का क्या कारण है, फिर कैसे होता है। तो राजस्थान में मानसून विच्छेद तब होता है जब वायुमंडल के निम्न स्तरों पर तापमान की विलोमता, देखो तापमान की विलोमता का मतलब होता है टेम्परेचर का मतलब उल्टा होना, जैसे कि समुद्र ठंडा, पानी ठंडा है, लेकिन बाहर की हवाएं जब गर्म हवाएं उसमें जाके मिलती है तो ताप विलोमता बन जाती है। ये ऐसे टेम्परेचर मतलब आगे पीछे, समुद्र में क्या होता है कि जब बाहर का मौसम जो है वो अगर बहुत ज़्यादा हॉट होगा, गर्मी के दिन होंगे तो वाटर इवेपोरेट होके तो बारिश बनती है, वो तो ठंडा गर्म का होना ताप विलोमता, मतलब उल्टा होना, विलोम का मतलब समझते होंगे, तो वर्षा करने वाले आर्द्र पवनों को ऊपर उठने से रोक देती है, तो राजस्थान से मानसून चला जाता है। यानी कि मानसून ब्रेक्स अकर इन राजस्थान व्हेन द इन्वेंशन ऑफ टेम्परेचर एट लो लेवल्स ऑफ एटमॉस्फेयर प्रिवेंट द राइज ऑफ द रेन बियरिंग वेस्ट विंड्स, ये कुछ कारण थे जो आप इन दोनों आंसर को इसके अंदर जोड़ सकते हो अगर वो 6 मार्क्स का आता है तो। इस तरीके से अपने क्वेश्चन 8 कंप्लीट हुए। चलो फिर मैंने सोचा कुछ बता ही देता हूँ आपको, ठीक है। तो ITC-Z से रिलेटेड कुछ बातें हैं जिसमें आपको कुछ मैं एक्स्ट्रा नॉलेज करवाऊंगा। देखो मुझे मेरा मन तो कर रहा है कि मैं बहुत सारी बातें आपको सिखा दूं, लेकिन उनमें क्या है कि फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और आपको ऐसा लगेगा कि ये क्या सीख रहे हैं, ठीक है। तो अभी पहले आपको 11th का शानदार तरीके से मजबूत हो जाओ 11th में। लेकिन हाँ, मैं जो किताबी कीड़े नहीं बनाऊंगा, आपको उस डिफरेंट चीज़ जोड़ता रहूंगा,
ताकि आपको कहते हैं कॉम्पिटिशन और टच बिल्कुल लगभग, मतलब मैं आपको ऑलमोस्ट जैसे पॉलिटी तो अपन पूरी कर रहे हैं लगभग, कुछ आर्टिकल्स को छोड़ के, और जो ये हिस्ट्री है वो हिस्ट्री तो खैर वैसे भी याद करने वाली होती है, उसमें तो वो झंझट नहीं, वो सारी वही बुक सफिशियंट है, उसको अपन कुछ भी नहीं छोड़ रहे। ज्योग्राफी में कुछ चीज़ें ऐसी है जहाँ पर आपको सीधे सीधे कुछ पॉइंट आपको लर्न करना है, बाकी मैं पूरी कोशिश करके आपको एज इट इज ऐसी जो चीज़ें बनाता हूँ ना, ये आपको हो सकता है स्कूल में नहीं सिखाया गया हो क्योंकि ये चीज़ें इतनी बहुत लेवल की नहीं सिखाई जाती, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको सीखना है, कुछ कुछ तो सीखना ही है, एक झलक देख लोगे तो आगे जाओगे तो फिर दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो ये डायग्राम आपको साइड में बनाना है, पहले इसको समझ लो आप, ठीक है, फिर अपना ITCZ की बात करेंगे। देखो ये जो अपना विषुवत है, इक्वेटर है, ये आप तो समझते ही हो, ठीक है, ये तो मैंने बहुत बार बता दिया। तो ये इक्वेटर है, विषुवत है, तो ये है ना, यहां जो चलने वाली है वो ITCZ है, ठीक है, जो यहां धाराएं चलती है, पवनें चलती है, वो ITCZ है, और ये मैंने सबके फुल फॉर्म ही नीचे लिख दिया, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और ये जो एरो जैसे बन रहे हैं, जो मैंने तीर के निशान बनाए, वो वैसे के वैसे बनाना है, कि जैसे यहाँ ये जो PHPB है, PHPB का मतलब क्या हो गया, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। अपने फर्स्ट वीडियो के अंदर जो कुछ बातें कभी कभी प्रेशर बेल्ट की बात की थी, दाब पेटियों की, मैंने वहां पर आपको कहा था कि ऐसी दाब पेटियां होती है, ऐसा कहकर मैं आगे बढ़ गया था, वो कुछ बता देता हूँ। दाब पेटी का मतलब ये होता है प्रेशर बेल्ट, जब जो हमारी अर्थ है, पृथ्वी है, इसके ऊपर जब हवा का प्रेशर बनता है, हवा का वजन बनता है, उसको दाब पेटी कहते हैं, और उनका डायरेक्शन कुछ चेंज होता है, ये सारी प्रेशर बेल्ट है। कि जैसे देखो ये PHPB है, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, यानी कि ध्रुवीय उच्च दाब पेटी, तो वैसे ही याद रह जाए, क्योंकि ऊपरी ऊपर क्या होता है, ये पोलर रीजन तो ध्रुवित है, ये नॉर्थ ध्रुव यानी कि उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल बोल दो चाहिए, उत्तरी ध्रुव, और ये साउथ पोल यानी कि दक्षिण ध्रुव। तो जो ध्रुव होता है वहाँ पर पवने भी कौन सी चलेगी, ध्रुव वाली, मतलब ध्रुवीय उच्च दाब पेटी, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट होता है, दोनों ही जगह हाई प्रेशर रहता है, नीचे की तरफ इसे ऊपर की तरफ, ध्यान रखना एरो ऐसा कैसा बनाना है। फिर इसके नीचे आ जाओ TLPB, TLPB का मतलब टेम्परेट लो प्रेशर बेल्ट, शीतोष्ण कटिबंधीय निम्न दाब पेटी। आपको बताएं यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंधीय होता है, तो शीतोष्ण जो मैंने आपको लिखवाया था उस टाइम पर, टेम्परेट जोन, तो यहाँ पर वैसी पवने चलेगी, लेकिन दाब क्या हो जाएगा, निम्न, या निम्न दाब है, या उच्च दाब है, हाई प्रेशर है, ध्यान रखना यहाँ हाई प्रेशर है या लो प्रेशर है, फिर हाई प्रेशर है, फिर लो प्रेशर है, ये बहुत ज़रूरी है, हाई प्रेशर लो प्रेशर का ध्यान रखना, HP LP, हाई प्रेशर शॉर्ट में लिखा आता है HP और LP, ठीक है, हाई प्रेशर यानी उच्च दाब, लो प्रेशर यानी कि निम्न दाब, लो प्रेशर। HP LP कॉम्पिटिशन एग्जाम में फुल फॉर्म में नहीं आती, शॉर्ट में क्वेश्चन आता है, समझना होता है, हिंदी मीडियम चाहे इंग्लिश मीडियम, कोई सा मीडियम हो, इसलिए इंग्लिश हिंदी दोनों सीख जाना, वरना दिक्कत हो जानी है ज्योग्राफी के अंदर। और ज्योग्राफी अगर आपकी मजबूत होगी ना, तो आप कभी अटकोगे नहीं, ये तय है, क्योंकि सबसे बड़ा सब्जेक्ट है ये मेजर, ठीक है। जैसे अपन ने वो किया था अपवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम, बहुत टॉप लेवल का किया था, वैसा इसको करना है, दो टॉपिक बहुत बड़े और मेजर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ अपन बात कर रहे थे इसकी, हाँ, इसके जस्ट नीचे ये STHPB का मतलब है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी, यहाँ मैंने ऊपर लिखने का मतलब है यहीं से शुरू हो जाती है, नीचे तक आती है, ठीक है। और ये ITCZ बोल दो चाहे ELPB बोल दो, यानी इक्विलेटरल लो प्रेशर बेल्ट, विषुवत रेखा की निम्न दाब पेटी, मतलब नाम तो आपको याद हो जाएगा, ये विषुवत रेखा की है, तो जैसा नाम विषुवत रेखा की मैंने आपको उस टाइम लिखवाया था उस डायग्राम में, बेसिक इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में भी, कल वाले में भी, तो जो विषुवत रेखा की वहाँ पर विषुवत रेखा की ही, मतलब जैसा नाम है वैसी पवने चलती है, लेकिन बस निम्न दाब का ध्यान, लो प्रेशर चलता है, या फिर ऐसा याद कर लो, ऊपर हाई प्रेशर, फिर लो प्रेशर, फिर हाई प्रेशर, फिर लो प्रेशर, बस HP LP, ये तो कुछ प्रेशर बेल्ट है जो ऐसे चलती है। ध्यान रखना है कि ये जो ELPB वो 5 डिग्री, ये जो विषुवत रेखा है नॉर्थ से साउथ, इसके बीच चलती है, ये 5 से 30 यानी ऐसा मान लो कि 30 से ऊपर की तरफ STHPB चलती है, 60 डिग्री यहाँ, 60 डिग्री नीचे तक का पोर्शन ये TLHPB का होता है, ऊपर वाला नॉर्थ जो ध्रुव है वो PHPB यानी कि वो 90 डिग्री वाला जो पार्ट है, 60 से 90 वाला उस पूरे केंद्रीय ध्रुवीय पवने चलती है। अब ये तो चलो प्रेशर बेल्ट की बात कर ली मैंने ना, दाब पेटियों की, अब इन्हीं में चलती है पवने, ये जो ITCZ है ना, ये ELPB वाला, यहाँ चलती है जैसा इसका नाम है विषुवत रेखीय पछुआ पवने, इक्विटोरियल वेस्टलाइज विंड्स, सीधे सीधे याद कर लो क्योंकि ज़्यादा नहीं जाना। ITCZ यहाँ पर कौन सी हवाएं चलती है, विषुवत रेखीय पछुआ पवने, ध्यान रखना ये पश्चिम से उधर पूर्व की ओर जाती है, समझ में आ गई, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत बार आता है कि विषुवत रेखीय पछुआ पवने किधर से किधर चलती है, तो ये पवने किधर से चलती है, ये पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है, यानी कि इधर वेस्ट है W, इधर लिख दिया ईस्ट, ठीक है, तो
तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है, विषुवत रेखीय पछुआ पवन। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया सीधे सीधा क्वेश्चन कि इक्वेटोरियल वेस्टलाइन विंड्स किधर से किधर की तरफ चलती है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है, ये भी ध्यान रखना। बाकी जैसे ये नॉर्थ से साउथ की तरफ हो गया, इस तरफ ये पोर्शन हो गया, तो ये डायरेक्शन भी बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए एरो आपको सही से बनाना है, तीर के निशान सही से बनाना है। अब सुनो, इस क्वेश्चन की पर अगर भी बात करेंगे ना तो वहाँ पर ये काम आएगा। कैसे, एक बार सुनना, क्वेश्चन है अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ क्या है, क्वेश्चन ये है। तो देखो, विषुवत वृत्त पर, ये विषुवत वृत्त है, ये पूरा विषुवत वृत्त है, ठीक है। विषुवत वृत्त पर अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र एक निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र है। द इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCZ इज ए लो प्रेशर जोन लोकेटेड एट द इक्वेटर, इक्वेटर, यहीं तक सुनो। पहली बात तो ये कि ये इक्वेटर, यहाँ पर ITCZ बोल दो चाहे ELP भी बोल दो, ये निम्न दाब है। ये देखो, ये रहा विषुवत रेखीय निम्न दाब, ठीक है, यानी कि लो प्रेशर बेल्ट है, यही तो इसमें लिखा हुआ है। एक बात ये समझ में आ गई, विषुवत रेखीय वो समझ में आ गई, और लो प्रेशर ये मतलब कि निम्न वायु दाब है वो समझ में आ गई। फिर दूसरी बात इसमें लिखा हुआ है, इस क्षेत्र में व्यापारिक पवने मिलती हैं, ठीक है, यानी कि वेयर ट्रेड विंड्स कन्वर्ट्स, यानी कि ये ट्रेड विंड्स है, ये देखो व्यापारिक पवने इस क्षेत्र में, इस एरिया में ये ट्रेड विंड्स आके मिलती है। अगर मैं डायग्राम नहीं बनाता तो कैसे समझ में आता, इसलिए ये जरूरी है बना लेना। तो ये व्यापारिक पवने हैं ट्रेड विंड से, जो इसमें आके मिलती है, इस ITCZ के अंदर या फिर ELPB के अंदर आके मिल जाती हैं। समझ में आ गई, ठीक है। अतः इस क्षेत्र में वायु ऊपर उठने लग जाती है, जब यहाँ पर वो प्रेशर ऊपर से हवा का पड़ता है तो वायु ऊपर उठने लग जाती है, और जुलाई के महीने में ITCZ 20 डिग्री से लेके 25 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के आसपास गंगा के मैदान में स्थित हो जाता है। इसे कभी कभी मानसूनी गर्त भी कहते हैं। बहुत इजी समझाता हूँ, आगे हैं। सो इट इज़ ए जोन वेयर एयर टेंड्स टू असेंड इन जुलाई द ITCZ, जुलाई के ITCZ की बात कर रहे हैं अपन, ITCZ इज लोकेटेड अराउंड 20 डिग्री नॉर्थ से 25 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स ओवर द गैंगेटिक प्लान, यानी कि गंगा का प्लान। समझना, यहाँ पर ये ITCZ ELPP है जो विषुवत रेखीय, मतलब मैंने पढ़ लिया कि ये रीजन है। यहाँ पर क्या हुआ कि ट्रेड विंड्स, यानी ट्रेड विंड्स का मतलब व्यापारिक पवने, तो ट्रेड विंड्स जब यहाँ इसके ऊपर आई, इसमें आके मिली, तो हवा ऊपर उठने लग गई, और हवा ऊपर इतनी उठ जाती है जो ये ITCZ है ना, वो कभी कभी जो अभी 5 डिग्री के आसपास था वो 20 से 25 डिग्री, मतलब लगभग यहाँ तक पहुँच जाता है, 20 से 25 डिग्री गंगा के मैदान के आसपास पहुँच जाता है, ऊपर उठ जाता है। और जैसे ही सर्दी की ऋतु आती है तो ये इसे नीचे भी आ जाता है। ये दोनों बातें वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना, ठीक है। अभी पूरा समझा देता हूँ। ये बात तो समझ में आई गई कि ये कहाँ चला जाता है, 20 डिग्री से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उत्तरी का मतलब नॉर्थ लेटिट्यूड, ऊपर उत्तरी तो है भाई, उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम, तो ये ऊपर उत्तर है तो ये उत्तरी अक्षांश की तरफ चला जाता है, ठीक है। और नीचे साउथ में जब अपन सर्दी की बात करेंगे तो ये साउथ यानी कि नीचे दक्षिण तरफ चला जाएगा, बस ये ध्यान रखना है। फिर देखो नीचे लिखा हुआ भी है कि ITCZ के उत्तर की ओर खिसकने के कारण दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवने 40 डिग्री और 60 डिग्री पूर्वी देशांतरों के बीच विषुवत वृत्त को पार कर जाती है। अब उल्टा हो रहा है सिस्टम, ITCZ ऊपर जा रहा है, ठीक है, और ITCZ जैसे जैसे ऊपर ऊपर खिसक रहा है तो दक्षिणी गोलार्ध है ना ये नीचे वाला, ये दक्षिणी गोलार्ध के अंदर व्यापारिक जो पवन है जो एक्चुअल में अभी यहाँ चल रही है ये नीचे आ जाती है, ये नीचे खिसक जाती है, ITCZ ऊपर व्यापारिक नीचे, और इसीलिए एरो बनाया गया है, व्यापारिक पवन नीचे आ रही है, और नीचे कितनी आ जाती है 40 डिग्री से 60 डिग्री तक, ऐसे आई कि ऐसे, तो 40 डिग्री से 60 डिग्री तक ये पूर्वी देशांतरों के बीच में विषुवत वृत्त को पार कर जाती है। इस विषुवत वृत्त है ना, ये देखो ये मतलब इक्वेटर, इस इक्वेटर को पार कर जाती है ना इजी, तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना है। फिर इंग्लिश में पढ़ लो चाहे, ड्यू टू द शिफ्ट ऑफ ITCZ द ट्रेड विंड्स ऑफ द सदर्न हेमिस्फेयर क्रॉस द इक्वेटर बिटवीन 40 डिग्री एंड 60 डिग्री longitudes, ईस्टर्न longitude, ठीक है, एंड स्टार्ट ब्लोइंग फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ वेस्ट ड्यू टू द कोरोलिस फोर्स। अच्छा, कोरियोलिस बल के प्रभाव से, ये जो फोर्स या बल लगता है उसी को कोरियोलिस फोर्स बल के नाम से जाना जाता है, ठीक है, इतना सा समझना आपको। ये जो बल लगता है, ये फोर्स जो लगता है, उसको कोरियोलिस बल या कोरियोलिस फोर्स के नाम से जाना जाता है। तो कोरियोलिस बल के प्रभाव से विषुवत वृत्त को पार करने वाली इन व्यापारिक पवनों की दिशा कैसी हो जाती है, दक्षिण पश्चिम। ये इधर आपने अपने पढ़ लिया पश्चिम है,
तो ऐसे दक्षिण पश्चिम हो जाती है, देखो है ना, दक्षिण पश्चिम की तरफ एकदम सीधी नहीं है वो, ऐसे तिरछी बनानी है आपको, ठीक है ना। ये नीचे की तरफ मुंह का मतलब दक्षिण, और ये पश्चिम, तो ये बीच का इलाका है। देखो मैं आपको डायरेक्शन की थोड़ी पोजिशन बता देता हूँ कि ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया ईस्ट, मतलब ये तो उत्तर, ठीक, ये दक्षिण, और ये आपका पूर्व, ये आपका पश्चिम, पश्चिम। अब ये ITCZ जो है ना, ये ऐसी, सॉरी व्यापारिक पवन, ट्रेडविंड्स, ट्रेडविंड की बात कर रहा हूँ, ये ऐसे आती है ऐसे, तो ये जो बीच का रीजन है, जो एरिया है ना, ये वाला, ये कहलाता है पश्चिम दक्षिण, दक्षिण पश्चिम, इस तरीके से। अगर यहाँ होती तो वह कहलाता पूर्वी दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व, यहाँ होता तो क्या कहलाता उत्तर पूर्व, यहाँ होता तो क्या कहलाता उत्तर पश्चिम, ऐसे चलती है। तो एरो का जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। तो बहुत ईजी है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है कि ये कोरिओलिस बल के प्रभाव से विषुवत रेखा को पार कर जाती है, और पार करने वाले इन व्यापारिक पवनों की दिशा कैसी हो जाती है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर खिसक जाती है, और इसी को हम दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहते हैं। यही दक्षिणी पश्चिम मानसून है, एग्जाम में आ सकता है दक्षिणी पश्चिम मानसून, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं अपन, हाँ यहाँ से अपन ये पढ़ लिया था, फोर्स इट बिकम साउथ वेस्ट मानसून, हाँ ये जो बनता है कोरिओलिस फोर्स के कारण, इट बिकम साउथ वेस्ट मानसून। अलग से वन मार्क्स में क्वेश्चन आता है कि दक्षिण पश्चिम मानसून कैसे बनता है, तो उसका आंसर इतना लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं शीत ऋतु की, ठंड की, विंटर की। शीत ऋतु में ITCZ क्या करती है, वो दक्षिण की ओर खिसक जाता है नीचे। गर्मी में तो ऊपर जा रहा था ITCZ, अब आया था नीचे, नीचे मतलब साउथ की तरफ, दक्षिण की तरफ खिसक जाता है। इसी के अनुसार पवनों की दिशा कैसी हो जाती है, दक्षिण पश्चिम हो जाती है, ठीक है, दक्षिण पश्चिम हो जाती है, और दक्षिण पश्चिम से बदलकर, सॉरी दक्षिण पश्चिम से तो वो थी ट्रेडविंड्स, तो ये दक्षिण पश्चिम से बदलकर उत्तर पूर्व हो जाती है, ठीक है। कैसी हो जाती है, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व का मतलब जैसे ये पूर्व इस तरफ हो जाती है, ठीक है, और ये इस तरफ हो जाती है, इसीलिए हम क्या कहते हैं इसको, उत्तरी पूर्वी मानसून, इसीलिए हम इसको उत्तर पूर्व मानसून कहते हैं, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो जाता है, तो जैसा नाम वैसा इसका नाम हो जाएगा। इन विंटर द ITCZ मूव्स साउथवर्ड एंड सो द रिवर्सल ऑफ विंड्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ एंड साउथ वेस्ट टेक्स प्लेस, दे आर कॉल्ड नॉर्थ ईस्ट मानसून, ठीक है, इस वजह से नॉर्थ ईस्ट मानसून कहलाता है। तो ये दो तीन नाम आपको याद रखना है, उत्तर पश्चिम मानसून कैसे बनता है, दक्षिण पश्चिम मानसून यानी कैसे बनता है, दोनों साउथ वेस्ट मानसून और नॉर्थ ईस्ट मानसून, दोनों ही वेरी इंपॉर्टेंट है। और आई थिंक ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस डायग्राम से आपको सबको समझ आ गया होगा। इसमें आपने क्या एक डायग्राम में दो बातें एक साथ सीख ली, एक तो प्रेशर बेल्ट यानी कि जो वायुदाब पेटियाँ होती है वो, और एक आपने सीख लिया पवन यानी कि विंड्स, कि कौन से जगह कौन से पवने चलती है। तो बहुत ईजी है, ये हमारे परमानेंट विंड्स है, मतलब स्थायी पवनों के प्रकार है चार, ठीक है। जब अपन कभी विंड्स पढ़ोगे आप टॉपिक, तो उस विंड्स में आता है स्थायी पवने, ठीक है, स्थायी पवने होती है यानी कि परमानेंट विंड्स। उस परमानेंट विंड्स के चार पार्ट होते हैं जो मैंने आपको इसमें बता दिए, यही वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग इक्वेशन आपको समझ में आई थिंक अब आ गया होगा, ठीक है। बिल्कुल एक एक लाइन टू लाइन, एक एक सेकंड आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, इससे ज्यादा मैं अब क्या कहना, आप समझ गए। एक तो मैं छोटी सी बात बता दूं आपको, जो मैंने पिछले वीडियो में आई थिंक बताई थी कि सबसे ठंडा स्थान वर्ल्ड का सबसे ठंडा स्थान, बिल्कुल सही है, बर्खोयांस्क साइबेरिया के अंदर है, 69 डिग्री सेल्सियस। साइबेरिया रशिया का पार्ट है, समझते हो आप, ठीक है, रशिया यानी कि रूस, 69 डिग्री यहाँ पर सेल्सियस, माइनस में 69 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है, ये बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात मैंने आपको लिखवाई सबसे गर्म स्थान, लेकिन ये सबसे गर्म स्थान एशिया महाद्वीप का है, तीर्थजवी, जो 54 डिग्री है। लेकिन इसी को अगर वर्ल्ड का पूछे, वर्ल्ड में जैसे ये तो वर्ल्ड में ही है, ये तो पड़ता तो ये भी एशिया में ही है, लेकिन वर्ल्ड का सबसे ठंडा स्थान है, फिर वापस वर्ल्ड का ही पूछे कि वर्ल्ड का सबसे स्थान, तो वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट पड़ता है, वो एशिया में नहीं पड़ता, अफ्रीका कॉन्टिनेंट पड़ेगा, अल अजीजिया जो लीबिया देश के अंदर पड़ता है, 58 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, यानी कि यहाँ तो 54 था, तो इसके मुकाबले ये ज़्यादा है। तो ये तो एशिया का सबसे गर्म यही है, लेकिन वर्ल्ड का सबसे गर्म लीबिया है। ये थोड़ा सा उसी पेज में जाके, इसको आपने वर्ल्ड का लिखा होगा तो वर्ल्ड वाले को इसको ठीक कर लेना, वर्ल्ड का तो वर, ये एशिया का सबसे गर्म है, ठीक है। बस ये कुछ बातें बतानी थी, अपडेट कर लेना पिछले पेज में जहाँ आप नोट्स बना रखे हैं, बाकी अपन अब शुरू करते हैं। हाँ, तो आज की वीडियो की शुरुआत करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है।
वो है कि उत्तरी भारत में अधिक ठंड पड़ने के मुख्य क्या कारण है। जो हमारा नॉर्थ इंडिया है वहाँ पर इतनी भयंकर ठंड क्यों पड़ती है, और नॉर्थ इंडिया के अंदर से हम राजस्थान का ये पूरा ऊपर का पोर्शन। देखो मैं मेन चीज़ आपको छोटा सा मैं नॉलेज करवा दूँ कि जहाँ पर भी ठंड ज़्यादा पड़ती है ना, वहाँ ऐसा मान लो कि वो डेजर्ट है, मतलब ज़मीन ज़्यादा, लैंड जहाँ पर ज़्यादा होगी वहाँ पर ठंड ज़्यादा पड़ेगी। जैसे कि हमारा जो साउथ का पोर्शन है वहाँ पर थोड़ा समुद्र आसपास में आ जाते हैं, सी वगैरह, तो समुद्र जहाँ पर आओगे वहाँ पर ह्यूमिडिटी रहती है, पानी की उमस रहती है, तो पानी की ह्यूमिडिटी रहेगी तो वहाँ पर ठंड पड़ती नहीं है, नॉर्मल एटमॉस्फेयर रहता है, ठीक है, चाहे वो गोवा हो चाहे अपने मुंबई हो, वहाँ पर बिल्कुल ठंड नहीं पड़ती। जबकि यहाँ पर राजस्थान हो गया, इस पंजाब हो गया, हरियाणा, इस फील्ड में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर समुद्र आसपास में समुद्र सी वगैरह है ही नहीं, ये मेन रीज़न ये रहता है। और वही आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा नॉर्थ इंडिया है, व्हाट आर द मेन रीजंस फॉर द एक्सेसिव कोल्ड इन नॉर्थ इंडिया, क्या कारण है। तो आंसर लिखना है कि उत्तरी भारत में अधिक ठंड पड़ने के मुख्य रूप से तीन कारण हैं, तीन रीजन मेन माने गए हैं कि देर आर थ्री मेन रीजंस फॉर द एक्सेसिव कोल्ड इन नॉर्थ इंडिया। पहला तो यही है कि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्य समुद्र के समकारी प्रभाव से दूर हैं, इस दूर होने की वजह से महाद्वीपीय जलवायु का अनुभव करते हैं, या सिर्फ महाद्वीपीय जलवायु है बस क्लाइमेट में रहते हैं, वो समुद्र से हो गए दूर, तो मेन ठंड पड़ने का कारण ये है, ठीक है। इन स्टेट्स लाइक पंजाब, हरियाणा, राजस्थान बीइंग फोर अवे फ्रॉम द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ सी एक्सपीरियंस, ये देखो ये कंटिनेंटल यहाँ तक पूरा एक ही वो TL वहीं तक है क्लाइमेट, ठीक है, मतलब ये महाद्वीपीय क्लाइमेट से का फील ले पाते हैं, समुद्र वाला पानी का कोई फीलिंग यहाँ पर है ही नहीं है, पर राजस्थान के नज़दीक कहीं पानी नहीं है, ठीक है, वो है। दूसरा कारण है द स्नोफॉल इन द नियर बाई हिमालयन रेंजेस क्रिएट्स कोल्ड वर सिचुएशन, यानी कि निकटवर्ती हिमालय की श्रेणियों में हिमपात के कारण शीतलहर की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब देखो हिमालय कहाँ पर है, वो हमारे नॉर्थ इंडिया के अंदर ही है भाई, ऊपर पोर्शन में हिमालय, वहाँ से बर्फ़ पिघलता, हिमपात का मतलब स्नोफॉल, बर्फ़ पिघलेगा तो फिर वो पानी चलेगा और फिर चलेगी हवाएं, ठीक है, जो साइबेरिया से आने वाली खूब सारी रोकता है, लेकिन हवाएं तो आती है ना, सारी थोड़ी रोक पाता है हिमालय, तो वहाँ से जो हवाएं एयर आती है वो पानी के साथ टकरा के बहुत ज़्यादा ठंडी शीतलहर चलाती है, तो वो भी नॉर्थ साइड ही रह गया, इस वजह से उत्तर के अंदर फिर वहाँ पर ठंड ज़्यादा पड़ने लग जाती है, पंजाब हो चाहे हरियाणा हो चाहे राजस्थान हो, ये कारण हो गया हिमालय वाला भी। तीसरा अराउंड फेब्रवरी द कोल्ड विंड्स कमिंग फ्रॉम द कैस्पियन सी एंड तुर्कमेनिस्तान ब्रिंग कोल्ड वेव अलॉन्ग विद फ्रॉस्ट एंड फॉग ओवर द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। मैं समझाता हूँ बात की, एक तो कैस्पियन सागर की, कैस्पियन सी, एक बात की तुर्कमेनिस्तान की, ये जो दो हैं, देखो हमारा इंडिया और इंडिया के आप मैप में देखना, वर्ल्ड के मैप में इंडिया के पड़ोसी कौन, पाकिस्तान से बात कर रहा हूँ मैं, ऊपर नॉर्थ में पाकिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान और अफगानिस्तान के ऊपर आपका तुर्कमेनिस्तान है, ये तुर्कमेनिस्तान और इसके तुर्कमेनिस्तान के ऊपर कौन है, वो कैस्पियन सागर है, ये आपको इजीली वर्ल्ड के मैप में मिल जाएगा। आप एटलस मैंने कह दिया था, आई थिंक सबने एटलस ले रखा होगा, तो उस एटलस में आप टिक मार कर सकते हो। तो ये इस वजह से वहाँ जो कैस्पियन सागर जो ऊपर मैंने अभी बताया आपको, अफगानिस्तान के ऊपर तुर्कमेनिस्तान और वहीं कैस्पियन सागर, इन दोनों से ठंडी हवाएं चलती है बहुत ज़्यादा, इस वजह से भी इस पूरे इलाके के अंदर ठंड रहती है। तो तीन मेन कारण याद हो जाएंगे ना, यानी कि फरवरी के आसपास की बात है ये, फरवरी के आसपास कैस्पियन सागर और तुर्कमेनिस्तान की ठंडी पवनें उत्तरी भारत में शीतलहर ला देती है। और ये नोटिस भी क्या होगा, फरवरी के अंदर शीतलहर चलती है, अभी जैसे फरवरी चल रही है तो अभी नॉर्थ इंडिया के अंदर शीतलहर चलती है, ठंडी हवाएं वो फरवरी के अंदर ही चलती है, ठीक है। ऐसे अवसरों पर देश के उत्तरी पश्चिमी भागों में पाला व कोहरा भी पड़ जाता है कभी कभी, ठीक है, फॉग, तो ये सब कारण है जैसे फसलों का नुकसान होता है बहुत ज़्यादा पाला पड़ने से, कोहरा वगैरह पड़ने से, फॉग से, तो ये सब कारण है। कारण क्या हो जाएंगे, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, जैसे छोटा क्वेश्चन आ जाए कि जो भारत का उत्तरी भारत जो है, नॉर्थ इंडिया जो है, उसमें शीतलहर चलने का या फिर कोहरा या फिर फॉग बोल दो चाहे वेस्टर्न पार्ट में पश्चिम भाग में आने का क्या कारण है, तो आपको लिखना है कि कैस्पियन सी यानी कैस्पियन सागर और तुर्कमेनिस्तान से आने वाली ठंडी हवाओं की वजह से, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन अगर वन मार्क्स में बीच बन जाए तो ईजिली आप मतलब याद इतना अच्छा करो कि क्वेश्चन कहीं से ही बने, आपको रेडी रहना है। अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 3 है ना, उसका सेकेंड पार्ट है, जो पीछे वाला क्वेश्चन उसका सेकंड पार्ट ये कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार भारत में कितने स्पष्ट मौसम पाए जाते हैं, किसी एक मौसम की दशाओं की सविस्तार व्याख्या कीजिए। देखो अभी अपन हालांकि मौसम वैज्ञानिकों ने इसके चार विभाग बताए हैं,
सॉरी चार ऋतु में बताइए। एग्जाम में पूछा है किसी एक पर, लेकिन अपन चारों पढ़ेंगे। मैंने इस बॉक्स में बंद करने का रीजन ये है कि अभी जैसे शीत ऋतु पढ़ लेंगे आप एग्जाम में, तो चलो शीत ऋतु लिख के आ जाना, किसी एक का लिख के आ जाना, लेकिन अपन को पढ़ना चारों है, इसलिए ये 17वां क्वेश्चन हो जाएगा। बाकी तीन क्वेश्चन बनाएंगे वो तीनों ऋतुओं पर ही होंगे, ठीक है ना। वो ध्यान रखना, वापस समझा देता हूँ कि भारतीय मौसम विज्ञान ने चार ऋतुएं बताइए, मेट्रोलॉजिस्ट ने कितने सीजन बताइए, फोर सीजन। क्वेश्चन में पूछा है कोई एक सीजन का, तो अभी अपन शीत ऋतु की बात करेंगे इस क्वेश्चन में। तो बाकी तीनों ग्रीष्म हो चाहे दक्षिण पश्चिम मानसून वालों, सारी तीनों की तीनों और बची हुई तीन क्वेश्चन अलग अलग बनाएंगे, वो भी इसी का पार्ट हो सकता है, समझ गए ना आप। वो अपन अलग क्वेश्चन बनाएंगे, लेकिन ध्यान ही रखना है चार ऋतुएं बताइए, ठीक है। यानी क्वेश्चन है कि हाउ मेनी डिस्टिंक्ट सीजन आर फाउंड इन इंडिया एज पर द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, डिस्कस द वेदर कंडीशन एसोसिएटेड विद एनी वन सीजन इन डिटेल। हालांकि मैं एक काम करता हूं कि अभी जैसे अपन ने वन का नाम लिख लिया और इसको डिटेल में पढ़ लिया, चारों के नाम आपको लिखा देता हूं, ठीक है, क्योंकि वन मार्क्स में क्वेश्चन यहां से आ सकता है सिर्फ इतना ही कि जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, जो मौसम विज्ञान विभाग है, उसने हमारे ऋतुओं को, भारत के सीजन को कितने भागों में बांटा है, तो चार उन चारों के नाम देख लेते हैं एक बार, ठीक है। हाँ, तो मैं एक चार्ट बना देता हूँ आपको, ठीक है, उसको बिल्कुल ईजिली याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अकॉर्डिंग टू, अलग से लिख लिया करो, बॉक्स बंद करके लिख लिया करो, अकॉर्डिंग टू मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ठीक है, यानी कि मौसम विभाग के अनुसार, मौसम विभाग के अनुसार कितने ऋतुएं हैं, ठीक है। क्या पढ़ रहे हैं अपन, सीजन्स, सीजन्स का मतलब ऋतुएं, ये समझना आप। मौसम विभाग हो सकता है अलग से वन मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है, ये वन या क्या टू मार्क्स के लेवल का है, तो चार ऋतुएं बताई गई है, ठीक है। फर्स्ट की बात करता हूं मैं, ग्रीष्म, शीत मान लो, चलो शीत के अकॉर्डिंग चले थे तो शीत ऋतु, ठीक है, यानी कि विंटर सीजन, और टाइम पीरियड भी लिखा रहा हूं, हालांकि टाइम पीरियड आपकी बुक में स्पेशली नहीं है, लेकिन आपको याद करना है। विंटर सीजन स्टार्ट होती है दिसंबर टू अपन ले लेते हैं फरवरी, ठीक है, दिसंबर जनवरी फरवरी तीन महीने हो गए, ठीक है, दिसंबर टू फेब हो गया। और फिर सेकंड आपकी आती है ग्रीष्म ऋतु, ठीक है, यानी कि समर सीजन की मैं अगर बात करूं तो फरवरी तक तो ये थी, ये इसको माना जाता है मार्च अप्रैल और मई तक माना जाता है, ठीक है, ये होगी ग्रीष्म ऋतु। तीसरी है दक्षिणी पश्चिमी मानसून ऋतु, ठीक है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून ऋतु, यानी कि साउथ वेस्ट मानसून सीजन, ठीक है, ये हो जाएगी दक्षिणी पश्चिमी मानसून ऋतु। और इसका टाइम पीरियड हो जाएगा जून जुलाई अगस्त तक इसका टाइम पीरियड हो जाएगा, ठीक है। नंबर चार है मानसून निवर्तन की ऋतु, मतलब मानसून के जाने की ऋतु, मानसून रिट्रीटिंग सीजन, यानी कि इसका टाइम पीरियड हो जाएगा अगस्त तक, ये हो गया, तो सितंबर टू नवंबर तक, तीन महीने ही हो गए, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, ठीक है। वापस ये रूटीन देखो, नवंबर में ये खत्म हो गई, वापस दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगी। तो ये चार्ट आपको याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है, हमारा मौसम विज्ञान का विभाग जो, मान लो मौसम विभाग के अनुसार चार ऋतुएं हैं, और इन चारों का वर्गीकरण आपको आपने समझ लिया। हालांकि आपके जो इस क्वेश्चन के अंदर ये कहा कि किसी एक का वर्णन करो, लेकिन अपन चारों के चार क्वेश्चन की तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। आपको चारों को ही पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम में अलग अलग पूछी जा सकती है, कोई एक का डिस्क्राइब पूछ सकते हैं, वर्णन आपसे पूछ सकते हैं, इसलिए चारों बहुत डिटेल में करने वाले हैं, बहुत अच्छे से आपको इसको समझते हुए चलना है। हालांकि जो ये दोनों है ना, नंबर तीन और नंबर चार, इनकी कुछ ब्रांचेस भी है, कुछ शाखाएं भी पढ़ेंगे अपन, जैसे इसकी तीन ब्रांच पढ़ेंगे अपन, इसकी दो ब्रांच पढ़ेंगे अपन, ठीक है। तो मतलब ऐसे हैं कि इसकी पहले तो दो ब्रांच पढ़ेंगे,
अरब सागर की शाखा और जो अपने बंगाल की खाड़ी की शाखा, बे ऑफ बंगाल और अरबियन सी। और फिर उन जो ये जैसे अरब सागर की शाखा पढ़ी अपने अरबियन सी की, और ये अपन पढ़ेंगे बे ऑफ बंगाल की, ठीक है। इस अरबियन सी की खुद की 3 शाखाएं हैं और बे ऑफ बंगाल की 2 शाखाएं, 2 ब्रांचेज है। पूरी बात समझ में आ गई? ऐसा छोटा सा चार्ट बना लेना, और ये भी मैंने नाम नहीं लिखे हैं, ये आप पहले थ्योरी पढ़ लो भी, उसके बाद में लास्ट में इसी चार्ट को मेंटेन कर देना, थोड़ा सा जगह छोड़ देना थोड़ी सी, और उसी में आगे बना देना कि दक्षिण पश्चिम मानसून की 2 ब्रांच अरबियन सी और बे ऑफ बंगाल, अरबियन सी की 3 ब्रांच और बे ऑफ बंगाल की 2 ब्रांच। इस तरीके से मानसून निवर्तन के अंदर तो कुछ नहीं है इसमें, सॉरी कुछ है ही नहीं इसमें, कोई ब्रांच नहीं है भाई। नंबर 4 में तो कोई ब्रांच नहीं है इसमें, तो सिर्फ इसकी नॉर्मल स्टोरी पढ़ेंगे अपन कि कैसे आता है कैसे जाता है। तो बहुत ज़रूरी चीज़ थी, इसको अच्छे से उतार के अपना हमेशा जैसा मैं बनाऊँ उसके ऐसे बॉक्स बंद कर दिया करो, ऐसे वो आपके नोट्स की नोटबुक में होना चाहिए, ठीक, हर चीज़ उसी में रखना है और स्कूल से अलग रजिस्टर आपको बनाना है, ठीक है। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं एक एक ऋतु या फिर एक एक सीज़न। ठीक है, तो ये चारों नाम आपको लिखना है जब 1 मार्क्स का क्वेश्चन आए तब, ठीक है ना। अब वापस अपन बात करते हैं द मेट्रोलॉजी को रिकॉग्नाइज द फॉलोइंग 4 सीजन्स। नंबर 1 अपन लेते हैं द कोल्ड वेदर सीजन, ठीक है, यानी कि शीत ऋतु। उसमें पहला पॉइंट शीत ऋतु में पहला तापमान, दूसरा वायुदाब पवन, ऐसे 3-4 पॉइंट है इसके। टेम्परेचर की अपन अगर बात करें तो देखो आमतौर पर हमारा जो नॉर्थ इंडिया है, उत्तरी भारत है, उत्तरी भारत में शीत ऋतु है ना वो लगभग नवंबर के मध्य तक, आपने सोचा देखा होगा नवंबर के मिड तक आरंभ होती है, कि मतलब अपन कहते हैं ना कि 15 नवंबर के समथिंग ठंड आ जाती है, वही चीज़ है। तो नवंबर के मध्य तक आरंभ होती है और उत्तरी मैदान में जनवरी और फरवरी सर्वाधिक ठंडे महीने होते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। टेम्परेचर की बात करें अपन शीत ऋतु में यानी द कोल्ड वेदर सीजन में, तो यूजुअली द कोल्ड वेदर सीजन सेट्स इन बाय मिड नवंबर इन नॉर्थ नदर्न इंडिया, और दिसंबर एंड जनवरी आर द कोल्डेस्ट मंथ्स इन द नदर्न प्लेन। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट, 1 मार्क्स क्वेश्चन आ सकता है, कौन से 2 महीने सबसे ठंडे, दिसंबर और जनवरी, ये सबसे ठंडे महीने हैं, ठीक है ना। और आपने नोटिस भी किया होगा अपने दिसंबर और जनवरी में सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है, फरवरी में फिर धीरे धीरे कम होने लग जाती है, ठीक है। और इस समय उत्तरी भारत में अधिकांश भागों में औसत दैनिक टेम्परेचर जो है वो 21 डिग्री सेल्सियस रहता है, दिन का तापमान तो 21 डिग्री सेल्सियस रहता है और रात्रि का तापमान काफ़ी कम हो जाता है, वो थोड़ी ठंड ज़्यादा होती है। देखा होगा कि दिन में तो ठीक ठाक मौसम और रात को ठंड ज़्यादा, ऐसा मौसम रहेगा पूरे फरवरी आधे मार्च तक रहने वाला है। जो पंजाब और राजस्थान में हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस, हिमांक का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है सब जानते हो आप, इससे भी नीचे चला जाता है पंजाब और राजस्थान में तो रात के टाइम पर, ठीक है, ये मतलब लगभग माइनस के आसपास, तो ये हो जाएगा नाइट टेम्परेचर में बी क्वाइट लो, समटाइम्स गोइंग बिलो फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट का ब्रैकेट में लिख सकते हो आप 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, यहाँ इस जगह इन पंजाब एंड राजस्थान, ठीक है, बहुत इजी है, फैक्ट सीधे सीधे फैक्ट है, इजीली आपको याद करना है। हाँ, बीच में क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे शीत ऋतु के दिन का तापमान कितना रहता है, 21 डिग्री सेल्सियस रहता है, ठीक है, रात का थोड़ा बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, वो हिमांक 0 डिग्री तक चला जाता है। फिर वायुदाब तथा पवने, तो सितंबर के अंत तक यानी लगभग 22 दिसंबर, ये जितनी भी डेट है वेरी इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा फैक्ट वाला। तो दिसंबर के अंत तक यानी 22 दिसंबर सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर सीधा चमकता है। मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री मैंने आपको बताया, 23.5 सब समझ में आ रखा है, वहां पर सूर्य सीधा चमकता है। और दक्षिणी भारत में वायुदाब उतना अधिक नहीं होता, ठीक है, वायुदाब मतलब प्रेशर बेल्ट, यानी कि ये है कि बाय द एंड ऑफ दिसंबर, 22 दिसंबर डेट भी लिखना है, द सनशाइन वर्टिकली ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन इन द सदर्न हेमिस्फेयर, ठीक है, इन साउथ इंडिया द एयर प्रेशर इन स्लाइटली लोअर, ठीक है, स्लाइटली लोअर रहता है। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पर कुछ बातें लिखी हुई है, 1019 MB और 1013 MB, ठीक है, इसका मैं अभी आपको एक मैप से समझाता हूँ, 1019 और 1013 मिली बार क्या है, पूरी एक बार समझो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। हाँ, तो मैंने आपके लिए 2 डायग्राम बनाए हैं, प्रॉपर इंडिया का मैप बने कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक ठाक समझ में आ जाना चाहिए, मार्क्स नहीं कटते इस चीज़ के। और ये कुछ दाब, ऐसा मान लो कि दाब क्षेत्र है, प्रेशर एरिया है, ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है। अब देखो जैसे अभी अपन बात कर लेते पहले विंटर की, हालांकि मैंने एक्स्ट्रा में आपके ग्रीष्म का ही बना दिया है, समर का ही बना दिया है, पहले विंटर को समझो। ये जनवरी के टाइम पर रहता है, ठीक है, शीत ऋतु के अपन पढ़ रहे हैं अभी, तो विंटर वाले में लगेगा ये। 1013 बिल्कुल ऐसा इंडिया के नीचे वाले पोर्शन में, साउथ में शुरू करना, 13, 14, 15, 16, मतलब ये जो अपना गुजरात वाला पोर्शन है इसके लास्ट कोने तक 16 पहुंचा देना, ये ध्यान रखना। यहाँ तो कोई मेजरमेंट करने की जरूरत नहीं है, एक्यूरेट की जरूरत नहीं है इस अंदाजे से,
एफ एक्स हो गया। और फिर ये जो पोर्शन है जो अपन दो ऐसे खांचे बनाए ना, इस सेकंड वाले से लेके इन दोनों के टच तक, ये 1017 मिली बार। एम बी का मतलब ये मिली बार है, ठीक है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम एम बी लिख देना, फुल फॉर्म मिली बार की जरूरत नहीं है। और फिर यहाँ से लेके ये जो पूरा पोर्शन है ये 1018 हो जाएगा, ये राजस्थान के अंदर लगभग राजस्थान का पोर्शन, ये 1019 मिली बार हो जाएगा। तो ये रफ स्केच आपको बनाना है, ये बनाना है शीत ऋतु वाले के अंदर डायग्राम, बना देना बहुत इफेक्टिव आंसर जाएगा, ठीक रहेगा, कोशिश कर लेना, ज़्यादा मुश्किल है नहीं, ठीक है। अब अपन जब सेकेंड ऋतु पढ़ेंगे ग्रीष्म ऋतु समर सीजन, उसमें बना देना ये, इसमें जो प्रेशर रहता है या दाब का जो एरिया रहता है वो 1009 से लेके 997 से लेके 1009 के बीच में रहता है। देखो मैं आपको कुछ बात बता दूं, इसमें तो रहता है 1013 मिली बार से लेके 1019 मिली बार, ठीक है, 1019 मिली बार हाईएस्ट ये रहा, ये तो रहता है ग्रीष्म ऋतु के अंदर, ठीक है। और इसके अंदर जो आपका रहता है वो रहता है 997 मिली बार से लेके 997 मिली बार से लेके 1009 मिली बार, ये रहता है आपका इस सीजन में, ठीक है, ये दोनों आपको जरूर याद रखना है। अब एक चीज और, वापस वैसा 1009 1008, ये अगर मैं छोटे बढ़ते अगर मैं चलूँ तो ये 997 ये 998, देखो राजस्थान के ऊपर से निकलता हुआ यहाँ टच गुजरात तक, फिर यहाँ से इनका सबका जरूर ध्यान रखना, जैसा मैंने मैप में दिखाई लाइनें वैसी वैसी होनी चाहिए, यहाँ इन खांचों के बीच से निकलनी चाहिए, फिर यहाँ इससे पहले पहले, ठीक है, और फिर ये ऐसे निकल जाएगी और फिर ये ऐसे निकल जाएगी, ठीक है, और ये फिर सब कुछ ये 1009 8 7 6 5 4 3, फिर ये 2, फिर 1001 मिली बार, 1000 मिली बार, 999 मिली बार, 9897 मिली बार, ठीक है, 997 तक इस तरीके से। और ग्रीष्म ऋतु जुलाई का महीना होता है वो लिखना आपको नीचे, और ये इसका ग्रीष्म का टेम्परेचर मान लो प्रेशर वो रह जाएगा, दाब रह जाएगा। अब एक चीज़ और समझनी है, तीसरी बात, तीसरा अपन पढ़ेंगे ऋतु पढ़ेंगे दक्षिणी पश्चिम मानसून, तो दक्षिणी पश्चिम मानसून के साउथ वेस्ट मानसून उसमें भी यही डायग्राम है, उसमें भी सेम टू सेम 997 मिली बार से लेके 1009 मिली बार तक रहता है। फिर सुन लो, चारों ऋतुओं में फर्स्ट में ये डायग्राम बनाना है प्रेशर में, सेकंड में ये बनाना है, थर्ड में भी यही बनाना है क्योंकि सेम ही प्रेशर रहता है 997 से लेके 1009 तक, ठीक है। और चौथी सीजन है मॉनसून निवर्तन की, रिटायरिंग मॉनसून, उसमें कोई ऐसा डायग्राम नहीं बनाना, उसमें तो सीधी थ्योरी है कैसे कैसे मॉनसून जाता है, क्योंकि फिर वो निम्न दाब पेटियां होने की वजह से ऑलमोस्ट फिर वो खत्म हो जाता है। तो चौथे में तो डायग्राम है नहीं, तीसरी ऋतु के अंदर डायग्राम है जो यही वापस बनाना है। मेरी बात पूरी स्टोरी समझ गए ना आप, ठीक है, अब अपन वापस चलते हैं थ्योरी पर। तो ये आपने देख लिया, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, 1013 1017 1019 एम बी वाली चीज़ें, मतलब एम बी वाली मिली बार, ये बहुत इंपॉर्टेंट थी, वो आपको समझना बहुत ज़रूरी था। डायग्राम आप साइड में ये वाला जो मैं आपको बनवाया वो कहीं पर बना देना, ठीक है। आगे देखते हैं, ड्यू टू लो प्रेशर ग्रेडियंट द लाइट विंड्स विद अ लो वेलोसिटी ऑफ अबाउट 3 to 5 किलोमीटर पर आर बिगिन टू बिलो आउटवर्ड्स, ठीक है, यानी कि कम दाब प्रवणता के कारण 3 से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से मंद गति की पवने चलती है प्रेशर कम होने की वजह से, और सर्दियों में भारत का मौसम बड़ा सुहावना रहता है वैसे, लेकिन कभी भी फिर भी ये कभी कभी क्या होता है कि सुहावना मौसम कभी कभार हल्के चक्रवाती अवदाबू से बाधित हो जाता है, जैसे कभी बारिश आ जाती है, कभी कभी सर्दियों में मौसम खराब हो जाता है, और कभी कभी ठीक भी रहता है, दिन का टेम्परेचर ठीक है, धूप निकल जाती है, बाकी ठीक टेम्परेचर सुहावना मौसम रहता है, मतलब बिल्कुल भी चिपचिपाहट नहीं रहती ठंड। सर्दी के मौसम में हमेशा ड्राई डे होता है, डे बिल्कुल ड्राई होता है, अभी नोटिस किया होगा, जबकि मौसम जो बारिश का होता है उसमें थोड़ी सी ह्यूमिडिटी रहती है, तो ये इस तरीके से बड़ा सुहाना मौसम होता है, लेकिन कभी कभार डिस्टर्बेंस हो जाती है जब बारिश भी होती है, और वो कभी कभी बारिश सही भी होती है, जैसे माउट वगैरह के लिए, माउट जो बारिश सर्दी की बारिश क्या बोलते हैं माउट, तो माउट वाली बारिश बहुत सही भी मानी जाती है। तो ड्यूरिंग द विंटर्स द वेदर इन इंडिया इज प्लीजेंट, हाउएवर एट इंटरवल्स गेट, अभी ये पूरा नहीं हुआ, थोड़ा सा इंग्लिश में स्पेस कम पड़ गया, इसको पूरा कर लेंगे लाइन को, ठीक है। हाँ, तो लाइन रह गई थी इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो वही हाउएवर, तो इतना तो लिख लिया था अपन, एडजस्ट कर लेना, एट इंटरवल्स गेट डिस्टर्ब बाय शैलो साइक्लोनिक डिप्रेशंस, ठीक है, इस तरीके से आपका कंप्लीट हो गया। हाँ, अब देखो इसका तीसरा पॉइंट, और वह वर्षा यानी कि रेनफॉल, और वर्षा के मामले में ये ध्यान रखना है कि वैसे तो शीतकालीन मानसून के अंदर बारिश के बहुत कम होती है, लेकिन हाँ कुछ एक्सेप्शन ऐसे हैं, 2-3-4 में एक्सेप्शन आपके अपवाद स्वरूप लिखे हैं, इन 3-4 में से आप कोई 1 या 2 भी लिख दोगे तो भी इसका आंसर बिल्कुल सही बन जाएगा, लेकिन कोशिश कर लेना कि 3-4 पूरे हो जाए, क्योंकि यहां से 1 मार्क्स के क्वेश्चन बीच में बनने के पूरे पूरे चांस है, जैसे कि
शीतकालीन मानसून पवन स्थल से समुद्र की ओर चलने के कारण वर्षा नहीं होती, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि शीतकाल के अंदर जो पवने हैं वो स्थल से समुद्र की ओर चलती है, इस वजह से बारिश तो नहीं होती, लेकिन अपवाद स्वरूप कुछ क्षेत्रों में शीत ऋतु में वर्षा होती है, ठीक है। यानी कि रेनफॉल की अगर बात करें तो विंटर मानसून डू नॉट कोज रेनफॉल एज दे मूव फ्रॉम लैंड टू सी, हाउएवर देर आर सम एक्सेप्शन टू इट। वो कौन कौन से एक्सेप्शन है, वो अपने चार एक्सेप्शन लिखे हैं, ठीक है। जैसा कि पहला है कि उत्तरी पश्चिमी भारत में भूमध्य सागर से आने वाले कुछ क्षीण शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात पंजाब हरियाणा दिल्ली तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ वर्षा करते हैं, ठीक है, जिसको अपन मावठ के नाम से भी जानते हो, आपको पता ही जो सर्दी में होने वाली बारिश है। तो ये इस पॉइंट को आप जरूर लिख देना, क्योंकि इसमें स्टेट के नाम भी है, पंजाब हरियाणा दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इसमें कुछ जगह बारिश हो जाती है, तभी यहाँ पर आप नोटिस करना खेती अच्छी होती है। यानी कि इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया सम वीक टेम्परेचर साइक्लोन्स फ्रॉम द मेडिटेरियन सी कोज रेनफॉल इन पंजाब हरियाणा दिल्ली एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ठीक है। और सेकेंड पॉइंट है कि कभी कभी देश के मध्य भागों में भी हो जाती है, जैसे कि मध्य भागों में दक्षिण प्रायद्वीप में उत्तरी भागों में भी कुछ शीतकालीन वर्षा हो जाती है। इस पॉइंट को चाहो तो स्किप कर सकते हो, है ना, सेकंड को स्किप कर सकते हो, लेकिन फिर भी अगर याद हो जाए तो लिख देना, वरना इसको भी स्किप किया जा सकता है, क्योंकि वर्डिंग के अकॉर्डिंग और भी आंसर वैसे खूब बड़ा हो जाएगा। ये सेंट्रल पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ सदर्न पेनिनसुला आल्सो गेट विंटर रेनफॉल ओकेजनली, यहाँ पर भी कभी कभी ओकेजनली मतलब कभी कभी यहाँ पर भी बारिश हो जाती है। हाँ, ये वापस तीसरा पॉइंट आपको जरूर लिखना है, जाड़े के महीनों में, जाड़े के महीनों का मतलब हो गया ठंड के महीने। तो जाड़े के महीनों में भारत का जो उत्तरी पूर्वी भाग है, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश और असम, ठीक है, उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित अरुणाचल प्रदेश तथा असम में 25 से 50 मिलीमीटर तक वर्षा हो जाती है। इस पॉइंट को आपको जरूर लिखना है, ठीक है। तो मतलब अपन वो पॉइंट पढ़ रहे हैं कि वैसे तो सर्दी के अंदर जो पवने हैं वो स्थल से समुद्र की ओर चलती है, लैंड से सी की ओर चलती है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं पर बारिश हो जाती है, क्योंकि लैंड से सी की चलने की वजह से बारिश नहीं होती, लेकिन हाँ कहीं कहीं अपवाद स्वरूप हो जाती है। तो कोई दो या तीन, जैसे कि तीसरा पॉइंट भी ठीक है, ये तीन पॉइंट आपको जरूर, तीन अपवाद स्वरूप बातें लिख देनी है, ठीक है। यानी कि अरुणाचल प्रदेश एंड असम इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया ऑल्सो हैव रेन्स बिटवीन 25 mm एंड 50 mm ड्यूरिंग दीज विंटर मंथ्स। इन महीनों में 25 से 50 mm तक बारिश यहाँ पर असम और आपके अरुणाचल प्रदेश के अंदर हो जाती है। फिर इसका जो चौथा पॉइंट है वो है उत्तर पूर्वी मानसून। अपने पढ़ा दक्षिण पूर्वी मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून, जो अपन आगे पढ़ेंगे, हालांकि मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता चुका, और ये है उत्तर पूर्वी मानसून। तो उत्तर पूर्वी मानसून पवने अक्टूबर से नवंबर के बीच, अक्टूबर से नवंबर के बीच बंगाल की खाड़ी को पार करते समय थोड़ी सी मॉइस्चर यानी नमी ग्रहण कर लेती है और तमिलनाडु, दक्षिण आंध्र प्रदेश, दक्षिण पूर्वी कर्नाटक और दक्षिण पूर्वी केरल में वर्षा करती है। ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है, टाइम में अक्टूबर से नवंबर के बीच में बंगाल की खाड़ी को पार करते समय नमी ग्रहण कर लेती है। तो कौन सी पवने, उत्तरी पूर्वी मानसून पवने, जिनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ चुके, तमिलनाडु, दक्षिण आंध्र प्रदेश, दक्षिण पूर्वी कर्नाटक और दक्षिण पूर्वी केरल में झंझावती बारिश करती है, वर्षा करती है, बात एक ही है। यानी कि ड्यूरिंग अक्टूबर एंड नवंबर नॉर्थ ईस्ट मानसून वाइल क्रॉसिंग ओवर द बे ऑफ बंगाल पिक्स अप मॉइस्चर एंड कॉजेज टेरिटोरियल रेनफॉल ओवर द तमिलनाडु कोस्ट, सदर्न आंध्र प्रदेश और साउथ ईस्ट कर्नाटका एंड साउथ ईस्ट केरला। ये स्टेट दो चार, कोशिश करना सारे याद हो जाए, और अगर एक दो ना भी हो तो गलत हो मत लिखना, लेकिन दो तीनों याद कर लेना, ठीक है। स्टेट का नाम लिखने से आपका आंसर और ज़्यादा इफेक्टिव बन जाएगा। तो ये होगी अपने बारिश की बात, यानी कि वर्षा की बात, रेनफॉल की बात। अब बात करते हैं, ये तो अपनी जो शीत ऋतु थी वो कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है, विंटर सीजन कंप्लीट हो गई। अब अपन बात करेंगे इसके सेकंड पॉइंट की। हालांकि मैंने कहा था कि मैं अलग क्वेश्चन बनाऊंगा, अलग की जरूरत नहीं है, इसी में लिख लेते हैं, क्योंकि वैसे भी एग्जाम के अंदर चारों सीजन एक साथ नहीं पूछेगा, और अगर चारों सीजन एक साथ पूछ ले कि मेट्रोलॉजिकल के अकॉर्डिंग, यानी कि मौसम विभाग के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा आपका जो है जो चारों ऋतुओं का वर्णन कीजिए, अगर चारों सीजन का आपसे डिस्क्राइब पूछे तो उस टाइम पर आपको इन सब को थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा कर देना है। चारों लिखने को लिखोगे तो फिर बहुत बड़ा आंसर बन जाएगा, इसलिए करना क्या है कि जैसे वर्षा की बात करोगे तो सिर्फ दो तीन लाइन लिख दी मेन वाली, भले कोई सा इनमें से एक पॉइंट लिख देना, हर थोड़ा तो दो दो लाइन लिख के पॉइंट सारे टच करना, लेकिन कम लिखना है, ये ध्यान रखना। और वैसे भी एक सीजन के बारे में पूछेगा मोस्टली, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं ग्रीष्म ऋतु की, ठीक है।
तापमान, ग्रीष्म ऋतु वही वापस फर्स्ट पॉइंट तापमान उसमें था शीत में यानी कि विंटर में, और वही वापस आपके समर में रहेगा यानी कि टेम्परेचर तापमान। तापमान की बात की जाए गर्मी के अंदर तो मार्च में सूर्य के कर्क रेखा की ओर आभासी बढ़त के साथ ही उत्तरी भारत में तापमान बढ़ने लगता है। अभी आप नोटिस कर सकते हो फरवरी का महीना चल रहा है तो मार्च के लगभग मार्च में गर्मी स्टार्ट हो जाएगी, वैसे फेब के आधी फरवरी के बाद में स्टार्ट हो जाती है, लेकिन मार्च से सूर्य कर्क रेखा की ओर आभासी मतलब वो अपनी इस तरफ बढ़ता है, कर्क रेखा की ओर बढ़ता है यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ बढ़ता है, तो उसके बाद में टेम्परेचर जो नॉर्थ इंडिया उसके अंदर बढ़ने लग जाता है। ठीक है, यानी कि अगर अपन द हॉट वेदर सीजन में फर्स्ट पॉइंट टेम्परेचर लें तो विद द अपरेंट नॉर्थ वर्ड मूवमेंट ऑफ द सन टुवर्ड्स द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन मार्च टेम्परेचर स्टार्ट राइजिंग इन नॉर्थ इंडिया। ठीक है, स्टार्ट हो जाता है। फिर अपन बात करते हैं अप्रैल मई की, तो अप्रैल मई व जून इसमें उत्तरी भारत में स्पष्ट रूप से ग्रीष्म ऋतु आ जाती है, ये भी जरूर याद रखना। हो सकता है कोई वन मार्क्स में क्वेश्चन आ जाए, वैसे वन मार्क्स में क्वेश्चन बना भी दूंगा मैं कि अप्रैल मई व जून ये वो महीने हैं जो भारत के अंदर उत्तरी भारत के अंदर नॉर्थ इंडिया के अंदर स्पष्ट ग्रीष्म ऋतु ला देते हैं, या फिर ऐसा मान लो कि इन महीनों में कंप्लीट ग्रीष्म ऋतु या फिर समर सीजन आ जाता है। ठीक है, कौन से महीने, अप्रैल मई और जून, और मार्च के महीने में सूर्य के जो कर्क रेखा है बिल्कुल ऐसा मान लो कि लंबवत चमकती है या फिर सूर्य लंबवत आ जाता है यानी कि उसके नज़दीक आ जाता है, इस वजह से गर्मी स्टार्ट हो जाती है। और भारत के अधिकांश भागों में तापमान इस टाइम पर कितना बन जाता है, लगभग 30 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है। ये दो बातें आपको ज़रूर ध्यान रखनी है, यानी कि एक तो महीने कि अप्रैल मई एंड जून आर द मंथ्स ऑफ समर इन नॉर्थ इंडिया। ठीक है, और इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया टेम्परेचर्स रिकॉर्डेड आर बिटवीन 30 डिग्री सेल्सियस टू 32 डिग्री सेल्सियस, 30 से 32 डिग्री सेल्सियस इस टाइम पर हमारे नॉर्थ इंडिया के अंदर या फिर अधिकांश भारत के अंदर टेम्परेचर हो जाता है। ठीक है, लगभग ये भी आपको ध्यान रखना था। ग्रीष्म ऋतु का फर्स्ट पॉइंट तापमान कंप्लीट, अब इसका सेकेंड पॉइंट वायुदाब और पवने यानी कि प्रेशर एंड विंड्स। तो इसकी अपन अगर बात करें तो देश के आधे उत्तरी भाग में ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी और गिरता हुआ वायुदाब पाया जाता है। ठीक है, ये वायुदाब प्रेशर बेल्ट अपन ने पढ़ लिया था डायग्राम में, तो वो चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। द समर मंथ्स आर ए पीरियड ऑफ एक्सेसिव हीट एंड फॉलिंग एयर प्रेशर इन द नॉर्दर्न हाफ ऑफ द कंट्री। ठीक है, वन लाइन ईजी है। तो इसके बाद में सेकेंड है, उत्तर पश्चिम में अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र के केंद्र में दोपहर के बाद में लू, ये भी सुना होगा दोपहर के बाद में बहुत गर्म हवा चलती है जिसको अपन लू, स्थानीय शब्द है ये, लू के नाम से विख्यात शुष्क एवं तप्त हवाएं चलती हैं जो कई बार आधी रात तक भी चलती है। ठीक है, यानी कि द समर मंथ्स आ रहे पेड़, ये तो हो गया अपना। इसके बाद अपन बात करते हैं इसकी, हाँ, इन द हीट ऑफ द आईटीसीजेड, हाइट ऑफ आईटीसीजेड, देखो आईटीसीजेड बोल दो, इंग्लिश में आईटीसीजेड लिखा हुआ है चाहे हिंदी में पूरा नाम लिखा हुआ है, तो हिंदी मीडियम वाले भी इसका पूरा नाम अधूरा लिख सकते हो, बोले आईटीसीजेड अंत उष्णकटिबंधीय विसरण क्षेत्र। ठीक है, मैंने आपको आईटीसीजेड के बारे में पूरा फुली एक्सप्लेन कर रखा है, तो वही आईटीसीजेड है। और मैंने कहा था कि आईटीसीजेड गर्मी के अंदर ऊपर, सर्दी के अंदर नीचे, वो पूरा डायग्राम के समय बताया था कहाँ कहाँ खिसक जाती है 25 से 30 डिग्री समथिंग, तो वो चीज़ वही है कि द आईटीसीजेड इन द नॉर्थ वेस्ट द ड्राई एंड हॉट विंड्स नॉन एज लू। ठीक है, इंग्लिश में भी एल डबल ओ लू, ये लू ब्लो इन द आफ्टरनून, जो दोपहर में चलती है, कभी कभी दोपहर से शुरू होती है कि आधी रात तक भी चल जाती है, तो एंड वेरी ऑफ्टन दे कंटिन्यू टू वेल इन टू मिड नाइट। ठीक है, मिड नाइट तक भी वो लू कभी कभार चल जाती है, तो ये तो ईजी वर्ड है, सुना भी होगा आपको, लू तो बिल्कुल ड्राई सूखी और बहुत तेज़ यानी कि तप्त ये पवने होती है। ठीक है, ये ईजी हो गया अपना। इसके बाद में अपन बात करें तो मई में शाम के समय पंजाब, हरियाणा और पूर्वी राजस्थान, ध्यान रखना मई का महीना है, ये फैक्ट जरूर डालना आंसर में, मई में शाम के समय पंजाब, हरियाणा और पूर्वी राजस्थान और उत्तर प्रदेश में धूल भरी आंधियां चलती है। ठीक है, आंधियां चलने का भी एक आम बात है, जैसे राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान मोस्टली श्रीगंगानगर वगैरह में इनमें बहुत ज़्यादा धूल भरी आंधियां चलती है, तो ये चीज़ें भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको फैक्ट जरूर डालना है। एक तो मई का महीना है और स्टेट कौन कौन से, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और यूपी। ठीक है, ये राजस्थान में पूरा लिखना चाहते हो तो पूर्वी राजस्थान, ये ध्यान रखना। डस्ट स्टॉर्म्स इन द इवनिंग आर वेरी कॉमन ड्यूरिंग मई इन पंजाब, हरियाणा, ईस्टर्न राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ईजी, आई थिंक सारे पॉइंट बिल्कुल ईजी से याद हो जाएंगे। फिर तीसरा इसका है,
ग्रीष्म, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आज के पूरे वीडियो का, सबसे इंपॉर्टेंट है ये ग्रीष्म ऋतु में आने वाले कुछ प्रसिद्ध स्थान, ये तूफान। अब एक चीज ये ध्यान रखना, अभी ये ग्रीष्म ऋतु में आने वाले इसलिए अपन को इसके साथ पढ़ना पड़ रहा है, वरना ये जितने भी चार पॉइंट है ये अपन पढ़ेंगे, चाहे वैशाखी काल हो चाहे आम्र वर्षा हो, है ना, ये तीनों चारों चार है टोटल, ये चारों चार क्वेश्चन बना सकते पूछ सकते हैं आपसे, वन वन मार्क्स में या फिर टू टू मार्क्स में, इसलिए यहाँ वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, और इन चारों को बिल्कुल लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड आपको याद करना, इसमें कोई बिल्कुल एक लाइन भी नहीं स्किप कर सकते आप, ठीक है, क्योंकि ये अलग से पूछा जाएगा और गया भी है पूछा, ठीक है। फर्स्ट है आम्रवर्षा, ठीक है, यानी कि कुछ अपन बात कर रहे हैं सम फेमस लोकल स्टॉर्म्स ऑफ हॉट वेदर सीजन, जिसके अंदर अपन पहली बात कर रहे हैं मैंगो शावर, ठीक है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है मैंगो शावर का मतलब आम्रवर्षा, जो आम को पकाने में हेल्प करते हैं, ठीक है, इसलिए आम्रवर्षा कहलाए, ये आम्रवर्षा के नाम से जानी जाती है, और ये कहाँ पर है, केरल और कर्नाटक जो है ना वहाँ पर ये बारिश होती है, ठीक है। तो बात कर ले थोड़ी इसके अंदर कि ग्रीष्म ऋतु के खत्म होते होते, जैसे ग्रीष्म ऋतु खत्म होती है उसके खत्म होते होते पूर्व मानसून बौछारें पड़ने लग जाती है, जो केरल व तटीय कर्नाटक में ये एक आम बात है, मतलब वहां पर हाँ ये बूंदें गिरती है, पर ऐसा मान लो कि वहां पर ये बारिश होती है केरल और कर्नाटक में, और स्थानीय तौर पर इस तूफानी वर्षा को आम्र वर्षा कहा जाता है, क्योंकि ये तूफानी मतलब तेज हवाओं के साथ में बारिश होती है, जो लेकिन उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहती है, क्योंकि वहां पर आम की खेती होती है और आम को पकाने में ये हेल्प करती है, इसलिए वहां एक आम मतलब कि आम को पकाने की वजह से वहां के लोग इसको आम्र वर्षा के नाम से जाने जाते हैं, हालांकि इसके दो तीन नाम और है, मैं आपको लिखवा देता हूं, अभी यहां जगह नहीं है, एक बार इसके बाद में लिखवा दूंगा, क्योंकि ये आमों को जल्दी पकने में सहायता देती है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, आम्र वर्षा। ध्यान ये रखना है, पहली बात तो ये ग्रीष्म ऋतु के खत्म होने के बाद में कहाँ पर, कर्नाटक और केरल के अंदर, और स्थानीय शब्द है वहाँ पर आम्र वर्षा, और आम को पकाने के लिए होने वाली बारिश, बस ऐसे इस कॉमन याद कर लोगे तो इजी हो जाएगा, यानी कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ समर देर आर प्री मानसून शावर विच आर ए कॉमन फिनोमिना इन केरला एंड कोस्टल एरियाज ऑफ कर्नाटका, लोकली दे आर नोन एज मैंगो शावर्स सिंस दे हेल्प इन द अर्ली, ये जगह कम पड़ गई तो मैं ये लिख देता हूं, रिपनिंग ऑफ मैंगोज, ठीक है, रिपनिंग ऑफ मैंगोज, इसके बाद में अर्ली के बाद में लिख देना रिपनिंग ऑफ मैंगोज, यानी मैंगो आम को पकाने के लिए, ठीक है। तो अब मैं आपको क्या लिखूंगा कि इसके बाद में तीन बातें लिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक दो आपको थोड़ा फैक्ट जोड़ देता हूं, कुछ करंट की बातें, कि जो आम्र वर्षा है, आम्र वर्षा को और किन किन नामों से जाना जाता है और कहाँ कहाँ किस किस नाम से जाना जाता है, वो आपको साइड में कहीं लिखिए, बॉक्स बना के बंद कर देना, ठीक है, भले इसके आंसर मत लिखना, वो आपके लिए है करंट को मतलब थोड़ा सा जोड़ने के लिए, ठीक है, ये बात। हाँ तो कहीं साइड में लिख लेना दो चार नाम है जो आपको थोड़ी कहते हैं ना कॉम्पिटिशन वाली फीलिंग आएगी, और जरूरी भी ऐसी जानना कि वैसे तो देखो कर्नाटक और केरल के तट पे इसका नाम आम्र वर्षा हो गया, यानी कि मैंगो शावर हो गया, तो फिर भी स्पेसिफिक बिल्कुल स्थानीय लोकल नेम इनके और होते हैं, एकदम लोकल नेम भी पूछे जाते हैं, जैसे कि मैं अगर बात करूं केरल की, ठीक है, तो केरल में तो पता चल गया आपको आम्र वर्षा के नाम से जानी जाती है, ठीक है, यानी कि मैंगो शावर, और अब मैं बात करता हूं कर्नाटक की, तो कर्नाटक के अंदर इसके दो नाम है, एक तो है चेरी ब्लॉसम, ठीक है, चेरी ब्लॉसम के नाम से भी जाना जाता है, एक कॉफी वर्षा बोल दो चाहे कॉफी रेन बोल दो, वो तो आप खैर बनाए लोग इंग्लिश तो इसकी इजी है, तो कॉफी रेन के नाम से भी इसको जाना जाता है, ये भी ध्यान रखना, कॉफी वर्षा कहां पर, कर्नाटक में चेरी ब्लॉसम और कॉफी रेन या कॉफी वर्षा, ये कर्नाटक में नाम है, केरल में आम्र वर्षा, ये मैंगो शावर नाम है इसका, मैंगो शावर, ठीक है। और अब बात आती है ओडिशा के अंदर इसको बोला जाता है नार्वेस्टर, क्योंकि वहाँ पर भी थोड़ी थोड़ी बारिश होती है, ठीक है, हमारे साउथ इंडिया में कहीं कहीं पर नॉर्मल जो बारिश होती है बूंदाबांदी होती है, तूफानी बारिश है ये, लेकिन फिर भी इसका कुछ वहाँ पर लोकल नाम दे देते हैं वो लोग, ठीक है, तो ये चीज़ हो जाएगी, केरल में आम्र वर्षा, कर्नाटक में चेरी ब्लॉसम या कॉफ़ी रेन हो जाएगी, और ओडिशा में हो गया आपके नार्वेस्टर, और असम में तो जानते हो असम में सबसे ज़्यादा चाय होती है, तो असम के अंदर भी अगर थोड़ी सी अगर ये बारिश होती है तो इसको बोला जाता है चाय वर्षा यानी कि टी रेन बोल दो, चाहे टी शावर टी रेन कुछ बोल दो चाहे, तो
तो ये कुछ नाम है, टी शावर हो चाहे टी रेन हो, बस आपको ऐसे ही टी से नाम पता चल जाएगा। तो जो ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होते हैं उनके अंदर ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि वहाँ पर इसको किस नाम से जाना जाता है, कोई चार ऑप्शन होते हैं उनमें टिक करना होता है, तो ये भी साइड में के लिख लेना। ये सारी बातें अपन इसी आम वर्षा की कर रहे हैं जो अलग अलग नामों से जानी जाती है, ठीक है। हाँ, ऐसे ही सेकेंड पॉइंट देखो, फूलों वाली बौछार और फिर एक काल बैसाखी और लू, ये चारों को चारों चारों के चारों आपको अलग से याद करना है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत जोर दे के कह रहा हूँ। और सिविल सर्विसेज में फेमस क्वेश्चन है ये, हर बार पूछा जाता है 25 शब्दों में, 25 वर्ड्स में काल बैसाखी 25 शब्द में आंसर लिखिए। आया हुआ क्वेश्चन है बहुत बार रिपीट, फूलों वाली बौछार पे पूछ लिया, तो मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अलग से क्वेश्चन आएगा फूलों वाली बौछार, ठीक है। यानी कि कौन सा शावर, ब्लोजम शावर, जैसे अभी इवन चेरी ब्लोजम पढ़ा था वैसे ही ये वही चीज़ है। तो ध्यान रखना, इस पहली बात तो ये कि ये होती कहाँ है वो स्टेट मत भूल जाना। इस वर्षा से केरल व निकटवर्ती कहवा उत्पादक क्षेत्रों में कहवा के फूल खिलने लगते हैं। कहवा का फूल मतलब समझिए जिससे कॉफी होती है, कॉफी तैयार होती है, तो वो कहवा के फूल है। तो केरल व निकटवर्ती कहवा उत्पादक क्षेत्र जो भी है केरल के आसपास के, जहाँ पर कहवा अच्छा खासा होता है, कॉफी जहाँ होती है, तो कॉफी कहवा के फूल खिलने लगते हैं, इसलिए वो उस बौछार को, उसी बौछार को कहते हैं फूलों वाली बौछार, यानी कि ब्लोजम शावर। विद दिस शावर कॉफी फ्लावर्स ब्लोजम इन केरला एंड नियर बाई एरियाज, जितने भी एरियाज हैं उसके अंदर। तो ये तो वन मार्क्स के लेवल का ही है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट क्वेश्चन है ये, बहुत बार रिपीट क्वेश्चन 2 मार्क्स में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कि पहली बात तो ये, काल बैसाखी, बैसाखी से पहले काल लगा हुआ है, काल का मतलब जो नुकसानदायक हो वैसा वाला काल, नॉट काल का मतलब टाइम, यहाँ पर टाइम नहीं है। ये बैसाखी समझते हो, बैसाख का महीना, जैसे चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, साढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, ये सब आप जानते हो ना, और कुछ लोकल वर्ड में बोल सकते हो चैत बैसाख, साढ़ चैत बैसाख, ज्येष्ठ, साढ़, श्रावण, भादवा, आशोष, कार्तिक, मिंगशिर, पोमा, फागन, ये 12 महीने आपको दोनों लैंग्वेज में, हिंदी प्लस स्थानीय भाषा, जिस भी स्टेट के आप हो वहाँ की स्थानीय भाषा भी होनी चाहिए, राजस्थान के अंदर, राजस्थान की, यूपी में, जो भी अलग कुछ नाम हो सकते हैं, कुछ प्रोनाउंसिएशन अलग हो सकते हैं वो, लेकिन 12 महीनों के नाम जरूर याद होना चाहिए आपको। हालांकि मैं आपको एक क्वेश्चन लूंगा अभी, हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में लेंगे अपन, वो ट्रेडिशनल सीजन्स, 2-2 महीने के सीजन है हमारे, 6 सीजन बना रखे, उसमें सारे 12 महीने याद हो जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें ये, क्योंकि ये हमारे कल्चर से जुड़ी हुई बातें हैं, और जो हमारे कल्चर से हैं, संस्कृति से जुड़ी हुई बातें हैं, संस्कृति और कल्चर से जुड़ी हुई बातें आजकल बहुत ज़्यादा पूछी जा रही है, क्योंकि लोग बाग क्या होता है, वेस्टर्न का ज़्यादा इफेक्ट आ रहा है लोगों पे, और संस्कृति को भूलते हुए आगे बढ़ रहे हैं, संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। इसलिए संस्कृति वाले पार्ट को हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा जोड़ दिया आजकल, बहुत ज़्यादा। हिस्ट्री कम हो गई, हिस्ट्री को कम कर दिया और कल्चर वाले पार्ट को बहुत ज़्यादा जोड़ दिया, यही कारण है। अब बात करते हैं वापस काल बैसाखी की। तो असम और पश्चिम बंगाल, पहले 2 स्टेट का नाम याद कर लो, असम और पश्चिम बंगाल में बैसाख के महीने में शाम को चलने वाली भयंकर व विनाशकारी वर्षायुक्त पवने हैं, ठीक है, बहुत नुकसानदायक होती है। न्यू वेस्टर्स, दीज आर ड्रेडेड इवनिंग थंडर स्टॉर्म्स इन बंगाल या वेस्टर्न बंगाल एंड असम। इसका मीनिंग अगर पूछ ले वो इसी के अंदर लिख दिया, मैंने अलग से 1 मार्क्स में अगर मीनिंग भी पूछते जाता है कभी कभी, तो मीनिंग ऑफ न्यू वेस्टर्स, उसका मतलब है एक कैलेमिटी ऑफ मंथ बैसाख, यानी कि बैसाख के महीने में होने वाली तबाही, ठीक है, बैसाख के महीने में आने वाली तबाही, इसका मतलब है काल बैसाखी, ठीक है। तो काल बैसाखी का अर्थ क्या है, बैसाख के महीने में आने वाली तबाही। और अभी लेकिन ये कुछ फायदा भी करती है, ये और ध्यान रखना, ये भी अलग से पूछा जा सकता है, या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि इसका असम के अंदर लोकल नाम क्या है। तो असम में इसका नाम है बारदोली छेड़ा, ठीक है, बारदोली छेड़ा इसका असम के अंदर जो लोकल नाम है इसका, ठीक है, यानी कि बारदोली छेड़ा एज इट इज इंग्लिश में वैसा ही है, बारदोली छेड़ा। ये कुछ स्थानीय नाम होते हैं, कुछ अलग अलग नामों से जाना जाता है अपने लोकल नाम जिस जगह, एक स्पेसिफिक जगह में, ठीक है। तो मतलब कितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, 25 शब्दों में तो पूरा लिखना होता है, और वैसे डीपली अगर 1-1 मार्क्स का भी क्वेश्चन यहाँ से बने हैं, तो ध्यान रखना इसका मीनिंग अपने पढ़ लिया। और ये भी बना है कि ये किसके लिए उपयोगी है, यूजफुल किसके लिए, तो चाय, पटसन व चावल के लिए ये पवने काफ़ी उपयोगी है, ठीक है। और असम इन तूफानों को बारदोली छेड़ा कहा जाता है, ठीक है। तो यूजफुल किसके लिए है, कि दिस शावर्स आर यूजफुल फॉर टी, जूट एंड राइस कल्टिवेशन, और इन असम दीज स्टॉर्म्स आर नोन एज बारदोली छेड़ा, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही, इसको बहुत अलग से याद करना, बाकी तो 1-1 मार्क्स के लिए तैयार हैं। लू तो सब जानते हो, लेकिन ये जरूर ध्यान रखना कि लू चलती कहाँ है,
लो जानते सब है, गर्म हवाएं होती है वगैरह वगैरह, शुष्क होती है मतलब ड्राई होती है, लेकिन चलती कहाँ है? तो उत्तरी मैदान में पंजाब से बिहार तक, ये जो डेटा है ना फिक्स लोकेशन जो है वो ज़रूर याद करनी है, वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे। ज्योग्राफी काफ़ी ईजी है, बस उन लोकेशन को, स्टेट्स को, डिस्ट्रिक्ट को मत भूल जाना, तभी मार्क्स मिलेंगे। पंजाब से बिहार तक चलने वाली शुष्क है मतलब ड्राई है, गर्म यानी कि हॉट है, और पीड़ादायक पवन है, ठीक है। तो और दिल्ली और पटना के बीच इनकी तीव्रता ज़्यादा होती है, ये भी ध्यान रखना, यानी कि हॉट ड्राई एंड ऑपरेसिंग विंड्स ब्लोजिंग इन नदर्न प्लेन्स फ्रॉम पंजाब एंड बिहार और विथ हायर इंटेंसिटी बिटवीन दिल्ली एंड पटना, ये ध्यान आपको रखना है। ये लू के बारे में है जो काफ़ी आप ध्यान रखते हो वैसे, लेकिन दिल्ली और पटना में इनकी ज़्यादा मतलब तेज़ चलती है, समझ लो बहुत ज़्यादा भयंकर तेज़ हवा कहाँ चलती है, दिल्ली और पटना में लू ज़्यादा चलती है, और पंजाब से बिहार तक चलने वाली ये बहुत ही कष्टदायक पीड़ादायक होती है, क्योंकि लू के अंदर बहुत ज़्यादा आपको पता है टेम्परेचर बढ़ जाता है, वो हमारे शरीर के लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है, और बहुत सारी जगह पर देखते हैं कि लू से गर्मी की चपेट में आने से खूब सारे गरीब लोग हैं वो इसमें मर भी जाते हैं। तो ये चीज़ है। अब तीसरा जो है, तीसरी जो ऋतु है, अपन दो ऋतु पढ़ चुके, शीत ऋतु पढ़ चुके, ग्रीष्म ऋतु पढ़ चुके, यानी विंटर और सीजन और समर सीजन पढ़ चुके, अब रेनी सीजन, इसको रेनी सीजन बोल दो चाहे दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतु बोल दो, भले ही आप साउथ वेस्ट मानसून बोल दो चाहे रेनी सीजन बोल दो, बात एक ही है। रेनी सीजन क्यों बोल रहे हैं इसको? ये भारत की वर्षा ऋतु है, ये भारत की वर्षा ऋतु है, भारत की वर्षा ऋतु होती है दक्षिण पश्चिम मानसून, मतलब इसका मैं कहने का मतलब ये है कि इंडिया के अंदर मोस्टली यानी कि 80% कहीं लिख सकते हो साइड में 80% बारिश है ना, 80% बारिश दक्षिणी पश्चिमी मानसून ऋतु में ही होती है, ठीक है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो है वो जून से लेके टाइम पीरियड लिख, अगर कहीं आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, जून से लेके अगस्त तक, जून से लेके जून टू अगस्त, ये ध्यान रखना, जून से लेके अगस्त तक का टाइम पीरियड द सदर्न मानसून सीजन का माना जाता है। जून से लेके अगस्त तक का टाइम पीरियड इंडिया का रेनी सीजन है, 80% बारिश इंडिया के अंदर इसी मानसून ऋतु के अंदर होती है। ये साइड इफेक्ट के लिए अगर सीधे सीधे क्वेश्चन है, हर छोटे मोटे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो यूँ ही निकल जाओगे आप अगर ढंग से पढ़ लिया तो ही। तो ध्यान रखना कि जून के आरंभ में दशाएं इतनी शक्तिशाली, दशाएं का मतलब ये समझ रहे हो, ये वायुदाब में पवनों की बात की जाती है, लैंग्वेज थोड़ा समझा हिंदी वाले, कि जून के आरंभ में दशाएं मतलब जून के आरंभ में वायुदाब या पवनें इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि वह हिंद महासागर से आने वाली दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक ट्रेड विंड्स जो मैंने आपको डायग्राम समझाया था उनको अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, आकर्षित कर लेती है, ठीक है। यानी कि प्रेशर विंड्स की बात करें तो भाई अर्ली जून, जून है ठीक है भाई, अर्ली जून दे आर पावरफुल इनफ टू अट्रैक्ट द ट्रेड विंड्स ऑफ सदर्न हेमिस्फीयर कमिंग फ्रॉम द इंडियन ओशियन, ठीक है। इंडियन ओशन से आने वाली जो सदर्न यानी कि जो व्यापारिक पवने हैं उनको अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, और भूमध्य रेखा यानी कि भूमध्य रेखा को जैसे ही पार करती है तो भूमध्य रेखा को पार करने करके इनकी दिशा दक्षिण पश्चिम हो जाती है, ठीक है। यानी कि जैसे ही इक्वेटर को क्रॉस कर, इक्वेटर मैंने लिखवा दिया डायग्राम बना के 0°55 वाला, तो आफ्टर क्रॉसिंग द इक्वेटर दे फॉलो ए साउथ वेस्ट वेस्टर्ली डायरेक्शन, और जैसे ही दक्षिण पश्चिम हो जाती है, मैंने कहा था ट्रेड विंड्स ऊपर से आती है, ट्रेड विंड्स आप डायग्राम पे जाना तो ट्रेड विंड्स जो ऊपर से आती है वो डायरेक्शन ऐसे आती है क्योंकि अपनी ओर आकर्षित कर लेती है वो इक्वेटर बीच वाला विषुवत रेखीय जिसको बोलते हैं भूमध्य रेखा वाले जो 0 से 5 वाला लिखा दिया डायग्राम याद होगा, तो वो अपनी ओर अट्रैक्ट करते ही ये हो जाती है दक्षिण और पश्चिम डायरेक्शन हो जाता है। मतलब कि मैंने आपको डायरेक्शन बताना चाहूँ तो ये हो गया आपका नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट और ये ईस्ट, ऐसे आती है वो, ऐसे आती है आपकी ट्रेड विंड्स, यू तिरछी लिखवाया था ना मैंने आपको, तो इनका डायरेक्शन यूँ हो जाता है, मतलब ये दक्षिण पश्चिम हो जाता है, ठीक है। वो मध्य रेखा को जैसे ही पार करती है तो इनकी अपनी इनकी दिशा वो दक्षिण पश्चिम हो जाती है, और इस दक्षिण पश्चिम यानी कि साउथ वेस्ट होने की वजह से इसका नाम पड़ गया ये दक्षिणी पश्चिम मानसून, इसको कहा जाता है इसी कारण इन्हें दक्षिणी पश्चिम मानसून कहा जाता है, इजी है, ठीक है। यानी कि दैट इज व्हाई दे आर नोन एज साउथ वेस्ट मानसून, इजी है। फिर अगर टेम्परेचर की बात करें, सेकेंड पॉइंट इसका इस ऋतु का, तो टेम्परेचर ये है कि इसमें अचानक से बारिश होती है, और सीधी सी बात आप समझते हो जो बारिश होगी तो टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, ठीक है, ये तो तय है, ज़्यादा नहीं लेकिन कम थोड़ा बहुत हो ही जाता है, लगभग 5 से 8 डिग्री सेल्सियस। तो दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतु में वर्षा अचानक आरंभ हो जाती है, ठीक है,
और बहुत तेज़ भी होती है क्योंकि हमारे इंडिया में तो पूरी बारिश वहीं से होती है, जिससे मध्य जून से मध्य जुलाई के बीच दिन का तापमान जो है वो 5 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ जाती है दिन के टेम्परेचर में, ठीक है। और रातें तो ठीक ठाक ठंडी होने लग जाती है। टेम्परेचर रेन इन द साउथ वेस्ट मानसून सीजन बिगिंस रेदर एब्रप्टली, सो द डे टेम्परेचर रजिस्टर्ड ए डिक्लाइन ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस to 8 डिग्री सेल्सियस बिटवीन मिड जून एंड मिड जुलाई। तो काफ़ी ईजी है, टाइम पर ध्यान रखना है, टेम्परेचर 5 से 8 डिग्री सेल्सियस डाउन हो जाता है क्योंकि इस सीजन के अचानक से बारिश होती है, लेकिन मिड जून से मिड जुलाई, ठीक है, अच्छा खासा तैयारी करनी है, बिल्कुल भी पॉइंट नहीं छोड़ना है, ठीक है। एज इट इज नोट्स, ये कि आप सिविल सर्विस बनाने वाले हो, डिक्टो में मेरा रिविजन हो रहा है, ये तो आप समझ सकते हो आपके लिए भी कितना इंपॉर्टेंट है ये चीज़ आगे जाके। तीसरा पॉइंट है मानसून पवनों की शाखाएं, ब्रांचेज ऑफ मानसून विंड्स। इसमें क्या है, इस पॉइंट को ध्यान से समझना, मानसून पवनों की दो शाखाएं हैं, एक तो अरब सागर से आने वाली शाखा यानी कि अरबियन सी से आने वाली ब्रांच, एक तो एक है बंगाल की खाड़ी से आने वाली। दो ही है हमारे, मोस्टली मैंने आपको लिखवा डायग्राम बना के बता रखा है इंडिया के मैप में, कहाँ बंगाल की खाड़ी है कहाँ अरब सागर है। तो इस दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे अपन, लेकिन ध्यान से समझना, पहली है शाखा है अरब सागर की शाखा या फिर अरब सागर की मानसून पवने, सेकंड बंगाल की खाड़ी में नहीं पड़ी है, रोमन जैसा मैंने ये वन बनाया रोमन वाले लैंग्वेज में, ध्यान रखना ये फर्स्ट। और अब ये फर्स्ट क्यों बनाया, इसके पीछे लॉजिक ये है कि जो ये जो अरब सागर की फर्स्ट शाखा है ना, इसके भी तीन शाखाएं हो रहे, मतलब मानसून पवनों की दो शाखाएं, अरब सागर की शाखा और बंगाल की बे ऑफ बंगाल की शाखा दो हो गई, और फिर अरब सागर की भी तीन शाखाएं हैं, कौन कौन सी शाखा है, अरब सागर से उत्पन्न होने वाली मानसून पवन फिर तीन शाखाओं में बढ़ती है, पहली दूसरी तीसरी तीनों पढ़ेंगे, उसके बाद हम वापस सेकंड आएंगे बंगाल की खाड़ी पर, तब जाके पूरी होगी। तो ध्यान रखना ये नंबरिंग का, ध्यान रखना ये तो तीन नंबर, ये ऐसा साइन बना दिया मैंने इसका फर्स्ट, और फर्स्ट का भी फर्स्ट, तीन शाखाएं पढ़ेंगे इसकी, फर्स्ट पहली शाखा, ठीक है। तो इस चीज़ को जरूर समझ लेना कि नंबरिंग से। तो ब्रांचेज ऑफ मानसून विंड्स, देर आर टू ब्रांचेस, फर्स्ट मानसून विंड्स ऑफ द अरबियन सी और सेकेंड है मानसून विंड्स ऑफ द बे ऑफ बंगाल, उससे बाद में पढ़ेंगे, पहले इसकी बात करें। तो मानसून विंड्स ओरिजिनेटिंग ओवर द अरबियन सी फर्दर स्प्लिट इंटू थ्री ब्रांचेज, तीन ब्रांचेज है, फर्स्ट ब्रांच है, दिस ब्रांच इज ऑब्स्ट्रक्टेड बाई द वेस्टर्न घाट्स, जो हमारा पश्चिमी घाट है उस वो इसको रोकती है इस शाखा को, तो इस शाखा को पश्चिमी घाट रोकते हैं, और ये पवने पश्चिमी घाट की जो ढलानों पर 900 से 1200 मीटर की ऊंचाई तक चढ़ती है, इतनी हाइट तक ये हवाएं चलती है, इनकी हाइट भी याद रखना 900 से 1200 मीटर। दीज विंड्स क्लाइम द स्लॉप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स फ्रॉम 900 to 1200 मीटर, नॉट किलोमीटर, मीटर है, ठीक है। और देन इसके बाद अपन अगर बात करें आगे, अतः ये पवने तत्काल ठंडी होकर सह्याद्री जो जगह है, सह्याद्री की पवनों की जो ढाल है वहाँ पर और पश्चिमी तटीय मैदानों पर 250 से 400 सेंटीमीटर के बीच भारी वर्षा कर देती है। जगह याद रखना सह्याद्री और पश्चिमी तटीय मैदान, वो तो पवन भोगी ढाल वगैरह की वो पूरा पूरा ये पोर्शन ले लेते हैं सह्याद्री का पश्चिम जो पूरा ढाल है, लेकिन आप इतना सा लिख लोगे कि सह्याद्री और पश्चिमी तटीय मैदानों में भारी बारिश होती है, लगभग 250 से 400 सेंटीमीटर रेन वहाँ पर होती है, ठीक है। इसका ध्यान रखना कि सून, क्योंकि देखो ये 900 से 1200 मीटर हाइट तक जाती है और उस वजह से वो ठंडी जल्दी हो जाती है, तो सून दे बिकम कूल एंड एज अ रिजल्ट द विंडवार्ड साइड ऑफ द सह्याद्रीज एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स रिसीव वेरी हैवी रेनफॉल रैंगिंग बिटवीन 250 सेंटीमीटर एंड 400 सेंटीमीटर, बहुत भारी बारिश होती है, इतनी बारिश वहाँ पर 250 से 400 सेंटीमीटर के बीच बारिश ये कर जाती है। तो अभी अपन ने पहली की पहली शाखा पढ़ी, अभी इसकी दो शाखाएं पढ़ेंगे, फिर सेकंड पे आएंगे, ठीक है। हाँ, अब इसकी दूसरी शाखा देखो, यानी सेकंड ब्रांच है वो मुंबई की जो नॉर्थ साइड है ना, मुंबई के उत्तर में नर्मदा और तापी नदियों, अब देखो जो अपने ड्रेनेज सिस्टम वाला चैप्टर पढ़ा था जिसको वो अच्छे से याद है, तो ये रिवर नदियाँ वगैरह की ये उससे आपको बहुत हेल्प करेगा, जैसे अपन नर्मदा और तापी नदियाँ पढ़ी थी, नर्मदा रिवर और तापी रिवर, तो ये आपको पता चल जाएगा वो रिवर कहाँ पर है, तो इस अकॉर्डिंग ये बहुत हेल्प रहती है कि मुंबई के उत्तर में नर्मदा और तापी नदियों की घाटियों से होकर मध्य भारत में दूर तक वर्षा करती है इसकी सेकंड ब्रांच, ठीक है। दिस ब्रांच ऑफ द अरबियन सी मानसून स्ट्राइक्स द कोस्ट नॉर्थ ऑफ मुंबई मूविंग अलोंग द नर्मदा एंड तापी रिवर वैलीज, ठीक है।
और फिर है कि छोटा नागपुर जो मध्य महाराष्ट्र में जो पड़ता है, छोटा नागपुर, छोटा नागपुर में इस शाखा से 15 सेंटीमीटर वर्षा होती है। 15, तो मतलब ये एक तो जो बीच में ऐसा डेटा डालता हूँ ना, फैक्ट, ये फैक्ट आपको हमेशा डिफरेंट आंसर देते हैं आपको, और अच्छे आंसर की एक पहचान होती है एक दो फैक्ट बीच में डाल देना। तो छोटा नागपुर इस शाखा में 15 सेंटीमीटर वर्षा होती है, छोटा नागपुर में इस शाखा शाखा से, ठीक है। यानी कि द छोटा नागपुर प्लेटू गेट्स 15 सेंटीमीटर रेनफॉल फ्रॉम दिस पार्ट ऑफ द ब्रांच, ठीक है। ये होगी इसकी सेकंड ब्रांच। तीसरी शाखा, थर्ड ब्रांच है सौराष्ट्र प्रायद्वीप, जो गुजरात के अंदर पड़ता है, और कच्छ, कच्छ भी गुजरात गुजरात में ही है, उसके नीचे कच्छ की खाड़ी, जो मैंने आपको डायग्राम में बताई थी, अगर आपने मैप के वीडियोस देखे हैं तो आपको कच्छ की खाड़ी सब याद रह जाएगा, वहां से टकराती है तीसरी ब्रांच, ठीक है। ध्यान रखना सौराष्ट्र और कच्छ से टकराती है, वहां से ये अरावली के साथ, राजस्थान का मोस्टली पार्ट अरावली से डिस्टर्ब है जो अजमेर तक आगे जाती है, और अरावली पर्वतमाला राजस्थान में का जो पश्चिम राजस्थान है उसमें बारिश होने से काफी रोकती है, क्योंकि अरावली पर्वतमाला से बारिश कम होती है, वो बीच में ऐसा मान लो आड़े आ जाती है, हवा पास नहीं हो पाती इस वजह से। तो अरावली के साथ साथ पश्चिमी जो राजस्थान है उसको लांगती है, और बहुत ही कम वर्षा होती है इसकी तीसरी शाखा से, ठीक है। थर्ड ब्रांच जो है, थर्ड दिस ब्रांच ऑफ द स्ट्राइक्स द सौराष्ट्र पेनिनसुला एंड द कच्छ, जो गुजरात के, दोनों ही गुजरात के अंदर पड़ते हैं। इट देन पासिस ओवर वेस्ट राजस्थान एंड अलोंग द अरावली कॉजिंग ओनली ए स्केंटी रेनफॉल। स्केंटी का मतलब बहुत कम, ना के बराबर, ठीक है। और एक मैंने नोट लिखा है, एक पहले इस नोट को समझना पड़ेगा आपको। इस नोट का मतलब ये है, जो इसकी सेकंड ब्रांच है और जो इसकी थर्ड ब्रांच है, दूसरी शाखा और तीसरी शाखा दोनों ही बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। संभाल लो, बंगाल की खाड़ी से आने वाले जो मानसून ब्रांच है उनमें जाके मिलती है, सेकंड और थर्ड दोनों, फर्स्ट नहीं, सेकंड और थर्ड। फिर सुन लो, इसकी सेकंड और थर्ड दोनों शाखाएं, दूसरी शाखा और तीसरी शाखा, बंगाल की खाड़ी जो मानसून है वहां से आने वाली पश्चिम का आगे वो, हाँ, उससे आने वाली शाखा से मिल जाती है। इसलिए मैंने नोट लिखा है कि दूसरी व तीसरी दोनों शाखाएं बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून की शाखा से मिल जाती है, इसीलिए दोनों शाखाएं एक दूसरे के सहारे चलती है आगे जाके। बंगाल की खाड़ी में दोनों मिल जाती है, उसके बाद में एक साथ चलती है, और इस वजह से ये सहारे प्रबलित होकर पश्चिमी हिमालय के अंदर बारिश करती है। लेकिन पश्चिमी हिमालय भी, विशेषकर धर्मशाला, ये धर्मशाला जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर पड़ता है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश, ध्यान रखना, धर्मशाला एक जगह है, बहुत फेमस जगह है धर्मशाला, वो घूमने की जगह है बहुत, कभी आप भी जाना कभी घूमने। तो धर्मशाला हिमाचल प्रदेश के अंदर पड़ता है, इस धर्मशाला जगह पर विशेषकर इस सेकंड और थर्ड शाखा से बारिश होती है। तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन ऐसे आते हैं, ठीक है, उसका ध्यान रखना। यानी कि जो नोट है वो अपन लिख रहे हैं कि सेकंड एंड थर्ड बोथ ब्रांचेस इट टू जॉइंस द बे ऑफ बंगाल ब्रांच, दोनों जनी जो है शाखाएं जो हैं वो बे ऑफ बंगाल से जुड़ती हैं। सो बोथ ब्रांचेस आर रेनफोर्स्ड बाय ईच अदर कोज रेन्स इन वेस्टर्न हिमालयाज स्पेशली इन धर्मशाला, ठीक है। ये धर्मशाला हिमाचल प्रदेश के अंदर पड़ता है, ये बात हो गई। अब वापस लेते हैं अपन, ये अरब सागर कंप्लीट हो गया, अरब सागर की शाखा कंप्लीट हो गई। अब अपन लेते हैं सेकंड, इसकी ब्रांच, बड़ी ब्रांच, सेकंड मतलब बंगाल की खाड़ी की मानसून पवने, ठीक है, यानी कि मानसून विंड्स ऑफ द बे ऑफ बंगाल। इसके अंदर अपन अगर बात करें तो ये शाखा म्यांमार, ठीक है, म्यांमार के तट से तथा दक्षिण पूर्वी बांग्लादेश के एक थोड़े से भाग से टकराती है। लोकेशन जरूर याद रखना, ठीक है। दिस ब्रांच स्ट्राइक्स द कोस्ट ऑफ म्यांमार एंड पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट बांग्लादेश, ठीक है, बहुत इजी है। इसको मैंने आपको दो शाखाओं बांट के एक्सप्लेन किया, बहुत इजी है। जैसे इसकी तीन शाखाएं थी, ठीक है, इस खुद की तीन शाखाएं बट गई थी आगे जाके, वैसे इसकी दो शाखाएं हैं। उन दोनों शाखाओं को फिर नोट्स ऐसे ही बनाना, प्रॉपर नोट्स। इसकी दो शाखाएं यानी कि देर आर टू ब्रांचेस। फर्स्ट ब्रांच इज गंगा के मैदान के साथ साथ पश्चिम की ओर बढ़ती है, कौन सी, पहली ब्रांच, और पंजाब के मैदानों तक पहुंच जाती है, ये पहली ब्रांच की बात है। जैसे इसके सेकंड और थर्ड बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती थी ना, मतलब उनसे जाके मिल जाती थी, वैसे ये पंजाब के मैदानों में जाके मिल जाती है। यानी कि देर आर टू ब्रांचेस, फर्स्ट ब्रांच इज मूव्स वेस्टवर्ड अलोंग द गंगा प्लेन्स रीचिंग एज फार एज द पंजाब प्लेन्स, ठीक है, और सेकेंड, दूसरी शाखा ये उत्तर व उत्तर पूर्व में ब्रह्मपुत्र घाटी से बढ़ती हैं,
तथा वहाँ विस्तृत क्षेत्रों में वर्षा कर देती है, जैसे कि मौसिनराम, सबसे ज़्यादा बारिश होने वाली जगह या फिर सबसे ज़्यादा रेनफॉल कैचमेंट एरिया वो मौसिनराम है, जो सबसे ज़्यादा यहाँ बारिश होती है। ये जो है दूसरी शाखा वो उत्तर व उत्तर पूर्व में ब्रह्मपुत्र घाटी से बढ़ती हुई वहाँ तक बारिश कर देती है। एग्जाम्पल भी डाल देना मौसिनराम, बहुत इफेक्टिव आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो सेकेंड ब्रांच मूव्स अप टू ब्रह्मपुत्र वैली इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट कॉजिंग वाइड स्प्रेड रेन्स लाइक इन मौसिनराम। ठीक है, मौसिनराम की स्पेलिंग देख लेना, MWSYNRAM मौसिनराम, दो मात्रा आती है ना मौसिनराम आई थिंक, या फिर वैसे भी ठीक है। चलो अब अपन इसका जो लास्ट ऋतु है चौथी, मानसून के निवर्तन की ऋतु, मतलब मानसून के जाने की ऋतु, ठीक है, रिटायरमेंट की ऋतु। तो अक्टूबर और नवंबर के महीनों को मानसून के निवर्तन की ऋतु कहा जाता है। एक नंबर का क्वेश्चन तैयार हो गया। अक्टूबर एंड नवंबर, ये दो महीने, इन दो महीनों के मानसून निवर्तन की ऋतु कहा जाता है। इन दोनों महीनों को यानी कि सीजन ऑफ रिटायरिंग मानसून, द मंथ्स ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर आर नॉन फॉर रिटायरिंग मानसून। ये तो बात समझ में आ गई कि अक्टूबर नवंबर को अपन ये कहेंगे। दूसरा पॉइंट, सितंबर के अंत में, अब आपको ये सीखना क्या है कि कैसे मानसून रिटायरमेंट लेता है, मानसून कैसे जाता है, वो इसमें सीख जाओगे पूरा। फिर सुन लो, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, अलग से पूछा गया क्वेश्चन है कि मानसून के निवर्तन की ऋतु का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब द रिटरिंग सीजन ऑफ रिटरिंग मानसून, ये भी पूछा गया है। तो सितंबर के अंत में सूर्य के दक्षिणायन हो जाता है, सितंबर के अंत तक दक्षिण मतलब दक्षिण साउथ साइड में हो जाता है, ऐसा मान लो। दक्षिणायन होने की स्थिति में गंगा के मैदान पर, अब गंगा के मैदान वगैरह ये सब हम रिवर्स वाले ड्रेनेज सिस्टम वाले पढ़ चुके, तो ड्रेनेज सिस्टम वाले चैप्टर आपको याद है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। गंगा के मैदान पर स्थित निम्न वायुदाब की द्रोणी भी दक्षिण की ओर खिसकना आरंभ कर देती है। ठीक है, ये द्रोणी मतलब नदी, ठीक है, इससे दक्षिणी पश्चिम मानसून कमजोर पड़ने लग जाता है। और एक बात बताओ कि जो दक्षिणी पश्चिम मानसून है, साउथ वेस्ट जो हमारा मानसून है, ठीक है, उसी से तो हमारे यहाँ पर बारिश होती है। ठीक है भाई, हमारा साउथ वेस्ट मानसून ही तो है जो ये भारत के अंदर 80% बारिश करता है, और वो अगर कमजोर पड़ने लग जाएगा तो फिर यहाँ बारिश होना बंद होने लग जाएगी, यानी कि मानसून रिटायरमेंट ले लेगा। समझ में आ गई? तो बहुत ईजी है कि बाय द एंड ऑफ सेप्टेम्बर, ये मतलब क्या ना, मंथ या फिक्स ये मत भूल जाना, वो तो था अक्टूबर नवंबर, और ये बाय द एंड ऑफ सेप्टेम्बर द साउथ ईस्ट मानसून बिकम्स वीक एज द लो प्रेशर ट्रो ऑफ गंगा प्लेन स्टार्ट्स मूविंग साउथवर्ड इन रेस्पॉन्स टू द साउथवर्ड मार्च ऑफ द सन। ये रीजन रह जाता है कि वो आरंभ कर देती है जिससे दक्षिण पश्चिम मानसून क्या हो जाने लगने लग जाता है, वीक यानी कमजोर पड़ने लग जाता है। ये बात समझ में आ गई। फिर अपन बात करते हैं सितंबर के पहले सप्ताह की, कि कैसे ये प्रोसेस है कि कैसे 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 मानसून जाता है, और जाता हुआ मानसून कहाँ बारिश करता है, वो अपन थोड़े दिन थोड़ी सेकंड वीडियो में पढ़ चुके, तो आपका रिकॉल हो जाएगा वापस कि मानसून सितंबर के पहले सप्ताह में पश्चिमी राजस्थान में, जो अपना वेस्टर्न राजस्थान है, पश्चिमी राजस्थान से लौटता है। कहाँ से? पश्चिमी राजस्थान में पहले सप्ताह, सितंबर के पहले सप्ताह में। इसीलिए कहा जाता है कि जो हमारा राजस्थान है उसमें मानसून देरी से ही तो आता है और जल्दी चला जाता है, देरी से आता है, जुलाई अगस्त के समथिंग पहुंच पाता है और सितंबर वापस रवानगी ले लेता है। और जो ये साउथ की साइड में पड़ता है, साउथ में जून में एंटर हो जाता है और जाते टाइम अक्टूबर नवंबर तक बारिश करके जाता है, इसलिए वहाँ पर हमेशा बारिश से ज़्यादा होती है। ये है, तो मानसून सितंबर के पहले सप्ताह में पश्चिमी राजस्थान से लौटता है और इस महीने के अंत तक मानसून राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी गंगा के मैदान से लौट चुका होता है, कंप्लीट जा चुका होता है। कहाँ, कब तक? वेरी इंपॉर्टेंट, इस महीने के अंत तक। इस महीने के अंत तक का मतलब है सितंबर के लास्ट तक। वन मार्क्स से क्वेश्चन आ जाएंगे, क्योंकि राजस्थान का क्वेश्चन आ जाएगा, पंजाब का, कोई सा भी एक इसमें कोई स्टेट दे देगा और ये पूछ लेंगे कि राजस्थान या गुजरात के अंदर मानसून कब वापस चला जाता है या फिर कब लौट चुका होता है, तो सितंबर महीने के अंत तक। ठीक है, यानी कि द मानसून रिटायर्स फ्रॉम द वेस्टर्न राजस्थान बाय द फर्स्ट वीक ऑफ सेप्टेम्बर, और इट, यहाँ से ये वाला लाइन वन मार्क्स का क्वेश्चन है, इट विड्रॉज फ्रॉम राजस्थान, गुजरात, वेस्टर्न गंगा प्लेन बाय द एंड ऑफ द मंथ। एंड ऑफ द मंथ का मतलब है बाय द एंड ऑफ द सितंबर मंथ, सितंबर महीने के एंड में ये चला जाता है राजस्थान से, गुजरात से। ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर है अक्टूबर की बात करते हैं, अक्टूबर का स्टार्टिंग वीक, जैसे सितंबर का स्टार्टिंग वीक, सितंबर का अंत लास्ट, वैसे अक्टूबर की स्टार्टिंग वीक में या आरंभ में
बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों में स्थित हो जाता है जाके, ठीक है। बंगाल की खाड़ी जो नॉर्थ, उसका बंगाल खाड़ी का जो नॉर्थ वाला पोर्शन है वहां जाके ये बैठ जाता है समानो, तथा नवंबर के शुरू में ये कर्नाटक और तमिलनाडु की ओर बढ़ जाता है। और ये चीज अपन पढ़ चुके कि नवंबर में तमिलनाडु कर्नाटक तरफ पहुंचता पहुंचता वहां पर बारिश कर जाता है, ठीक है, जो उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहती है, ये ध्यान रखना। तो बाय द बिगिनिंग ऑफ अक्टूबर द लो प्रेशर कवर्स नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ द बे ऑफ बंगाल एंड बाय अर्ली नवंबर इट मूव्स ओवर कर्नाटका एंड तमिलनाडु। अब ये पूरा नहीं हुआ है, बहुत जबरदस्त प्रोसेस है, आपको ये सीखने बड़ा मजा आ रहा होगा कि कैसे मानसून वापस जा रहा है, ठीक है, और कैसे मानसून आता था वो अपन पढ़ ही चुके, पूरी डेट वगैरह पढ़ चुके। फिर भी मैं कुछ मैप वगैरह और बना दूंगा आपको, तो बहुत सारी चीजें आपको ईजिली समझ में आ जाएगी, ठीक है। और फिर देखो कि दिसंबर के मध्य तक निम्न वायु दाब का केंद्र प्रायद्वीप से पूरी तरह हट चुका होता है, तो ऐसा मान लो कि दिसंबर के मध्य तक ऑलमोस्ट फिनिश, मानसून फिनिश हो जाता है। तो बाय द मिडिल ऑफ दिसंबर द सेंटर ऑफ लो प्रेशर इज कंप्लीटली रिमूव्ड फ्रॉम द पेनिनसुला, ठीक है। और फिर इसके बाद में थोड़ी सी बातें अपन मानसून के बारे में लिख देंगे कि जो मानसून निवर्तन के बारे में, सॉरी मतलब मानसून के रिटायरमेंट के बारे में थोड़ा सा लिख देते हैं, क्योंकि जब रिटायरमेंट ले चुके तो उनकी थोड़ी अच्छाई अपन अच्छाई कर देते हैं कि वो कैसे थे, ठीक है। तो मानसून के निवर्तन की ऋतु में आकाश स्वच्छ हो जाता है, बिल्कुल क्लियर स्काई रहता है, यानी द रिटायरिंग साउथ वेस्ट मानसून सीजन इज मार्क्ड बाय क्लियर स्काइज एंड राइज इन टेम्परेचर, और टेम्परेचर बढ़ने शुरू हो जाता है, ठीक है, तापमान बढ़ने लग जाता है। अब एक ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और बहुत बार रिपीट क्वेश्चन है ये 2 मार्क्स में 25 शब्दों में, कार्तिक मास की ऊष्मा या फिर अक्टूबर की ऊष्मा, अक्टूबर हीट, अलग अलग नाम इसके हैं, अक्टूबर हीट बोल दो चाहे कार्तिक मास की ऊष्मा बोल दो चाहे कुछ बोल दो, ऐसे नाम से ये फेमस है, अक्टूबर हीट के नाम से भी हिंदी में भी अक्टूबर हीट आ जाता है। तो अक्टूबर हीट या कार्तिक मास की ऊष्मा कैसे कहते हैं कि जब मानसून निवर्तन होता है तो आकाश तो रहता है साफ, ठीक है, तापमान बढ़ने लग जाता है। अब ध्यान से सुनना, तापमान बढ़ने लग जाएगा लेकिन जो नमी है ना, नमी मॉइस्चर, जो नमी तो जानते हो जो बारिश के टाइम पर बनती है थोड़ी थोड़ी, तो नमी बनी रहती है, ठीक है। और नमी जब होती है और टेम्परेचर होता है तो चिपचिपाहट होती है, ठीक है। तो चिपचिपा जो मौसम होता है वो बड़ा कष्टकारी मौसम होता है, तो उच्च तापमान और आर्द्रता, आर्द्रता मतलब नमी, इनकी दशाओं में मौसम बड़ा कष्टकारी हो जाता है, और इसीलिए आमतौर पर इसे कार्तिक मास की ऊष्मा या फिर अक्टूबर हीट, अक्टूबर के महीने की तो अक्टूबर हीट कहा जाता है। तो द रिटायरिंग साउथ ईस्ट मानसून इज, ये तो हो गया राइज इन टेम्परेचर, द लैंड इज स्टिल मॉइस्ट, उस टाइम पर लैंड वो बिल्कुल मॉइस्ट रहती है, थोड़ी आर्द्रता नमी रहती है इसमें, और ओविंग टू द कंडीशन ऑफ हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी तो द वेदर बिकम्स रेदर ऑप्रेसिव, दिस इज कॉमनली नोन एज द अक्टूबर हीट। अलग से क्वेश्चन आएगा अक्टूबर हीट का, ध्यान रखना इस चीज का, वेरी फेमस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। और इसके बाद में एक क्वेश्चन और लिया अपने, लास्ट 18वां, कि तमिलनाडु तट वर्षा ऋतु में शुष्क क्यों रह जाता है, शुष्क मतलब ड्राई क्यों रह जाता है तमिलनाडु का तट, वाई द तमिलनाडु कोस्ट रिमेंस ड्राई ड्यूरिंग मानसून सीजन या फिर रेनी सीजन, एक ही बात है। तो उसमें 2 कारक है, इसके लिए 2 कारक उत्तरदायी है। नंबर 1, तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी की मानसून पवनों के समानांतर पड़ता है इस वजह से, और दूसरा ये दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा के वृष्टि क्षेत्र में स्थित है, वृष्टि का मतलब जहां अरब सागर की शाखा पूरी फैली हुई है उस जगह है, ये 2 कारण है। तो यानी कि देर आर 2 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, फर्स्ट द तमिलनाडु कोस्ट इज सिचुएटेड पैरेलल टू द बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ साउथ वेस्ट मानसून, सेकंड इट लाइज इन द रेन शेडो एरिया ऑफ द अरबियन सी ब्रांच ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून। नेक्स्ट है भारत में वर्षा के वितरण को समझे, काफी बढ़िया क्वेश्चन है कि किन किन इलाकों में कैसी कैसी वर्षा होती, काफी बढ़िया क्वेश्चन है। तो भारत में औसत वार्षिक वर्षा लगभग 125 सेंटीमीटर, 1 मार्क्स का क्वेश्चन तैयार हो गया है, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि भारत में एवरेज रेन जो है वो कितनी मानी गई है, 125 सेंटीमीटर लगभग एवरेज, ठीक है, सब जगह नहीं होती लेकिन औसत माना जाता है, एवरेज माना जाता है, लेकिन इसमें बहुत सारी विभिन्नताएं हैं, वो तो बिल्कुल अपन मान ही रहे हैं। एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इन इंडिया, तो आंसर स्टार्ट करते हैं, द एवरेज एनुअल रेनफॉल इन इंडिया इज अबाउट 125 सेंटीमीटर, बट इट हैज़ ग्रेट स्पेशल वेरिएशंस, बहुत सारे वेरिएशंस के अंदर है, लाइक फर्स्ट अपन ले रहे हैं अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, फिर अपन कम वाले लेंगे, मतलब बहुत बढ़िया आंसर लिखा है मैंने इसका पॉइंट बना बना के। पहले अपन उसकी बात करेंगे जो बहुत ज़्यादा बारिश होती है, अधिक वर्षा वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं, अधिक वर्षा होती है पश्चिमी घाट में, ठीक है, पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट और उत्तर पूर्व के उप हिमालय क्षेत्र जो हैं,
तथा मेघालय की पहाड़ियाँ जो अपने देख लिया था ना मौसिन नाम वगैरह, मेघालय की पहाड़ियाँ पर होती है, यहाँ वर्षा 200 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा होती है। फिक्स एक दो लोकेशन डाल देना, पश्चिमी घाट यानी वेस्टर्न घाट डाल देना, आप हिमालय डाल देना या फिर मेघालय की पहाड़ियाँ डाल देना, मेघालय हिल्स, ठीक है। यानी कि एरियाज ऑफ हाई रेनफॉल, द हाईएस्ट रेनफॉल अकर्स अलॉन्ग द वेस्ट कोस्ट ऑन द वेस्टर्न घाट्स एज वेल एज इन द सब हिमालयन एरियाज इन द नॉर्थ ईस्ट एंड हिल ऑफ मेघालय, हियर रेनफॉल एक्सिस्ट 200 सेंटीमीटर, लगभग 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश इन इलाकों में होती है। तो इस तरीके से अपन फिर लेंगे कम वाले, फिर एवरेज वाले, बहुत शानदार आंसर इसका लिखना है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बस एक ध्यान एक रखना है कि लोकेशन मत भूल जाना, एक दो लोकेशन आपको डालनी पड़ेगी, वेस्टर्न घाट डाल दो, चाहे हिमालय क्षेत्र डाल दो, चाहे मेघालय हिल्स डाल दो, ठीक है। ऐसे ही देखो अपना सेकेंड है वो है मध्यम वर्षा के क्षेत्र, यानी कि एरियाज ऑफ मीडियम रेनफॉल। तो देखो करना क्या है, इनके ज़्यादा नहीं तो स्टेट याद कर लेना, राज्यों के नाम याद कर लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और कितनी बारिश होती है, 100 से 200, 200 से ऊपर, 200 से कम, बस ये ज़रूर याद रख लेना। और सारे स्टेट्स के अगर नाम याद नहीं हो तो दो तीन याद कर लेना, बस सफिशेंट मार्क्स मिल जाएंगे। गुजरात का दक्षिणी भाग, पूर्वी तमिलनाडु, ओडिशा सहित उत्तरी पूर्वी प्रायद्वीप, झारखंड, तो अगर ये मुश्किल वर्ड जैसे याद नहीं होते हो तो ऐसे कर लो, गुजरात, तमिलनाडु, झारखंड, बिहार, ऐसे कर लो, कोई मार्क्स नहीं कटते, ठीक है। ये सब मणिपुर, इन सब में 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना। 100 से 200 मीडियम, 200 से ऊपर अधिकतम यानी हाईएस्ट, और न्यून हो जाएगी 50 से 100 के बीच, ये ध्यान रखना है, ठीक है। यानी कि रेनफॉल बिटवीन 100 to 200 सेंटीमीटर रिसीव्ड इन द साउथ सदर्न पार्ट्स ऑफ गुजरात इज तमिलनाडु, नॉर्थ ईस्टर्न पेनिनसुलर कवरिंग ओडिशा, झारखंड, बिहार, ईस्टर्न मध्य प्रदेश एंड मणिपुर, ठीक है। फिर न्यून वर्षा वाले क्षेत्र यानी कि पश्चिमी यूपी, उत्तर प्रदेश, तो यूपी याद कर लोगे, उत्तर प्रदेश तो भी चलेगा, पश्चिमी लिख दो तो सबसे बढ़िया, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर और पूर्वी राजस्थान, जो हमारा ईस्टर्न राजस्थान है, उसमें भी न्यून वर्षा का एरिया आता है। गुजरात, दक्कन के पठार पर वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच में होती है। तो दो तीन स्टेट के नाम और बस 50 से 100 के बीच, ये ज़रूर याद रखना, ठीक है, फुल मार्क्स मिल जाएंगे। एरियाज ऑफ लो रेनफॉल, तो वो है अपना वेस्टर्न यूपी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, ईस्टर्न राजस्थान, गुजरात एंड डेक्कन प्लेटू रिसीव रेनफॉल बिटवीन 50 to 100 सेंटीमीटर, बस। और फिर अपर्याप्त वर्षा क्षेत्र, जहाँ पर कोई मतलब फिक्स नहीं है, बारिश होती नहीं है प्रॉपर, कम, बिल्कुल कम, तो प्रायद्वीप के कुछ भागों, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में, और लद्दाख और पश्चिमी राजस्थान के अधिकतर भागों में 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है, ठीक है। तो पश्चिमी राजस्थान का मतलब जैसलमेर वाला इलाका, पूरा जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है, ये अपर्याप्त वर्षा का क्षेत्र है। यानी कि एरियाज ऑफ इनएडिक्वेट रेनफॉल, तो पार्ट्स ऑफ पेनिनसुला स्पेशली इन आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड मध्य महाराष्ट्र, लद्दाख एंड मोस्ट वेस्टर्न जो राजस्थान है, वो रिसीव रेनफॉल बिलो 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर से भी कम। तो ये ध्यान रखना, 200 सेंटीमीटर से ऊपर, 100 से 200 के बीच, 50 से 100 के बीच, और इसमें 50 से भी नीचे, बस। फिर कुछ दो तीन स्टेट के नाम, बस प्रॉपर शानदार आंसर बन जाएगा, ठीक है। भारत की अर्थव्यवस्था पर मानसूनी जलवायु के प्रभाव बताइए, जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है, एक्सप्लेन द इफेक्ट्स ऑफ मानसून क्लाइमेट ऑन द इकोनॉमी ऑफ इंडिया। सीधी सी बात है, आप इसके बारे में बिना सोचे समझे भी लिख सकते हो कि जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है, मतलब क्योंकि हमारे जो भारतीय है ना, मोस्टली 64% है ना, आई थिंक 64 जो NCERT बुक में डेटा, 64% जो लोग हैं वो कृषि पर डिपेंड है, एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। हालांकि ये रेशो आगे पीछे चेंज होता रहता है, लेकिन आपकी बुक के अकॉर्डिंग चलना है, जब कॉम्पिटेटिव तैयारी करोगे तो वो फैक्ट अलग होते हैं, क्योंकि वो तो फिर हर साल अपडेट होते हैं, लेकिन अभी आपको NCERT वाला लिखना है। तो 64% लोग अभी भी कृषि पर डिपेंड है। अभी सोचो, कृषि का मतलब एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का मतलब जब बारिश होगी तो फसल होगी, और वो भी अपन दक्षिण पश्चिम मानसून पर, क्योंकि हमारे मोस्टली राजस्थान में या फिर भारत के अंदर, पूरे भारत में बारिश जो होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, ठीक है। यानी कि जो साउथ ईस्ट वाला, जो साउथ वेस्ट वाला जो मानसून होता है, उससे बारिश होती है। तो जब वो नहीं टाइम पे होगा तो हमारी अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी, ठीक है। अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगा मतलब किसान गरीब हो जाएंगे, खाने के लिए फिर अन्न कम पड़ जाएगा, देश के लिए अन्न कम पड़ जाएगा, तो बहुत सारी बातें हैं। यानी कि मानसून वह धुरी है, पहले हेडिंग लिख देना कि भारत की अर्थव्यवस्था पर मानसूनी जलवायु के प्रभाव निम्नलिखित है, क्या है कि मानसून वह धुरी है जिस पर समस्त भारत का जीवन चक्र घूमता है, पूरा भारत डिपेंड है, क्योंकि खाएंगे क्या,
ठीक है। हालांकि किसानों को सरकार अभी थोड़ा हल्के में ले रही है, चलते ही किसानों के ऊपर किसानों का शोषण करती है, लेकिन उनको इस चीज़ का होश नहीं है कि जिस दिन किसान अगर खेती करना बंद कर देंगे तो तुम्हारा क्या होगा। ठीक है, तो किसान अन्नदाता है, किसान की रेस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, किसान से बड़ा कोई नहीं है, ये समझना ज़रूरी है। बड़ी मेहनत से वो अन्न कमाते हैं, देश खाता है, तो ठीक है। तो क्योंकि भारत की 64% जनता भरण पोषण के लिए खेती पर निर्भर करती है, 64% जो मुख्यतः दक्षिणी पश्चिमी मानसून पर आधारित है, और अगर ये मानसून टाइम पर नहीं होगा तो फिर क्या होगा, सोच लो 64% पॉपुलेशन का। ठीक है, यानी कि द इफेक्ट्स ऑफ मानसून क्लाइमेट ऑन द इकोनॉमी ऑफ इंडिया, फर्स्ट है, मानसून इज दैट एक्सिस अराउंड विच रिवॉल्व्स द एंटायर एग्रीकल्चरल साइकिल ऑफ इंडिया। इट इज़ बिकॉज, ये इसलिए हैं, अबाउट 64% पीपल ऑफ इंडिया डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर लेवलीहुड, एंड एग्रीकल्चर इट सेल्फ इज बेस्ड ऑन साउथ वेस्ट मानसून। ठीक है, और बेसिकली हम पूरे दक्षिण पश्चिम मानसून पर ही डिपेंड है। 64 का डेटा मत भूल जाना, ये थोड़ा आपके आंसर को थोड़ा मजबूत बनाएगा, इफेक्टिव बनाएगा। ठीक है, सेकेंड है, हिमालयी प्रदेशों के अतिरिक्त शेष भारत में वर्ष भर गर्मी रहती है, वहाँ तो ठीक है थोड़ा माहौल ठीक रहता है, बाकी पूरे वर्ष भर गर्मी रहती है, जिससे सारा साल खेती की जा सकती है। गर्मी के अंदर फसल करना बहुत ईजी होता है, क्योंकि जो अन्न होता है वो पक भी जाता है, मतलब जैसे अपन कोई धान बोते तो नॉर्मल उसमें क्या होना चाहिए, उमस होनी चाहिए, ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। ठीक है, वो चीज़ है। तो एक्सेप्ट हिमालयस ऑल द पार्ट्स ऑफ कंट्री हैव टेम्परेचर अबव द थ्रेशोल्ड लेवल ऑफ ग्रो टू क्रॉप्स और प्लांट थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल भर। और लास्ट नहीं, हालांकि भी और पॉइंट लिखेंगे, लेकिन तीसरा पॉइंट देखो, मानसून जलवायु की क्षेत्रीय विभिन्नता नाना प्रकार की फसलों को उगाने में सहायक है। ये नाना अपने नाना जी नहीं है, इस नाना का मतलब है बहुत सारी, बहुत सारी, मतलब नाना का मतलब होता है बहुत प्रकार की फसलें जो हैं वो उगाने में सहायक है हमारी मानसूनी जलवायु। ठीक है, क्योंकि हमारी जलवायु कैसी, हमारा क्लाइमेट कैसा है, मानसूनी है, तो रीजनल वेरिएशन इन मानसून क्लाइमेट हेल्प इन अ ग्रोइंग वेरियस टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। वेरियस टाइप्स ऑफ क्रॉप्स का मतलब नाना प्रकार की फसल, नाना प्रकार का मतलब बहुत प्रकार के डिफरेंट डिफरेंट तरह की क्रॉप्स हम उगा सकते हैं, क्योंकि हमारी जलवायु है मानसूनी है, मतलब कि मानसूनी क्लाइमेट है हमारा। ठीक है, ऐसे फोर्थ पॉइंट देखो कि वर्षा की परिवर्तनीय देश के कुछ भागों में सूखा अथवा बाढ़ का कारण बन सकती है। बिल्कुल सही है, देखो कहीं पर तो बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है तो वहाँ बाढ़ आ जाती है, और कहीं पर बिल्कुल सूखा ही पड़ जाता है, ये भी एक समस्या है। ठीक है, यानी कि वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल ब्रिंग्स ड्रॉट और फ्लड एवरी ईयर इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ठीक है, ऐसे ही फिफ्थ पॉइंट है, भारत में कृषि की समृद्धि वर्षा के सही समय पर आने तथा उसके पर्याप्त वितरित होने पर निर्भर करती है। बिल्कुल सही है, हमारा देश कृषि प्रधान है और किसान खेती बाड़ी काम करते हैं, बारिश नहीं होगी तो फिर अपने देश की समृद्धि नहीं हो पाएगी, क्योंकि इकोनॉमिकल अपन 50-60% के बीच अभी भी एग्रीकल्चर पर डिपेंड करता है हमारा देश। ठीक है, तो बारिश का सही समय पर होना बहुत ज़रूरी है, वरना फिर चाहे बारिश कभी भी हो उसका कोई मतलब नहीं है, जब फसल को जरूरत हो उसी टाइम बारिश होना ज़्यादा ज़रूरी है। यदि वर्षा नहीं होती तो कृषि पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहाँ सिंचाई के साधन बिल्कुल भी विकसित नहीं है। अभी भी हमारे देश के अंदर खूब सारी जगह ऐसा है जहाँ वहाँ पर सिंचाई नहीं है, वो सिर्फ बारिश वाली इसी पानी पे ही या फिर इसी फसल पे ही डिपेंड करते हैं, तो अगर वहाँ नहीं होगी तो फिर उन लोगों की हालत ख़राब हो जाएगी। ठीक है, यानी एग्रीकल्चर प्रॉस्पेरिटी ऑफ इंडिया डिपेंड्स वेरी मच ऑन टाइमली एंड एक्विटली डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल। इफ इट्स फेल तो एग्रीकल्चर इज एडवर्सली अफेक्टेड, पर्टिकुलरली इन दोज रीजन्स फेयर मीन्स ऑफ इरीगेशन आर नॉट डेवलप्ड, जहाँ पर इरीगेशन बिल्कुल भी नहीं है तो वहाँ पर इस बारिश का होना बहुत ज़रूरी है। छठा पॉइंट है, मानसून का अचानक प्रस्फोट देश के व्यापक क्षेत्रों में मृदा अपरदन की समस्या उत्पन्न कर देता है। मृदा अपरदन का मतलब होता है मिट्टी का कटाव, जमीन का कटना, ऊपर की लेयर कट जाएगी तो फिर फसल की जो फसल अच्छी नहीं होगी, क्योंकि उसका जो उर्वरक क्षमता है, उसकी जो फर्टिलिटी है वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि हमारे देश में अचानक से मानसूनी बारिश होती है बहुत तेज़, तो वो बहुत सारी हमारे ऊपर मिट्टी की जो पार्टिकल्स है उसको, मतलब ऐसा कहते हैं ना कि बुआर के ले जाती है। ठीक है, ये कारण है, कटा के ले जाती है। यानी कि सडन मानसून ब्रस्ट क्रिएट्स प्रॉब्लम ऑफ सॉइल इरोजन ओवर लार्ज एरियाज इन इंडिया, ये भी एक बड़ी समस्या हमारे लिए। ठीक है, और सातों पॉइंट देखो, उत्तर भारत में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों द्वारा होने वाली शीतकालीन वर्षा रबी की फसलों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होती है, और जब नहीं होगी तो बताओ फिर वहाँ पर कैसे काम चलेगा। तो विंटर रेनफॉल बाई टेम्परेट साइक्लोन्स इन नॉर्थ इंडिया इज हाईली बेनिफिशियल फॉर रबी क्रॉप्स। ठीक है, और लास्ट आठवां पॉइंट है कि भारत की जलवायु की जो क्षेत्रीय विभिन्नता है वो भोजन, वस्त्र और आवासों की विविधता में उजागर होती है। रीजनल क्लाइमेट वेरिएशन इन इंडिया इज रिफ्लेक्टेड इन द वेस्ट वैरायटी ऑफ फूड, क्लोथ्स एंड हाउस टाइप्स।
क्योंकि देखो जहाँ पर जैसी जलवायु होगी उस अकॉर्डिंग कपड़े पहने जाते हैं, उस अकॉर्डिंग खाना खाया जाता है। जैसे कहीं पर बाजरा ज़्यादा खाया जाता है तो कहीं पर गेहूँ ज़्यादा खाए जाते हैं तो कहीं पर चावल ज़्यादा खाए जाते हैं। अलग अलग एटमोसफियर है, अलग अलग लोग रहते हैं, अलग अलग पहनावा है, अलग अलग ज़्यादा गर्मी तो अलग तरह कपड़े पहने जाते हैं, नॉर्मल गर्मी तो अलग तरह कपड़े पहने जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा पहनावा इन सब और वैसे ही घर होते हैं, जैसे कहीं पर कच्चे मकान भी होते हैं झोंपड़ी टाइप, ताकि वो थोड़ी ठंडी रहे। तो मतलब अलग अलग तरह के कहीं पर चादर के होते हैं, तो कहीं मतलब सिर्फ सब सिस्टम अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट अकॉर्डिंग टू जलवायु होते हैं भारत के अंदर। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है अपना, वह भूमंडलीय तापन क्या है तथा इसके प्रभाव लिखिए, यानी कि व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग एंड राइटिंग इट्स इफेक्ट्स। तो देखो आंसर देखो कि विभिन्न कारकों के प्रभाव स्वरूप पृथ्वी के औसत तापमान में हो रही निरंतर वृद्धि को भूमंडलीय तापन कहते हैं। देखो हमारे जैसे कि गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, इतनी सारी हर घर में गाड़ी होगी आजकल, तो उससे सीधी सी बात है वो जब चलेगी तो उससे पोल्यूशन होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, हर घर में एसियां हो गई उससे पोल्यूशन, मतलब हर ये सब कारण है। इससे जो एवरेज टेम्परेचर उसमें रोजाना वृद्धि हो रही है। जैसे आपने देखा होगा पहले कोई ज़माने में 30 डिग्री 25 डिग्री बहुत ज़्यादा माना करते थे, लेकिन आजकल 50 डिग्री टेम्परेचर भी क्रॉस कर गया हमारे देश के अंदर, और अभी भी इन गर्मियों में देख लेना 50+ जाएगा। तो ये जो रोजाना निरंतर वृद्धि हो रही है इसी को भूमंडलीय तापन कहा जाता है। ठीक है, यानी कि द इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ एज ए रिजल्ट ऑफ वेरियस फैक्टर्स इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। फिर अब इसने इससे ये भी पूछा है कि इसके प्रभाव क्या होंगे, फिर तो बहुत बुरे प्रभाव होने वाले हैं इसका। देखो भूमंडलीय तापन के प्रभाव कि एक अनुमान के अनुसार 2100 जो टाइम सेंचुरी अभी उसमें भूमंडलीय तापन के लगभग 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो जाएगी। दो से क्या, ये तो और अनुमान इससे ज़्यादा ही हो रही, कम नहीं हो रही। ठीक है, यानी अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेट इन द ईयर 2100 देर विल बी एन इंक्रीज इन ग्लोबल वार्मिंग बाय अबाउट 2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सेकंड है ये भी कारण होगा कि जलवायु अगर परिवर्तन होगी तो उससे मलेरिया जैसी अनेक कीटजन्य जो बीमारियां होती है उनमें भी बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी। क्लाइमेट चेंज विल लीड टू द इंक्रीज इन मैनी इंसेक्ट बॉर्न डिजीज सच एज मलेरिया, ये सब बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। तीसरा होगा कि जो कृषि है उसके प्रारूप में परिवर्तन हो जाएगा, यानी कि देर विल बी ए चेंज इन द फॉर्मेट ऑफ एग्रीकल्चर, क्योंकि जब बारिश के टाइम पर नहीं होगी टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो फिर जो ठंड में या कम टेम्परेचर में होने वाली फसल है वो फिर नहीं बो पाएंगी, फिर उसके लिए कुछ अलग सोर्स सोचना पड़ेगा, तो उसके प्रारूप में उसके में भी चेंज हो जाएगा, ये भी ज़रूरी हो जाएगा देखना। इसके साथ ही जनसंख्या और पारिस्थितिक तंत्र में भी व्यापक परिवर्तन हो जाएंगे। ठीक है, पॉपुलेशन भी कम ज़्यादा जैसी भी होगी, हमारा एनवायरमेंट पारिस्थितिक तंत्र भी चेंज हो जाएगा, कहाँ से इतने जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा इतना पानी कहाँ से आएगा, इतने पेड़ पौधे वगैरह नहीं रहेंगे, तो बहुत ज़्यादा मुश्किलें पैदा आगे होने वाली है। तो अलॉन्ग विद दिस देयर विल बी मैसिव चेंजेस इन द पॉपुलेशन एंड इकोसिस्टम एज वेल एज। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत ही प्यारा सा ये क्वेश्चन था, वो भी मैंने कंप्लीट हो गया।